Good afternoon, everyone. <clears throat> I think it's a sheer pleasure to introduce an amazing speaker for today, Mitesh Thakkar uh, I'm not somebody who comes from a capital market background, but very glad that I started my career in capital markets and that also in Deutsche Bank. So thank you, Mitesh for being a part today. Mitesh Thakkar, a technical analyst and a proprietary trader, currently associated with CNBC TV18. He completed his post graduation from TAPI Management Institute in 1999 and since then he's worked with various companies like First Global, Kotak Securities and Edelweiss in the role of technical and trading analyst. In 2008 he started his own venture and since then he has been associated as a technical expert on various TV channels sharing his market views and trading ideas on a daily basis. Check him on Twitter he's been actively using Twitter as well sharing all these insights as well and on Instagram he shares his photo clicks. He's a photographer otherwise so on Instagram he puts up various amazing photographs that he clicks. Thank you so much Mitesh ji for being a speaker today. Can we have a huge round of applause for Mitesh Thakkar. Uh, over to you.

मुझे लगा कोई सुनेगा नहीं आधे लोग सो रहे होंगे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा आप में से कितने लोग एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं इफ आई कैन जस्ट हैव अ शो हैंड्स काफी uh, अच्छी पॉपुलेशन है तो और कितने लोग uh, सुखी है सर आपका तो, तो, तो गोज विदाउट सेइंग सो so सुखी मतलब प्रॉफिटेबल नहीं होता है दोनों में अंतर है राइट right. हाँ yeah. क्या होता है ना ट्रेडिंग मार्ग मेरा जो एक्सपीरियंस है एंड मे बी दैट इज़ बिकॉज क्योंकि हम एज अ ट्रेडर हमेशा अपने परफॉर्मेंस को पिछले परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और चाहते हैं कि हम उसको बेटर आउट करें तो वो सुख वाली फीलिंग आती नहीं कभी ठीक है लॉस हो गया तो आदमी वैसे ही दुखी है और प्रॉफ़िट हुआ तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा और रुक जाता तो थोड़ा और प्रॉफिट बन जाता वो फीलिंग रहती है और एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग मेरा करियर का फेज़ था जब मैं फर्स्ट ग्लोबल में था Uh, और 99 2000 का जो बेयर मार्केट आया था सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में तब मैं uh, शंकर जी के साथ था और uh, उनका चीफ टेक्निकल एनालिस्ट था और तभी मैंने जॉब चेंज करके कोटे सिक्योरिटीज ज्वाइन किया था पी में टू एडवाइज़ द फंड मैनेजर्स और uh, दो तीन दिन बाद मार्केट बहुत गिरा और कई सारे सॉफ्टवेयर स्टॉक में उस टाइम अगर आपको याद हो जो वेटरन्स होंगे उनको तो पक्का याद होगा कि आठ का सर्किट हुआ करता था स्टॉक्स में तो मैं जाने के पहले जो जो मैंने शॉर्ट कराया था आ, वो उनका प्रॉप शॉट चल रहा था बदले में और जब मैं कोटक जॉइन किया दो तीन दिन बाद मार्केट ज़ोर से गिरा और कई सारे स्टॉक्स नेगेटिव एट परसेंट सर्किट लिमिट पे आ गए तो मैंने फ़ोन किया स्टाफ को मैंने कहा आज तो पार्टी है तुम्हारी क्योंकि हमारे यहाँ रूल था फर्स्ट ग्लोबल में हम लोग काफ़ी शॉटिंग करते थे और जब भी मार्केट ज़ोर से गिरता था तो जलेबी आती थी शंकर बड़ा और जलेबी फॉर ऑल ऑफ एस एज ए ट्रीट लाइक भाई जी भर के जलेबी खाओ तो मैंने फ़ोन किया कि भाई आज तो पार्टी है आज तो तुम्हारी जली भी आने वाली है सामने से जवाब मिला भाई बोल मत सेठ बहुत दुखी है बोला क्यों मार्केट तो गिर गया बोले कल ही शॉर्ट काटा था आज फिर आठ टका डाउन है तो पैसा बनाने के बाद भी यू नो सुखी होना एक अलग चीज़ है ट्रेडिंग में अगर आप देखेंगे तो कई लोगों ने कहा पैसा बनाना इजी है एक सिंपल तरीका होता है ट्रेडिंग एक्चुअली पैसा बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इट इज़ नॉट अ वेरी ईजी जॉब कि आपने लैपटॉप खोला चार्ट लगाया कुछ कुछ स्टडीज़ लगाया और हो गया काम लाइफ में जाकर कर बिकॉज आप एक एनालिस्ट हो सकते हैं और चूँकि मैं इस जर्नी से गुजरा हूँ मैंने अपना करियर एज अ टेक्निकल एनालिस्ट चालू किया था और उसके बाद प्रॉप ट्रेडिंग चालू किया तो आप एक अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं परंतु तो आपको अच्छा ट्रेडर बनने में थोड़ा और ज़्यादा समय लग जाता है तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस है कई सारे चैलेंजेस होते हैं एक मैं बहुत ही फेमस बुक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर विच इज़ रेमिनसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं स्ट्रॉगली रिकमेंड करूँगा जितने भी ट्रेडर्स हैं उस बुक को एक बार जरूर पढ़ें जैसी लेवर मोर का अगर आपने नाम सुना हो तो ये बुक उनकी लाइफ स्टाइल पर बेस्ड है उनकी लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है सॉरी और ही वॉज द गाए जो नाइनटीन ट्वेंटीज़ में अर्ली नाइनटीन हंड्रेड में ट्वेंटी uh, सेंचुरी में तीन बार ही वॉज अ मल्टी मल्डीनियर और तीन बार बैंक्रप्ट हुए एंड ही वॉज जीत वाई लाइक यू ही वॉज अ वेरी गुड स्क्रीन रीडर मतलब वो भाव देख के स्क्रीन देख के बेटिंग uh, uh, या अपनी पोजिशंस uh, ट्रेड uh, करते थे सो इट इज़ ऑल अबाउट हिम एंड कहीं पर एक बुक में उस उस एक पेज में ये कोट है जो कि मुझे बड़ा पसंद है कि इफ अ मैन डज नॉट मेक वन मिस्टेक इन द स्टॉक मार्केट ही विल मेक एनी ऑफ दी टेन थाउजेंड कजिन्स ऑफ दैट मिस्टेक मतलब मिस्टेक करने का फैमिली इतना बड़ा है कि अगर आप एक आधी मिस्टेक से बच भी गए तो भी आप कोई ना कोई दूसरी मिस्टेक करोगे ही और इसीलिए ट्रेडिंग में मैं, मैं मैं, पूछ रहा था कि कितने लोग सुखी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जा कर के हमें लगता है कि यार ये नहीं किया होता ये नहीं होता या मैंने इसको इस तरीके से ट्रेड को हैंडल किया होता लेटेस्ट एग्जाम्पल है आई थिंक जो हमारे ग्रुप में है वो जानते होंगे कोल इंडिया हमने काफ़ी अग्रेसिवली सभी लोगों ने बाय किया था और टू के आसपास वो जो अपना सिस्टम तो बाई में ही है पर अपने को लगता है कि यार कोल इंडिया पचास रुपये बढ़ गया और बढ़ सकता है क्या मैंने बड़े प्यार से प्रॉफिट लिया और बहुत खुश होकर प्रॉफिट लिया और चार दिन बाद मैं इतना दुखी था कि वाइफ बोली क्या हो गया कुछ तकलीफ वकलीफ है मैंने कुछ हुआ नहीं कोल इंडिया छूट गया मेरा सो <laughs> so, बड़ा ही डिफ़िकल्ट है तो इन सारे चैलेंजेस को जब हम लोग फेस करते हैं एज ए एनलिस्ट एक उम्मीद यह रहती है कि हम कुछ ट्रेडिंग सिस्टम या सिग्नल्स बना पाएँ जिसकी वजह से एटलीस्ट अगेन कोई परफेक्ट सिस्टम तो होता ही नहीं है लाइफ में जो आपको एग्जैक्ट टाइम पर बता दे कि यहाँ पर टॉप बन रहा है या यहाँ पर बॉटम बन रहा है बट uh, एटलीस्ट आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो कुछ ऐसे सेट ऑफ सिग्नल्स हो जो कि आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ कर सके एम आई राइट आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज एवरीबडी हु इज़ वर्किंग ऑन चार्ट्स वो कंटिन्यूसली ट्राई करता है मूविंग एवरेज में डालू एम एस सी डालू फिर देखता है बहुत सारे इंडिकेटर्स हो गए दो चार को निकाल दूँ ये चैलेंज हमारे साथ मतलब ये ज़िंदगी भर का आता है शादी हो गया इससे जा करके वैसा वाला चीज़ है तो आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेरेटिव सर आर एस आई नहीं आर एस सी ये बेसिकली uh, मुझे पता नहीं है कि जस्ट इफ़ आई कैन हैव वन अदर रेज ऑफ हैंड्स आप लोगों में से कितने लोग आर यूज़ करते हैं या रेगुलरली उसको काम करते हैं सर आई थिंक दो या तीन ही हैंड्स है तो आई एम श्योर कि बाकी लोगों को एक अच्छा नॉलेज uh, मिल जाएगा इसके बारे में और अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहें मेरे प्रेजेंटेशन में तो मोस्ट वेलकम आई वेल बी हैप्पी टू लर्न टू मतलब वो सीखने की चाह तो रहती है तो आर जो टॉपिक है uh, <coughs> बेसिकली ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि एक स्टॉक के परफॉर्मेंस को दूसरे स्टॉक के सामने मेजर करता है टिपिकली टेक्निकल एनालिस्ट लोग क्या करते हैं प्राइस को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे जा कर के उस पे अपनी पर अपनी स्टडीज़ लगाते तो हैं ट्रेंड लाइन्स बनाते हैं पैटर्नस आइडेंटिफाई करते हैं इंडिकेटर्स लगाते हैं मूविंग एवरेजेस लगाते हैं परंतु यहाँ पर आप क्या करें आप बजाय प्राइस को प्लॉट करने के आप दो स्टॉक्स के एक स्टॉक हो सकता है एक इंडेक्स हो सकता है अब दो स्टॉक के प्राइस का रेशियो निकाल के उस रेशियो लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं ठीक है रेशियो लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद आप ये देखना चाहते हैं कि उस रेशियो लाइन से क्या हमें कोई ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि हम बोल सके कि एक स्टॉक दूसरे स्टॉक से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा राइट सो so बेसिकली लोग एक से परेशान हैं हम यहाँ परेशानी को थोड़ा डबल कर रहे हैं हम दो लाइन का मिक्सचर करके एक नई लाइन बना रहे हैं उसके ऊपर स्टडीज डालने की ट्राई कर रहे हैं ठीक है सो so, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्लाइड पे, आई थिंक अ लुक द आर is calculated इज़ कैलकुलेटेड the डिवाइडिंग द two ऑफ टू स्टॉक्स ऑन बेस डेट अराइविंग एट अ ratio, रेशियो एंड देन प्लॉटिंग दिस line लाइन ऑन द ग्राफ टू अंडरस्टैंड performance और the comparative स्ट्रेंथ uh, एक एग्जांपल भी मैंने दिया है फॉर एग्जाम्पल डेट से आपने कोई एक डेट ली और uh, दो स्टॉक्स के प्राइस को डिवाइड किया और रेशियो आपका आया फाइव तो एक स्टॉक सौ रुपए का एक स्टॉक बीस रुपए का है एंड कुछ दिन बाद जब डिवाइड किया तो आपका रेशियो आया 5.5 इट विल टिपिकली मीन दैट दी न्यूमिनेटर स्टॉक जो ऊपर में था हैज आउट परफॉर्म दी डिनोमिनेटर स्टॉक बाय अबाउट टेन परसेंट ये क्लियर है सबको अच्छा लंच के बाद हाँ बोल सकते हैं मतलब मुझे पता है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्स डिले हो जाता है बट मुझे पता चले कि आप लोग जाग रहे हैं जब मालूम पड़ जाए कंफर्म हो जाए जा, कि आप लोग नहीं जाग रहे हैं तो फिर मैं यहाँ से उतर सकता हूँ नीचे आराम से चलिए तो रेशो हो गया चेंज अब इस रेशो के चेंज होने के कई कारण हो सकते तो हैं सिंपल है कि दोनों के प्राइस मूवमेंट्स हुए होंगे दोनों स्टॉक्स में तो एक तरीका यह है कि दोनों स्टॉक ऊपर गए परंतु एक स्टॉक दूसरे स्टॉक से ज़्यादा ऊपर गया तो प्राइस रेशो चेंज हो गया या फिर दोनों स्टॉक नीचे गए एक स्टॉक दूसरे स्टॉक से ज़्यादा नीचे गया तो फिर प्राइस रेशो चेंज हो गया या फिर एक स्टॉक ऊपर गया एक स्टॉक वहीं पर है चौथा ऑप्शन है कि एक स्टॉक नीचे गया और दूसरा स्टॉक वहीं पर है तो भी आपका प्राइस रेशो चेंज हो जाएगा या फिर एट द बेस्ट सिनारीओ कि आपका एक स्टॉक ऊपर गया दूसरे स्टॉक ने डिक्लाइन किया एंड देरफोर आपका प्राइस रेशियो फिर से चेंज हो गया ठीक है तो मल्टीपल तरीके से प्राइस रेशियो चेंज हो सकता है ये तो सिंपल मैथमेटिक्स समझने की बात है परंतु तो ये सब करके इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है तो जो स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम कंपेटिव स्ट्रेंथ की या रिलेटिव स्ट्रेंथ की कि हम एक स्टॉक के परफॉर्मेंस को दूसरे स्टॉक के सामने मेजर करने की ट्राई कर रहे हैं या उस पर कुछ कंक्लूजन लाने की ट्राई कर रहे हैं उसको बेसिकली तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं पहले हो गए आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स या फंड मैनेजर्स अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे तो जब कोविड के बाद बॉटम बना था और फेसबुक का डील हुआ था तो रिलायंस सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला स्टॉक था परंतु तो आप थोड़ा और आगे आएंगे तो आप बोल सकते हैं कि रिलायंस ने पिछले छः महीने में निफ्टी को काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है इनफैक्ट रिलायंस ने निफ्टी को क्या ओ को भी अंडर परफॉर्म किया है या गोल्ड को भी या बिटकॉइन को भी सो so बेसिकली आप किसी भी स्टॉक को या किसी भी इंडेक्स को दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं तो फंड मैनेजर्स के लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आ रही है बिकॉज उनको अपने सेक्टरल एलोकेशन डिसाइड करने होते हैं अगर आपका मल्टी मल्टी एसेट क्या फ़ंड है तो लार्ज क्या फ़ंड है तो कि मुझे किस सेक्टर में कितना वेटेज रखना है और वो डिसाइड करने के बाद इंट्रा सेक्टर एलोकेशन भी कर सकते हैं राइट right? कि अगर सपोज़ मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे ऑटो में ओवरवेट रहना है निफ्टी ऑटो में या ऑटो ऑटो स्टॉक्स में तो मुझे टी वी मोटर ज़्यादा लेना है कि मुझे मारुति लेना है कि मुझे टाटा मोटर्स लेना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये प्रोसेस चलती रहती है बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल बन सकता है फंड मैनेजर्स के लिए देन आजकल मार्केट में और इंडिया में पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ए आई एफ इंट्रोड्यूस हुए हैं विच अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सॉरी सो so, हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में ए वगैरह लॉन्च हुए हैं जो कि ग्लोबल और इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से हेज फंड्स काम करते हैं उसके सिमिलर प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं ऑफ कोर्स सिविल के रेगुलेशन थोड़े से स्ट्रॉन्ग और टफ़ हैं परंतु ब्रॉड वर्किंग उनका वही है और कई सारे ए फंड या हेज फंड्स डिप्लॉय करते हैं अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजीज़ में अगर आपने समीर अरोड़ा का सुना होगा सी एन बी सी पे तो काफ़ी बार बात करते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो सेवेंटी परसेंट लॉन्ग है थर्टी परसेंट शॉर्ट है तो अगर आप आर का यूज़ करते हैं और आप डिटरमाइन करते हैं कि कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और कौन से स्टॉक्स अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका अगर लॉन्ग एलोकेशन सेवेंटी है तो लॉन्ग एलोकेशन में मेजोरिटी स्टॉक्स आपके वो रहेंगे जो आपको आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं मेजोरिटी का सारे ही वो रहेंगे जो आपको आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद दिखा रहे हैं और शॉर्ट साइड में शॉर्ट साइड ऑफ पोर्टफोलियो में जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं वहाँ पे ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं करेक्ट और फाइनली ट्रेडर्स के लिए सो so, ट्रेडिंग में भी देखिए कैसा होता है कि दो बड़े चैलेंज होते हैं एक चैलेंज होता है कि हमारी कैपिटल जो है वो होती है फाइनाइट ठीक है कि हम कितना ट्रेड्स ले सकते हैं एक स्टॉक लिया दूसरा स्टॉक लिया तीसरा स्टॉक लिया फाइनली आपको आपका मार्जिन यूज़ होने लगता है और कैपिटल होती है फाइनाइट एक बड़ा चैलेंज ये होता है दूसरा चैलेंज होता है आप खुद जो कि आप कितनी पोजिशन मैनेज कर सकते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करीबन सत्रह अठारह सालों से प्रॉप ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं फ्यूचर में सात या आठ पोजीशन के ऊपर जाता हूं, तो मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है मेरा परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नहीं होती है हर एक का अलग अलग होता है मेरा मुझे पता है कितना है तो आपको भी आपका लेवल पता होगा कि आप कितनी पोजिशन एक साथ में अच्छे से मैनेज कर सकते हैं एक्टिवली ट्रैक कर सकते हैं और सभी पोजिशन पर आप रैशनली डिसीजन ले सकते हैं तो वो भी फाइनाइट होता है किसी का आठ होगा किसी का दस होगा राइट तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आप दिन में 200, 400, 300 चार्ट्स देख रहे हैं और आपको हो सकता है कि उसमें से 30-40 चार्ट्स अच्छे लगे जहाँ पे कि आप ट्रेड ले सकते हैं इवेंचुअली आप लेंगे छः या सात ट्रेडिंग और ये एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ऑन रनिंग वीक बेसिस की बात कर रहा हूँ कि आप इवेंचुअली आपकी छः या सात या आठ जितनी भी होगी आपकी कैपेसिटी और कैपिटल उतने ट्रेड्स ही लेंगे तो ऐसे में क्या होता है कि आप ये भी चाहते हैं कि आपने जो लिया है वो आउट परफॉर्मिंग मोड में हो करेक्ट राइट right? अगर आपको निफ्टी ऑटो में ब्रेकआउट दिखता है और अगर आपने हीरो मोटर्स लिया है जो कि रिटेल की बड़ी कंप्लेन है कि सर मेरा स्टॉक तो नहीं चलता उसका बहुत चल जाता है राइट right? ये एक बड़ा नॉर्मल कॉमन फिनोमन है तो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं हम यहाँ पर तो अगर आपने और निफ्टी ऑटो में ब्रेकआउट देखा है और अगर, अगर आपने हीरो मोटर्स लिया है कंपेरेटिवली आपके बाजू वाले ने या शर्मा जी के बेटे जो आजकल इंटरनेट पर मीम्स आते हैं उन्होंने अगर टी वी मोटर लिया है तो फिर बोलेंगे ना शर्मा जी के बेटे को देखो कितना अच्छा कर रहा है ट्रेडिंग में भी तुमसे बेटर है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने का आज हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करेंगे uh, मेरा सिस्टम जो है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो करीब uh, uh, कई सालों से मैं उसको मॉडिफ़ाई करते जा रहा हूँ मैं ये नहीं कहूँगा और कह भी नहीं सकता कि ये परफेक्ट सिस्टम है परंतु तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है जो कि आपको एंट्री uh, एग्जिट के सिग्नल्स और कौन से ट्रेड्स लेने हैं और कौन से अवॉइड करने हैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देता है ठीक है सो कमिंग बैक टू दी आर एस सी यूज एक बार हम इसको जस्ट फटाफट फिनिश कर लेते हैं और फिर सिस्टम पे जाते हैं अगर कोई फंड मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर है तो मैंने जैसे बताया कि उनको एक कंपेरिजन करना होता है कि किस कि सेक्टर को मुझे ओवरवेट रखना है किस सेक्टर को मुझे अंडर रखना है फॉर एग्जाम्पल एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल्स एंड आई है लॉट ऑफ इट क्योंकि मैं खुद एम बी ए फाइनेंस हूँ तो मुझे फंडामेंटल्स में uh, के प्रति काफ़ी रिस्पेक्ट है बट एक चीज़ जो मैंने बहुत कॉमनली देखा है फंडामेंटल गाइस जो पिछले एक डेढ़ साल से कर रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि आप एच बैंक तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए और आप एक साल में एच बैंक को बी ओ बी कैनरा बैंक यूनियन बैंक किसी से भी कंपेयर कर लो धो पीट के हमारा एच डी बैंक को परफॉर्मेंस के मामले में करेक्ट सो so, <coughs> ये कंपेरिजन होना कि मुझे मेरे पोर्टफोलियो में मैं ये नहीं कहता कि आप एच बैंक बेच दो बिकॉज पिछला परफॉर्मेंस पाँच साल का बहुत अच्छा था उसका पर जब आपको सिग्नल्स दिख रहे हो कि इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्नल्स हैं अंडर परफॉर्मेंस के तो आप उसका वेटेज कम कर सकते हैं इट इज़ मेक श्योर दैट योर फंड इज परफॉर्मिंग बेटर सो वन द फंड मैनेजर्स विल कंपेयर सेक्टर्स वर्सेज अंडर सेक्टर करेक्ट एंड फिगर आउट कि कौन से सेक्टर में मुझे ओवरवेट रहना है फॉर एग्जाम्पल पिछले तीन महीने की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी निफ्टी को अच्छे से अंडर परफॉर्म कर रहा है आज का मुझे नहीं पता आज मैंने मार्केट देखा भी नहीं है सो so, <laughs> आज शायद ऊपर गए तो हो सकता है थोड़ा बैंक निफ्टी ने जोर लगाया होगा परंतु तो तीन महीने से आपको सिग्नल्स थे कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा तो ये सिग्नल्स आप लॉन्ग टर्म चार्ज पे भी देख सकते हैं तो सेक्टर कंपेयर करने के बाद आप सेक्टर के अंदर स्टॉक्स को कंपेयर करते हैं फॉर एग्जाम्पल निफ्टी की निफ्टी आई की अगर मैं बात करूँ तो कुछ दिन पहले जब निफ्टी आई में जब ब्रेकआउट्स आए थे तो आप देखेंगे कि उसमें सबसे अच्छा पार्टिसिपेशन जो आया था वो आपके मिड कैप स्टॉक से आया था एल टी टी एस एल टी आई एम टू सर्टन एक्सटेंड एच टेक टेक महिंद्रा और जो लेगार्ड स्टॉक था वो था विप्रो सो so, इस चीज़ की जानकारी होना या एटलीस्ट एट ऐसा कोई सिग्नल होना जो हमें पॉइंट आउट करे कि एक स्टॉक थोड़ा कम परफॉर्म करने वाला है आप उससे दूर रहिए बहुत ज़रूरी है और ये करने के बाद एक फंड मैनेजर इसके आगे थर्ड डेरिवेटिव में भी जा सकता है वो स्टॉक वर्सेज स्टॉक को कंपेयर करके कॉल ले सकता है करेक्ट तो so, ये तो हमने यूजर्स वैसे देख लिए बट जस्ट एक थोड़ा सा रिपीट है इसी में जो मैंने ए आई एफ़्स और हेज फंड्स की बात की थी <coughs> दे कैन कंपेयर अ सेट ऑफ़ स्टॉक्स तो सपोज अगर आप एक लॉन्ग शॉर्ट फंड चलाना चाहते हैं या कुछ लोग होते हैं जो पेयर ट्रेडिंग करते हैं कि भाई मुझे रात का रिस्क नहीं चाहिए डाउट पता नहीं क्या करेगा बाइडन उधर पर जाके क्या बोलेगा उधर फेड रेट की मीटिंग में रेट कट होगा कि कमेंट्री हॉकिश होगी कि नहीं मुझे अगर ये सब नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूँ मैं हमेशा पेयर ट्रेडिंग करता हूँ ऐसे कुछ ट्रेडर्स मैं मिला हूँ कई लोगों को मैं जानता भी हूँ जो ये काम रेगुलरली कर रहे हैं एंड वॉट दे डू इज़ एक स्टॉक शॉ लॉन्ग करेंगे उसी वैल्यू के आसपास का दूसरा स्टॉक में वो लोग शॉर्ट पोजिशन देंगे इसे मार्केट न्यूट्रल भी कहते हैं कि हमारा मार्केट बायस न्यूट्रल है बट हम स्टॉक्स पे बेट कर रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं वो लोग एक सेट ऑफ स्टॉक्स लेंगे सपोज आपने 50 स्टॉक लिए निफ्टी के ही जो कंपोनेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को निफ्टी के अगेंस्ट कंपेयर किया और देखा कि कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्मिंग मोड में हैं और कौन से स्टॉक्स वीक या अंडर परफॉर्मिंग मोड में हैं और वो करने के बाद वो उसके पेयर्स बना लेते हैं तो जरूरी नहीं कि सेक्टर्स के हों आप ये भी हो सकता है कि दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल अगर आपने पिछले कुछ महीनों में ट्राई किया होता कि आपने रिलायंस को शॉर्ट रख के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग रखा होता दोनों के सेक्टर्स अलग अलग हैं बट दोनों का निफ्टी में सिग्निफिकेंट वेटेज है राइट uh, और आपने देखा होता कि स्टेट बैंक डिड मच बेटर देन रिलायंस इन द लास्ट फोर फाइव सिक्स मंथ्स सेम इज़ विद जब आई ने दो के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो उसके सामने कोई भी स्टॉक शॉर्ट में रखा होता अगर आप मार्केट न्यूट्रल ट्रेडर हैं तो तो आपको नेट पॉजिटिव रिटर्न उसमें से मिल जाता सो दैट इज़ वन एंड फाइनली नाउ लेट्स कम टू द ट्रेडिंग पार्ट ऑफ इट सो जब हम ट्रेडिंग करते हैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं तो मैंने अपने चार्ट आर एस सी इंडिकेटर को लगा के रखा हुआ है और मैं आपको जस्ट शेयर करने वाला हूँ कि मैं उसको किस तरीके से रीड करता हूँ ताकि आप उसको ईजिली समझ सकें uh, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग एज अ टेक्निकल एनालिस्ट प्राइस पैटर्न देखते हैं आपने सुना होगा हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू वाला नहीं ट्राइंगल्स रेक्टेंगल्स डबल बॉटम्स डबल टॉप्स ट्रिपल बॉटम्स वेजेस राउंडिंग फॉर्मेशन एक्सेट्रा तो जब भी आप प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट देखते हैं और कई लोग मुझे ये आके कहते हैं कि मितेश भाई प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट तो देख लेते हैं पर कई बार वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो अगर आपके ब्रेकआउट के साथ में या उसके आसपास में आपको आर का विच इज़ द रिलेटिव स्ट्रेंथ का आपको सिग्नल मिलता है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट है तो आप देखना कि वो फेलियर का रेट बहुत कम होगा एक दो वो ब्रेकआउट के बाद अपने टारगेट से ज़्यादा जाएगा तीन फास्टर स्पीड पर जाएगा क्योंकि उसने आउट परफॉर्म भी करना है न सिर्फ बढ़ना है बल्कि उसने बाकी मार्केट से बेटर परफॉर्म करते हुए बढ़ना है बोलते हैं ना वो तेज़ी से भागने वाला घोड़ा वैसा वाला केस ठीक है सिमिलरली <coughs> अगर स्टॉक में दा, ब्रेकडाउन आ रहा है कोई पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेक हो रही है तो उसमें अगर आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस के या अंडर परफॉर्मेंस के सिग्नल्स हैं तो वो बेहतरीन शॉट बनेगा वो ज़्यादा गिरेगा और स्पीड से भी गिरेगा ठीक है सिमिलरली हम लोग गैप सेटअप्स भी यूज़ करते हैं काफ़ी शार्टिस्ट लोग जो यहाँ पर होंगे वो लोग प्राइस गैप्स को भी ट्रेड करते हैं और अगेन यहाँ पर भी हम लोग आर इंडिकेटर प्लॉट करते हैं एंड सेम फॉर मल्टीपल सेटअप आप मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर में इसको यूज़ कर सकते हो आप ट्रेन लाइन ब्रेकआउट्स में इसको यूज़ कर सकते हो बट यूज़ करना कैसे है तो अब वो उस चीज़ पर हम लोग आ जाते हैं तो व्हाट वी डू इज़ हम लोग आर एस सी का सॉरी स्टॉक uh, का आर एस सी निफ्टी के अगेंस्ट चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो मैं एक काम करता हूँ आपके लिए चार्ट ओपन कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान वहाँ देना पड़ेगा वैसे भी मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है तो वही बेटर रहेगा या यहाँ पे जाके सर ये वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है यू हैव टू डुप्लीकेट स्क्रीन। सॉरी वन टेक्निकल एरर। सर टेक्निकल एनलिस्ट की लाइफ में टेक्निकल एरर ना हो तो कैसे काम चलेगा सर <laughs> <laughs> इसको डुप्लिकेट कर दीजिए मैं चार्ट आया तो वापस आया नहीं परफेक्ट। सो so, यहाँ पर मैं एक स्टॉक का मैंने क्लोजिंग चार्ट डाल रखा है कोई भी स्टॉक हो सकता है अब मैं इसमें एक स्टडी ऐड करता हूँ जाकर के विच इज रिलेटिव कंपेरेटिव एक उसमें बेस डेट होता है सॉरी यहाँ पे इसका एक बेस डेट होता है तो हमने बाय डिफॉल्ट नाइनटीन नाइन्टी एक जनवरी को डाल रखा है जब तक निफ्टी था भी नहीं बट तो हमने डाल रखा है कि बेस डेट वही था उस दिन पहले दिन कैलकुलेट हुआ था उसके बाद रोज आप उसका प्राइस देखिए कैलकुलेट कर रहे हैं और जो जिसके अगेंस्ट आपको कंपेयर करना होता है वो स्टॉक आप यहाँ सेलेक्ट करते हो तो मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है वो है फाइव डबल नाइन जीरो वन विच इज़ माई सॉफ्टवेयर कोड फॉर निफ्टी देखिए निफ्टी ओ ही है ओवर देयर रिटर्न ओवर देयर तो मैं निफ्टी के सामने इस स्टॉक को कंपेयर कर रहा हूँ और मैंने इसको मॉडिफाई करके ऐड कर दिया है सिर्फ़ इसमें क्लैरिटी बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके डिस्प्ले को मैं चेंज कर देता हूँ और इसके कलर्स को वाइट कर देता हूँ क्योंकि ब्लैक हमारा बैकग्राउंड है तो वाइट पे वो ठीक दिखेगा तो यहाँ पर मैंने अपना आर इंडिकेटर प्लॉट कर दिया है चार्ट के साथ में और right? इतना काम हो चुका है <coughs> उसके बाद मैं रिकमेंड करता हूँ कि उस पर आप एक 21 दिन का एवरेज प्लॉट करें तो जो आपकी रेशियो लाइन है जो आपकी आर लाइन है उस पर मैं एक 21 डे का एवरेज प्लॉट करने जा रहा हूँ so थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं एट स्टडी वी गो टू एवरेज ओके एक्सपोनेंशियल ट्वेंटी वन एंड यहाँ पर जो डिफॉल्ट जो है मूविंग एवरेज सॉफ्टवेयर में टिपिकली प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है परंतु तो हमें प्राइस के ऊपर नहीं कैलकुलेट करना है हमें आर एस सी यानी कि रेशियो लाइन के ऊपर कैलकुलेट करना है इस मूविंग एवरेज को तो मैं इनपुट को चेंज करके इसको मैं डाल देता हूँ आर एस सी क्लोज विच इज़ ट्वेल्व नंबर फॉर मी एंड आई एडिट टू अ न्यू सबग्राफ उसके कलर्स अब अगर आप मेरी स्क्रीन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर तीन स्टडीज़ मैंने डाल रखी हैं सबसे पहली है प्राइस की जो कि प्राइस का क्लोजिंग चार्ट है उसके बाद है आर जो कि रेशो लाइन है जो स्टॉक मैंने ऊपर चूज़ किया है उसका रेशो अगेंस्ट द निफ्टी और उसके नीचे जो है थर्ड लाइन पे जो ब्लू लाइन है वो है उस रेशो लाइन का 21 दिन का मूविंग एवरेज एवरीबडी ओके विद दैट बहुत टेक्निकल हो रहा है क्या ठीक है आवाज तो नहीं आई बट चलिए और राइट ना एक फाइनल स्टेप और इससे ज्यादा और तकलीफ नहीं है बस एक छोटी सी स्टेप और लेंगे हम यहाँ पर जाकर के कि इस 21 दिन के एवरेज के ऊपर हम एक नया पाँच दिन का एवरेज प्लॉट करेंगे सो so, एवरेज के ऊपर एवरेज प्लॉट करेंगे डबल स्मूदन करने के लिए ओके सो आई से गो टू ऐड स्टडी एंड आई वुड ऐड व्हाट इज कॉल्ड एज अ चांदे एवरेज पैरामीटर फाइव एंड फाइव एंड ये जो एवरेज है मैं एवरेज के ऊपर डाल रहा हूँ तो मैंने 21 दिन के एवरेज को सिलेक्ट किया इनपुट के लिए और मैंने इसको ऐड किया इसी सब ग्राफ पे यहाँ पर ठीक है सॉरी <coughs> इसका डिस्प्ले है तो जस्ट री कैब ऊपर प्राइस चार्ट है उसके नीचे रेशियो चार्ट है और उसके नीचे मैंने दो एवरेज प्लॉट किए हैं 21 दिन का एवरेज जो कि रेशियो लाइन पे बना हुआ है और उस एवरेज के ऊपर उसी एवरेज का पाँच दिन का एवरेज जो कि वाइट लाइन में थर्ड वाले कॉलम में बना हुआ है सबको आई थिंक यहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी सी पुअर होगी सर बट इफ़ यू कैन सी इट ये क्रॉसओवर को हम एक सिग्नल के रूप में यूज़ करते हैं फॉर आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस ओ सो लेट मी गेट बैक टू माय स्लाइड यूज़ द क्रॉसओवर ऑफ दीज टू एवरेजेस एज द ट्रेंड सिग्नल फॉर आर मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी तीसरी जो यहाँ पर बॉक्स uh, में जो स्टडी डाली है मैंने ब्लू लाइन और वाइट लाइन जब ब्लू लाइन वाइट लाइन के ऊपर जाती है तो स्टॉक आउट परफॉर्म करने वाला होता है और जब ब्लू लाइन वाइट लाइन के नीचे जाती है तो स्टॉक अंडर परफॉर्म करने वाला होता है इट इज़ सिंपल दो मूविंग एवरेज डाल के उनका क्रॉस को मैं ट्रेड कर रहा हूँ ठीक है पर डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर रहा हूं मैं इसको वर्सेस समथिंग एल्स ट्रेड कर रहा हूं तो यहां पे जो आर एस सी लाइन है वो निफ्टी के अगेंस्ट बनी हुई है और राइट नाउ इस इंडिकेटर को इस सिग्नल को मैं हर ट्रेड के पहले जो कि मैं एक नॉर्मल ट्रेडिंग भी करता हूं उसमें मैं यूज करता हूं उसके मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा अभी ठीक है तो अगर आप नॉर्मल टेक्निकल एनालिस्ट हैं अगर आप प्राइस ब्रेकआउट्स देखते हैं प्राइस पैटर्न है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग काफ़ी लोगों ने सुना होगा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है रेक्टेंगल्स हो गए प्राइस पैटर्न गई उसका ब्रेकआउट जब आता है ठीक है तो उसके ब्रेकआउट के टाइम पे, अगर आपका आर इंडिकेटर आपको दिखा रहा है कि ये ब्रेकआउट के बाद स्टॉक आउट परफॉर्म भी करने वाला है तो मैं बताता हूँ कि ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं विच मीन्स दैट यू आर अगर आपकी एक्यूरेसी 65 परसेंट या 66 परसेंट थी तो बढ़ के एटी फाइव परसेंट के आसपास आ जाती कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने वाला है तो आप थोड़ा सा अपना कैपिटल को अग्रेसिवली बेट कर सकते हैं एक दूसरा वो ये बताता है कि ये जो सिग्नल आया है ये ब्रेकआउट तो है ही परंतु तो ये साथ में ये भी बता रहा है कि मैं निफ्टी को भी बीट करूँगा यानी कि मार्केट को भी बीट करूँगा तो टिपिकली जो रैली आती है वो ब्रेकआउट टारगेट्स को एक करती है जो पैटर्न का जो आपका ट्रेडिंग टारगेट होता है उससे ज़्यादा दूर तक आती है और तेज़ आती है क्योंकि आउट परफॉर्मेंस तो करना ही है फास्ट तो भागना ही है उस घोड़े ने क्योंकि निफ्टी को बीट करना है राइट आउट परफॉर्म करना है करेक्ट सो so मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं एक सिंपल प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट हमने ऑब्जर्व किया था और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जो मैं आप जितने लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आई थिंक वो जो जहाँ पर डिस्कस होते हैं वो भी मैं कवर करूँगा सो यू विल बी एबल टू रिलेट टू दैम जब बीच में पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा मूवमेंट आ रहा था तब यहां पर एक ट्राइंगल पैटर्न का फॉर्मेशन देखा गया था ये मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर करेक्ट? है? अच्छा हाँ तो बोल दो राइट right? और आप देखेंगे कि प्राइस ने ट्राइंगल के ऊपर इस दिन ब्रेकआउट दिया था जो कि तीन तारीख तीन जुलाई का डेट है वो डेट बहुत छोटा दिख रहा है कोने में दिख रहा है वहाँ पर डेटा विंडो में और आप देखेंगे कि चार तारीख को जो है आपको आर एस सी ब्रेकआउट मिल गया था मतलब कि पी का जो स्टॉक है वो प्राइस का ब्रेकआउट तो दे रहा है परंतु वो निफ्टी को भी आउट परफॉर्म करने वाला है सो so, टिपिकली ऐसे केस में क्या होता है जब हम ट्रायंगल का ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो हम उसका एक टारगेट मान के चलते हैं जो हाईएस्ट पॉइंट है ट्राइंगल का वो था करीबन फिफ्टी टू एट्टी के आसपास में जो लोएस्ट पॉइंट था वो था करीबन फोर्टी के आसपास में तो पाँच छः रुपये का तेज़ी होना चाहिए करेक्ट दैट इज़ द ट्राइंगल का टारगेट कि भाई जितना आपका विर्थ है उतना तेज़ी ब्रेकआउट के बाद आना चाहिए परंतु तो आप ये देखेंगे ब्रेकआउट के बाद ये सिग्नल चलता रहा चलता रहा चलता रहा और अभी तक इसका अंडर परफॉर्मेंस आया नहीं और वो जाके चार पाँच दिन पहले यहाँ पर वो जो है ब्लू लाइन वापस रेड लाइन के नीचे क्रॉस हुई है तो इसने क्या किया इस सिग्नल की मदद से जहाँ पे आप एक ट्रेड में पाँच या छः रुपये कमाने का सोचते वो प्रॉफ़िट को बढ़ा के उसने उसका बाईस रुपये कर दिया 52 की एंट्री जो थी आपकी यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट आया था यहाँ पर 52, 53 के आसपास की एंट्री थी वो एग्ज़िट उसने दिया 74 पे बजाय इसके कि आप यहाँ पर कहीं पर आप इसमें से एग्जिट कर जाते हैं आई ऑल विथ मी अच्छा दिस वॉज अ बेटर यस यार अच्छा अभी पैसा बन रहा है तो थोड़ा आवाज़ निकल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक तो सिर्फ ज्ञान ही ठोक रहा था भैया बैठ करके क्या फ़ायदा हाँ बोलने का अभी ठीक है सो so, ये एक ये आपको कंफर्म करता है कि ब्रेकआउट चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दूसरा जैसा मैंने बताया कि जो ओरिजिनल टारगेट होता है उससे काफ़ी आगे तक स्टॉक जा सकता है एक एग्ज़ाम्पल ये हो गया एक और मैं प्राइस पैटर्न लेना चाहूँगा आपके सामने एक स्टॉक था पी करके और आप देखेंगे कि वीकली चार्ट में बहुत ही प्यारा रेक्टेंगल बना के इसने ब्रेकआउट दिया था और ये ब्रेकआउट आया था सितंबर में तो मैं जितने मैंने एग्जांपल्स दिए हैं सारे पिछले एक दो तीन महीने के लिए हैं तो आप काफ़ी सारे स्टॉक से रिलेट कर पाएंगे ठीक है तो ये ब्रेकआउट आया था ये ब्रेकआउट ब्रेक के टाइम पे आप देखेंगे कि ये जो तारीख़ है यहां पर पाँच तारीख के आसपास ब्लू लाइन ने वाइट लाइन के ऊपर जाना चालू कर दिया था मतलब तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है देखना मैं समझ सकता हूं क्योंकि स्क्रीन हमारे पास इतनी है परंतु तो उसके बाद से ये अभी तक जो ब्लू लाइन है वो वाइट लाइन के नीचे गई नहीं है ये कल तक का डेटा मेरे पास अपडेटेड है राइट और जो स्टॉक जिसने ब्रेकआउट दिया था साढ़े तीन सौ पे आज वो खड़ा है छः सौ रुपये और छः छः सौ और छः रुपये पे मतलब सिक्स जीरो सिक्स पे so सो द स्टॉक हैज़ नियरली डबल्ड साढ़े तीन सौ वाला छः सौ छः मतलब करीबन आप देखेंगे तो ढाई सौ रुपये का तेजी हो गया विच रफली अबाउट सेवेंटी परसेंट गेन्स और ये ब्रेकआउट कब हुआ था ब्रेकआउट हुआ था सर पाँच सेप्टेम्बर को और अभी हम पाँच नवंबर तक नहीं पहुँचे यू कैन सी द इम्पैक्ट राइट कि ब्रेकआउट में आउट परफॉर्मेंस आने के बाद वो बोलते हैं ना स्टॉक रॉकेट बन जाता है खासकर जब आपका स्टॉक ने मार्केट को आउट परफॉर्म भी करना है तो सो दिस विल ग्रेटली ग्रेटली इंप्रूव योर ट्रेडिंग एफिशिएंसी एक तो यह कि जब तक उसमें अंडर परफॉर्मेंस आए ना आपको बेचना क्यों है करेक्ट क्योंकि अभी भी आप मार्केट आउट और परफॉर्म कर रहा है आगे आगे बोलूँ कि यहीं पे रुक जाऊँ ठीक है मुझे पता है देखिए लंच अच्छा था मैंने भी किया बट लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड दिस मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल रहेगा अगर आप इसको एब्जॉर्ब करके यूज़ में ला पाए तो ठीक है सॉरी <clears throat> अच्छा एक और ब्रेकआउट ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि यहाँ पर एक प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट था परंतु तो आर ने साथ नहीं दिया मतलब प्राइस ने एक लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया पैटर्न से परंतु आर एस टी सिग्नल साथ में नहीं था मतलब कि स्टॉक आउट परफॉर्म नहीं करने वाला था तो जब भी ऐसा होता है हम देखते हैं कि ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि अगर प्राइस से ब्रेकआउट है कोई इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर स्टॉक जा रहा है तो उसने मार्केट को तो कम से तो कम तो बीट करना चाहिए निफ्टी को इफ नॉट द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स राइट तो यहाँ पर मैं एक एकज्जाम्पल लेके आया हूँ एच यू एल का एच यू एल में एक कपन हैंडल पैटर्न हुआ था आपको कुछ लोगों को पता होगा जो चार्ज को एक्टिवली फॉलो करते हैं कि कपन हैंडल पैटर्न क्या होता है और मैं उसको चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ <coughs> यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटा सा इसने कप बनाया और छोटा सा हैंडल बनाया तो इट्स कॉल्ड सॉसर पैटर्न और कपन हैंडल पैटर्न और राउंडिंग फॉर्मेशन अलग अलग नाम है और जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो आप देखेंगे कि जो ब्लू लाइन था वो वाइट लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था मतलब कि स्टॉक के प्राइस ने ज़रूर ब्रेकआउट दिया था राइट right? लेवल के ऊपर भी गया था ये जो लेवल था छब्बीस सौ नब्बे के आसपास का उसके ऊपर भी ब्रेकआउट देकर स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऊपर जा भी रहा था परंतु मार्केट को बीट नहीं कर रहा था मतलब पैसा उसमें ज़्यादा नया पैसा आ नहीं रहा था बल्कि शायद इस ब्रेकआउट के साथ पैसा बाहर निकल रहा था क्योंकि मार्केट में तब तक तो पैसा आ रहा था सेप्टेम्बर अक्टूबर में राइट मार्केट वॉज गोइंग अप तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने और कुछ ही दिनों बाद वो फेल होकर जब अंडर परफॉर्मेंस का सिग्नल नीचे की तरफ और बढ़ना चालू हुआ जब ब्लू लाइन वाइट लाइन के नीचे आ गई तो एक बड़ा डिक्लाइन भी देखना पड़ा स्टॉक को सो आर एस सी वैन यू आर डूइंग पैटर्न ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपके पैटर्न के ब्रेकआउट को कन्फर्म करने के लिए एक मैं फिर से रिपीट करता हूँ दो जब आपका आर एस सी सिग्नल साथ में होगा तो जो आपके पैटर्न के प्राइस टारगेट्स हैं उससे ज़्यादा दूर तक स्टॉक जाएगा और जब तक वो आउट परफॉर्मेंस खत्म ना हो जब तक वो निफ्टी को बीट कर रहा हो तब तक आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों के लिए कि प्रॉफिट कहाँ पर ले एंट्री लेना सबको आता है फिर मैंने बताया ना ट्रेडर कभी सुखी नहीं होता क्योंकि वो प्रॉफिट ले, ले लेता है उस दिन तो बड़ा खुश होता है तीन दिन बाद सोचता है अरे यार क्या कर दिया भाई इट इज अ वेरी नॉर्मल एंड सी ओवर द इयर्स इवन आई हैव गॉन थ्रू दिस अभी अभी रिसेंटली कोल इंडिया में किया ना मैंने कांड 283 में बड़ा खुश होकर बेचा मैंने कहा पचास रुपये बढ़ गया है मेरा सिस्टम भले बाय में मेरे को तो लगता नहीं कोल इंडिया की इतनी और मतलब इतना भागता नहीं ना लो बीटा स्टॉक है मैंने, इसका हो गया बस मेरा पेट भी भर गया और फिर जब तीन का भाव देखा पाँच दिन बाद तो मैं सोच रहा था अभी भी सीखना बाकी है बेटा अभी तो बहुत बहुत आ, आगे मुकाम आएंगे ऐसे बट देख लेते हैं उस एग्जाम्पल को भी अभी हम लोग आगे आई थिंक अगली स्लाइड में मैंने कोल इंडिया मैंशन किया हुआ है नहीं किया हुआ है एनी विच वेज बट मैं आपको दिखा दूंगा अगेन फ्यू मोर एग्जाम्पल्स एक अगर कोई यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स होल्ड करता हो ये मेरा भी होल्डिंग है तो डिस्क्लेमर मेरा वैसे इंटरेस्ट है स्टॉक में बट आप देखेंगे कि यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स ने एक बड़े ही प्यारे कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था करेक्ट स्टॉक का भाव था उस टाइम करीबन एक सौ और ये जब ब्रेकआउट आया तो अगेन इसमें टारगेट हो सकता है कि आदमी ने सोचा पंद्रह बीस रुपये पच्चीस रुपये बढ़ जाएगा स्टॉक पंद्रह टका बीस टका बढ़ जाएगा और ब्रेकआउट के साथ सॉरी ये बंद कैसे हो गया नहीं हो गया हो गया वो मेरा कुछ दब गया था यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ में आप नोट करेंगे कि जो ब्लू लाइन है उसने वाइट लाइन को बीट करना चालू कर दिया था मतलब कि स्टॉक आउट परफॉर्मेंस का सिग्नल भी दे रहा था और ये जो सिग्नल चला है उसने आपको सीधी एग्जिट दिया अगर मैं उस एरिया को जूम कर सकूँ वो दिए यहाँ पर ये यहाँ पर है कि आपका जो ब्लू लाइन है वो वाइट लाइन के नीचे आ गया है तो उस टाइम प्राइस थी दो सौ ये सारा मूवमेंट हुआ है करीबन दो सवा दो महीने के अंदर अंदर सो ट्रेडिंग डेज गिनेंगे तो लेस देन फोर्टी ट्रेडिंग डेज में नियरली स्टॉक डबल हो गया था एक सिंपल ब्रेकआउट पर टिपिकली ऐसा होता नहीं है कि आप एक सिंपल ब्रेकआउट पे लें और मेरे पास ये स्टॉक अभी तक पड़ा हुआ है मैंने उस सेल सिग्नल पे भी बेचा नहीं परंतु टिपिकली uh, ऐसा होता नहीं कि आप एक ट्रेडिंग में एक ब्रेकआउट पे आप, आप एक पोजीशन लें और दो तीन महीने में साठ पचास सत्तर परसेंट का मूवमेंट उसमें आप एब्जॉर्ब कर लें परंतु ये इंडिकेटर की मदद से वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है तो मैं इसको बहुत स्ट्रांगली uh, रिकमेंड करता हूँ एक और स्टॉक जो हमारे ग्रुप पर भी काफ़ी डिस्कस हुआ था काफ़ी लोगों ने यहाँ पे लिया भी होगा जैन इरीगेशन एनी बड़ी सर किसी ने जैन इरीगेशन ट्रेड किया लास्ट कुछ महीनों में हाँ काफ़ी हमारा अरे व्हाट्सएप पे इतना उसमें एक्टिविटी था यार राइट right? <laughs> तो उसमें जब ब्रेकआउट आया तो मैंने जीतू भाई को रिपोर्ट भी भेजा था जैन इरीगेशन का कि इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है सर <laughs> इस कमेंट को ऑफ रिमार्क किया जाए बट जैन इरीगेशन में एक बड़ा ब्रेकआउट आया था आप देखेंगे यहाँ पर जो कि करीबन 24 जुलाई के आसपास का डेट है कि प्राइस इस चैनल के ऊपर निकलना चालू हो गया था और इसी ब्रेकआउट के साथ में हाँ सर हम लोग वही बात कर रहे थे कि चलाने वाले आ गए के <laughs> अरे नहीं तो इसी ब्रेकआउट के साथ में अगर आप यहाँ पर इसको जूम कर देता हूँ मैं इस एरिया को थोड़ा सा तो आप देखेंगे कि जो ब्लू लाइन है वो व्हाइट लाइन के ऊपर जाना चालू हो गई थी मतलब जो आउट परफॉर्मेंस था स्टॉक का वो आना चालू हो गया था तो अब जैन निरिगेशन न सिर्फ प्राइस में बढ़ने वाला था बल्कि निफ्टी को बीट करते हुए बढ़ने वाला था तो आप देखेंगे कि जो रैली आई है उसके बाद यहाँ से फोर्टी वाला स्टॉक कुछ ही दिनों में इनफैक्ट कुछ ही हफ्तों में सिक्सटी एट के आसपास तक पहुँच गया था जो कि पचास तेजी है इन लेस देन वन मंथ एंड दैट्स फिनोमिनल राइट और उसके बाद उसने जो एग्ज़िट सिग्नल दिया है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे का क्रॉसओवर आ गया था तो करीबन साठ रुपये के आसपास आपको उसने एग्ज़िट सिग्नल दे दिया था सो so, इस टूल की मदद से न सिर्फ आप एक ऐसे घोड़े पर दाव लगा रहे हैं जो कि तेज़ चल रहा है बिकॉज वो आउट परफॉर्म कर रहा है बट आपको एक एग्जिट स्ट्रैटेजी भी समझ में आ रही है कि भाई जब तक इसका आउट परफॉर्मेंस खत्म ना हो मैं स्टॉक को क्यों बेचूँ और जिस दिन ख़त्म हो जाए खाया पिया घर जाओ करेक्ट <laughs> right. uh, मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स ब्रेकआउट के दिए हैं बट लास्ट पिछले कुछ दिनों में मार्केट्स गिरा भी है तो एक दो एग्जाम्पल्स हम ब्रेकडाउन के भी कवर कर लेते हैं सॉरी पिछला स्लाइड पे आ जाता हूँ मैं डीवीज लैब में पिछले कुछ दिनों पहले और अगर आप टी वी मुझे रेगुलरली सुनते हैं तो मैंने दो या तीन बार डीवीज पे सेल कॉल फायर किया था मॉर्निंग सेशन uh, में टी uh, वी बोला था कि इसमें सेल करके चलें उसका रीज़न यही था कि डीवीज पर जो है एक ट्राइंगल पैटर्न से ब्रेकडाउन आ रहा था ये आप देख सकते हैं चार्ट पे, ये जो ट्राइंगल पैटर्न मैंने बनाया यहाँ पे उसके नीचे प्राइस जा रहा था और जब प्राइस उसके नीचे जा रहा था तब ये ब्लू लाइन भी वाइट लाइन के नीचे जा रहा था करेक्ट तो स्टॉक ने न सिर्फ गिरना था बट मार्केट को अंडर परफॉर्म करते हुए गिरना था यानी स्पीड से गिरना था तो आप देखेंगे कि ये जो ब्रेकडाउन आया है ये आया था करीबन 16 अक्टूबर को यानी कि एक एक डेढ़ हफ्ता पहले और उस दिन बंद था छत्तीस सौ और एक दो तीन सभी लाल कैंडल ही है मतलब ग्रीन कैंडल तो आए नहीं उसके बाद बट एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दिन बाद उसका बनता चौंतीस सौ रुपये तो ढाई सौ पॉइंट यानी करीबन एट परसेंट फॉल इन एट डेज और एक भी दिन उसमें ग्रीन कैंडल नहीं है राइट सो वेरी इंटरेस्टिंग टूल अच्छा अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है वेकअप गाइज आई होप यू आर फाइंडिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग मतलब आई नो इट्स पोस्ट लंच यार बट uh, <laughs> एक मैंने कहा था जो स्टॉक मैं कवर करूंगा वो है कोल इंडिया राइट सो कोल इंडिया भी अगेन काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बाय किया था मैंने भी किया था मैं बहुत खुश भी हुआ मैंने जैसे आपको बताया टू एटी थ्री पर प्रॉफ़िट बुक करके और चार दिन बाद बहुत दुखी भी हुआ कि क्यों किया मैंने ऐसा तो so, मैं जस्ट कवर कर लेता हूँ स्टॉक को जा कर के ये कोल इंडिया का वीकली चार्ट है आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न से इसने ब्रेकआउट दिया था ये ब्रेकआउट का दिन करीबन आठ सेप्टेम्बर के आसपास का है तो दो महीने भी नहीं हुए स्ट्रेट को अभी मुझे याद है दो सौ की एंट्री थी मेरी ये यहाँ पर और यहाँ से आप देखेंगे कि ब्लू लाइन जो है वाइट लाइन के ऊपर चल रही है करेक्ट मतलब कि कोल इंडियन ने बढ़ना है और मार्केट को बीट करते हुए बढ़ना है और उसका अभी तक सेल आया नहीं वैसे मतलब कल तक तो नहीं आया था सिस्टम में और स्टॉक का भाव तीन सौ है तो हाँ सर आज का देखा नहीं मैंने कल तक का डेटा है मेरे पास मतलब हाँ अच्छा आज तो अच्छा ही होगा आज तो सभी कुछ अच्छा है बट यहाँ पर भी आप देखेंगे कि स्टॉक ने और कोल इंडिया जैसा स्टॉक जिसे हम टिपिकली हम लोग सालों से जानते हैं कि ये लो बीटा स्टॉक है तो वही रीज़न था ना मेरी इंटेलिजेंस का कि हाँ ठीक है सिस्टम तो बाय में है पर मुझे पता है कोल इंडिया थोड़ी इतना बढ़ता है टू एटी में मस्त जा प्रॉफिट बुक किया बट कल तक तो तीन का भाव था स्टॉक में और अभी तक सिग्नल आया नहीं है सर आज का बता के जलाइएगा मत आप मेरे को प्राइज़ आप चेक कर रहे हैं मोबाइल में मैं समझ गया बट पहले जो जली हुई है सर उसको और जला के कोई फ़ायदा नहीं है थ्री वन फाइव चलिए हो गया मतलब वो रहा नहीं जाता जब तक कि आप उसको अच्छे से रब नहीं कर दे कि भाई अगली बार याद रखना ये मिस्टेक ना हो जाए वापस से बट जैसा मैंने बताया मिजीत भाई मिस्टेक फैमिली इतनी बड़ी है ये नहीं तो कोई और हो जाती है बट नेट नेट अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा है बट ये कोल इंडिया का चार्ट अगेन यहाँ पर आर ने बहुत ही प्यारा आउट परफॉर्मेंस का सिग्नल दिया था और उसके बाद से अभी तक आप देखेंगे स्टॉक मार्केट्स को बीट कर रहा है राइट निफ्टी 2000 हज़ार सॉरी दो हज़ार बीस हज़ार दोस्तों के ऊपर से करेक्ट होकर नीचे आ चुका है बट ये नियरली अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बना हुआ है सो so, एक तरीका ये हो गया ट्रेड करने का ठीक है कि आप प्राइस पैटर्न्स के साथ में आर एस इंडिकेटर को यूज़ कर लें बल्कि मैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया था अपने प्रेजेंटेशन में आप इस इंडिकेटर को किसी भी टेक्निकल इवेंट के साथ में आप इसको पेयर कर सकते हैं तो यहाँ पर आ, आ, कुछ इवेंट्स मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन्स के लिए हैं टाटा कम्युनिकेशन करके स्टॉक था जो कि हमने काफ़ी अच्छा ट्रेड किया था उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ हफ्तों पहले इनफैक्ट कुछ दिनों पहले हफ्तों भी नहीं कुछ दिनों पहले टाटा कम्युनिकेशन में टेक्निकली एक ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन दिया था आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है और अभी तक जितनी बार ये स्टॉक ट्रेंड लाइन के पास आता था क्लोजिंग उसके नीचे नहीं आती थी तो प्राइस वहाँ से बाउंस बैक कर जाता था और इवेंचुअली वो ब्रेकडाउन जो है वो आपका रिकॉर्ड हुआ चार अक्टूबर को टाटा कम्युनिकेशन ने ट्रेन लाइन के नीचे बंद दिया और आप देखेंगे कि उसके कुछ दिन बाद जाके उसने अंडर परफॉर्मेंस का सिग्नल भी दिया तो जिस दिन ट्रेन लाइन ब्रेकआउट आया उस दिन नहीं ब्रेकडाउन आया उस दिन नहीं था उसके कुछ दिन बाद आया अगर आपने वहाँ से भी शॉर्ट किया होता जो कि करीबन अठारह के आसपास का प्राइस है तो वहाँ से भी ये दस अक्टूबर को और आज अगर आप देखेंगे तो तीस अक्टूबर हुआ नहीं है और पंद्रह तक स्टॉक गिर चुका है और उसके बाद आपको अगेन चार्ट एक के बाद एक एक के बाद एक लाल कैंडल ही दिख रहा है लगातार ये स्टॉक गिर ही रहा है क्योंकि इसने न सिर्फ गिरना है बल्कि अंडर परफॉर्म करते हुए गिरना है तो अपने आप अंदर एक एक्सीटर एक आ जाता है उसके सिमिलरली एक और सेटअप है कोफोर्स के चार्ट पच्चीस छब्बीस सेप्टेम्बर को उसमें स्टॉक में करेक्शन का सिग्नल आया था ट्रेनलाइन लाइन के नीचे स्टॉक ने डाउन दिया था ये देखिए आप ट्रेन लाइन बना हुआ यहां पर और यहाँ पर स्टॉक ने 25 छब्बीस सितंबर के आसपास इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन दिया था और तब से वो अंडर परफॉर्म करता हुआ ये ब्लू लाइन जो है वो वाइट के नीचे आ चुकी है मतलब कि अब ये अंडर परफॉर्म करेगा अंडर परफॉर्म करता हुआ स्टॉक गिर रहा है और ये जो लेवल था करीबन बावन सौ के आसपास का था और अब फोर्टी एट स्टॉक आ चुका है इन लेस देन अ मंथ एंड रिसेंटली जो मैंने ट्रेड लिया था जो मेरे पूरी मंदी में मेरा एक ही शॉर्ट ट्रेड था वो था एच की शॉर्टिंग ठीक है मैं टिपिकली ओवर द इयर्स मैंने स्टार्ट जैसे मैंने बताया कि मैंने स्टार्ट शंकर शर्मा के साथ किया था वहाँ पे ज़्यादा सेल कॉल्स थे एक टाइम पे मार्केट में मेरा निकनेम था मितेश मंदी मतलब ये आएगा तो कुछ ना कुछ मंदी का ही बोलेगा शंकर के साथ काम करके आए तो बट ओवर द ईर्यरस आई हैव सीन दैट आई हैव चेंज एंड मैं मंदी कम करता हूँ बिकॉज वर्लडिटी बहुत बढ़ जाता है तो खुद का जब पैसा लगता है ना तो आदमी को लगता है कि यार थोड़ा ठीक है ना ये फेस थोड़ा बाहर बैठ जाते हैं जा करके तो इस पूरा मंदी में मैंने जो स्टॉक शॉर्ट किया था वो था एच का और टी वी पर आई थिंक मेन्शन भी किया था ये तेईस तारीख का ब्रेकडाउन है मतलब कि तीन दिन पहले का ब्रेकडाउन है और अगर आप देखेंगे चार्ट पे एच तो एल ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन देना चालू किया था यहाँ पर ये जो इसका साइडवेज मूवमेंट चल रहा था उसके बाद से और उसी टाइम पे एच एल का जो ब्लू लाइन था वो वाइट लाइन के नीचे जा रहा था मतलब स्टॉक ने न सिर्फ गिरना था बल्कि अंडर परफॉर्म करते हुए गिरना था तो फास्ट गिरना था तो काफ़ी टाइम बाद मैंने एक शॉर्ट साइड ट्रेड लिया और स्टॉक uh, uh, जिस दिन ब्रेकडाउन आया उस दिन और उसके अगले दिन और उसके अगले दिन uh, करीबन एक सौ नीचे गिर चुका था आज शायद थोड़ा ऊपर आया होगा तो मुझे उसका आइडिया नहीं है परंतु तो, स्टॉक uh, ने करीबन दो तीन दिन में ही uh, एक सौ पॉइंट का एक ट्रेडिंग मार्जिन आपको दे दिया था फिर आप अपने स्टॉप लॉसेस वगैरह ट्रेल करके इसको आगे ले जा सकते हैं ओके सेम कपल ऑफ मोर स्टॉक्स मैं कवर कर लेता हूँ एग्जांपल्स के रूप में तो इंडिया सीमेंट पे हम लोगों ने बीच में काफ़ी तेज़ी किया था परंतु तो उसने एक एक टाइम पे आकर के उसने बताया था कि भैया अब मुझे छोड़ दो अब हमसे आपका हम आपका पैसा बना के नहीं देंगे तो वो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया सीमेंट भी एक ट्रेड लाइन के साथ चल रहा था और अच्छा हाई बनाया एक टाइम पर जाकर के उसने टू के ऊपर क्लोजिंग दिया था उसके बाद यहाँ से कहीं से उसने आउट परफॉर्मेंस को छोड़ दिया वो था लेवल करीबन दो का कि 240 फोर्टी पर आगे उसने बोल दिया कि मैं जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था लगातार अपने हायर हाईज़ हायर लोज बना रहा था एक पैटर्न दिखा रहा था आप ट्रेंड का वो मैंने ट्रेडलाइन भी तोड़ दिया है और अंडर परफॉर्म करना भी चालू कर दिया है तो वो ब्रेक डाउन हुआ था इक्कीस सेप्टेम्बर uh, को और आज करीबन एक महीना हो गया और दो वाला स्टॉक दो सौ के आसपास कल ट्रेड कर रहा था सिमिलरली अच्छा और एग्जाम्पल दो कि हो गया है इतने में देख के बड़ा मज़ा आ रहा है सर जो बीच का जो जो बीच का लाइन है वो एक्चुअल रेशियो लाइन है उसके ऊपर हमने दो मूविंग एवरेज प्लॉट करके वो दो मूविंग एवरेज को सिग्नल के रूप में यूज कर रहे हैं तो प्राइस रेशियो लाइन और सिग्नल्स वो तीन चार्ट बना रखे हैं मैंने उसको आप उसको हाइड कर सकते हैं सर उसको देखने का कोई वो नहीं है आप उसको हाइड कर सकते हैं परंतु तो मुझे चूंकि वो टॉपिक मेरा वो इंडिकेटर है मुझे वो दिखाना जरूरी है यहाँ पे जाकर Good. <laughs> <laughs> एक मिनट सर।, तो सर आगे जैसे जैसे स्टॉक्स में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आते रहते हैं वैसे वैसे उसमें पोजीशंस लेते रहते हैं मतलब मैं शॉर्ट साइड पोजीशंस खुद पर्सनली कम ट्रेड करता हूं, बिकॉज इधर साइड वॉल्टिटी काफी बढ़ जाती है तो मेरे को इतना पसंद नहीं है एंड बट टी वी पर कॉल्स इसी बेसिस पे आते हैं तो अभी आई थिंक काफ़ी टाइम बाद बादविंदो फार्मा ने एक ब्रेकडाउन दिया था और उसने भी सेम अभी दो तीन दिन पहले की बात है मैं एक बार चार्ट लगा के दिखा देता हूँ आपको तो वो भी रिकमेंडेशन uh, में भी आ गया था जबकि मैंने पोजिशन नहीं लिया उसमें जा कर के बट तो आप देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न से इसने नीचे की तरफ बंद देना चालू कर दिया था ये यहाँ पर करेक्ट और साथ ही में एक दो दिन बाद उसने ब्लू लाइन ने भी उसी टाइम पे वाइट के नीचे आ गया था तो नेक्स्ट स्टॉक जो बड़ा करेक्शन दे सकता है वो अरविंदो फार्मा है ऑलरेडी गिरना चालू हो गया था कल तक अब आज था शायद थोड़ा ऊपर होगा बट इवेंचुअली आई थिंक अब वो एक सीरीज ऑफ लोअर हाइज लोअर लोअस बनाएगा तो सर मतलब ये कैसा है कि ये प्रोडिक्ट नहीं कर रहा है ये आपको ब्रेकआउट को कन्फर्म कर रहा है और बोल रहा है कि आप इसमें ट्रेड लो तो आगे का प्रोडिक्शन इस इंडिकेटर पर मैं नहीं कर सकता बट जब मुझे ट्रेड लेना होता है तब मैं इसको एज अ फिल्टर यूज़ करता हूँ कि भाई अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है तो कम से कम स्टॉक आउट परफॉर्म करने वाला तो हो जैसे कि मैंने यहाँ पर सर एक एग्जाम्पल दिया था एच का एच यू एल में ब्रेकआउट तो आया था ऊपर की तरफ परंतु तो जो वाइट लाइन था ये जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया था ये जो वाइट लाइन था वो ब्लू के ऊपर था तो अंडर परफॉर्म करने वाला था तो ब्रेकआउट फेल हो गया तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड करो मतलब ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है सर कि कहाँ पे नया हाई बनने के बावजूद भी आपको वो स्टॉक को अवॉइड करना है क्योंकि नया हाई बनने के बाद भी वो स्टॉक आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है हाँ प्राइस ऊपर गया है पर पैसा उसमें ज़्यादा आ नहीं रहा है सर आउट परफॉर्मेंस बेसिकली कहाँ से आता है जब आप उसमें पैसा डालते रहते हो फॉर एग्ज़ाम्पल अपना एक आपका फेवरेट स्टॉक जी एम डी सी आई जाता हूँ घूम फिर के सो <laughs> so, जी एम डी सी का जब यह ब्रेकआउट आया था ये मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना रखा है ये ब्रेकआउट आया था एक सौ पचहत्तर अस्सी के आसपास ये ब्रेकआउट आया था और उसी टाइम पर आप देखेंगे कि ब्लू लाइन भी वाइट के ऊपर आ गया था तो स्टॉक ने न सिर्फ बढ़ना था बल्कि आउट परफॉर्म करते हुए बढ़ना था और ये सिग्नल अभी तक रिवर्स हुआ नहीं है मिनिमम चार्ज रहा है हाँ हमारी फोन पर बात हुई थी मैंने कहा था कि सर दो सौ पचहत्तर अस्सी तो कहीं नहीं गया मतलब अभी आ जाएगा ऐसा लगता है और वो तीन सौ अस्सी क्रॉस कर गया <laughs> सर मेरा तीन सौ अस्सी बिका ना करेक्ट करेक्ट सो चार सौ पैंतीस गया एंड सी दैट इज़ द आइडिया सी अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो आप चाहेंगे ना कि आपके पास वो घोड़ा हो जो अगर अव्वल नंबर पर नहीं आता तो कम से कम एटलीस्ट टॉप थ्री में तो आए इतना तेज़ भागे कि कम से कम, से कम सिल्वर मेडल तो लेके आए या ब्रॉन्स मेडल तो लेके आए उतना भी है तो हम ट्रेडर्स लोग खुश हैं अच्छा उसके अलावा फायदा यह होता है जैसा मैंने आपको कई एग्जाम्पल्स में बताया कि एक या दो महीने में पचास परसेंट साठ परसेंट सत्तर परसेंट का मूवमेंट ऐसे स्टॉक्स दिखा देते हैं जो पैटर्न बनाने के बाद आउट परफॉर्मेंस में आते हैं एंड दैट इज़ अ फिनोमिनली हाई रिटर्न सर एक ऐसा घोड़ा पकड़ा ना तो पाँच गधों का ट्रेड निकल जाता है राइट फाइव मिस्टेक्स विच यू डू विल बी फुलफिल्ड बाई वन गुड ट्रेड बहुत सिंपल है और ट्रेडिंग में अगर आपकी एक्यूरेसी 50 परसेंट है 60 परसेंट है और अगर आप साथ में ये यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि जहाँ पे आप राइट right होंगे वहाँ पे आप बड़े राइट right होंगे और जहाँ पे आप रॉन्ग जा रहे हैं वहाँ पे छोटे मोटे लॉसेस करके निकल जाएंगे और ट्रेडिंग का रूल वही है मतलब लोग मुझे पूछते हैं कि मितेश भाई इतना साल हो गया क्या आपका एक्यूरेसी रिशो है तो मैं बोलता हूँ पचपन के आसपास होगा तो ऐसा मुँह देखता हो रहा बस वो उधर पर इंस्टाग्राम पर तो नब्बे परसेंट पंचानवे परसेंट चल रहा है ना आजकल आपको पता भी फिर फाइन भी लगता है सभी का वो सब ठीक है बट सो पीपल गेट सरप्राइज एंड देन आई टेल देम कि भाई ऐसा है कि अगर आप, आप इंटरनेशनल पब्लिकेशन पढ़ेंगे और वहाँ पर वो लोग बेस्ट ग्लोबल ट्रेडर्स का इंटरव्यूज छापते हैं एवरेज उन्होंने एक बार पोल किया था तो उसमें रिजल्ट आया था कि 43 थ्री परसेंट एक्ूरेसी है बेस्ट ट्रेडर्स का जो वर्ल्ड में बेस्ट ट्रेडर्स है उनका पर क्यों 43 परसेंट में वो लोग खुश हैं या बेस्ट ट्रेडर्स हैं क्योंकि जब खोते तो इतना सा खोते हैं जब बनाते तो इतना बनाते उसका एक बहुत बड़ा रूल है आई थिंक जीतू भाई उसको बहुत रिकमेंड करते हो मैं अभी तक उस पर मास्टरी नहीं कर पाया हूँ वो है ऊपर में पिरामिड करना सर वो एक अभी भी मैं धीमे धीमे आया हूँ पर पूरा अभी तक उस, बहुत बहुत रास्ता दूर है अभी सर तो जितना ये ग्रे होगा ना उतना ट्रेडिंग अच्छा होगा मेरा <laughs> <laughs> तो अभी आ रहा हूँ उस तरफ मैं <laughs> <laughs> आपका ऑलरेडी हो गया तो आपका अच्छा हो गया बट या कमिंग बैक टू दिस तो आप देखेंगे जीएमडीसी ने जो आउट परफॉर्मेंस का सिग्नल दिया था एक सौ के आसपास ये जो रेक्टेंगल का ब्रेकआउट था तब से लेकर अभी तक यानी कि कल तक स्टॉक आउट परफॉर्मेंस मोड में ही है और ये ब्रेकआउट आया था 22 अगस्त को सो तो दो महीना ही हुआ है एक वाला स्टॉक तीन के आसपास बैठा हुआ है करेक्ट डबल हो गया दो महीने में और यही तो मैं बोल रहा था कि एक घोड़ा ऐसा मिल गया तो पांच गधे अपन पाल सकते हैं फिर जाकर के मैं पालना नहीं है उसे बता रहा हूँ ठीक है सेम आई थिंक सर एन में भी हमारा बात हुआ था तो सेम सिग्नल्स एन में भी थे ये यहाँ पर इसने एक राउंडिंग सिग्नल का फॉर्मेशन दिया था कि ये लाइन के ऊपर जाके राउंडिंग कम्प्लीट करेगा और आप देखेंगे कि जब ये ब्रेकआउट आया तो ये ब्लू लाइन ऑलरेडी वाइट लाइन के ऊपर था राइट और वहाँ से एन जैसा स्टॉक जो कि रो रो के दस रुपया नहीं चलता है डेढ़ महीने के अंदर अंदर पचास रुपया बढ़ गया विच इज़ अबाउट फोर्टी फाइव परसेंट अमेजिंग परफॉर्मेंस इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जहां पे आपको इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिख रहा है और साथ में अगर आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस का सिग्नल है तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो एज अ ट्रेडर हम ट्राई करते हैं कि हमें दस टका का मूवमेंट वाला स्टॉक मिल जाए पंद्रह टका का स्टॉक वाला मूवमेंट वाला स्टॉक मिल जाए पर ये टूल को आप ऐड कर लो अपने रिसर्च में इसको आप एक्टिवली अपने चार्ट्स पे डाल के फॉलो करो और आप देखोगे कि, कि जो आप पंद्रह टका चाहते थे वो पंद्रह टका तो ऐसे मिल ही रहा है पचास टका साठ टका भी मिल रहा है अभी मैं और एग्जाम्पल्स दिखा सकता हूँ कोचिन शिपिया और डॉक के और कब जैसे उन्होंने ब्रेकआउट दिया उसके बाद जो आर चला है वो डबल हुआ जब तक स्टॉक उसका आउट परफॉर्मेंस गया ही नहीं था करेक्ट और ये सारे स्टॉक्स में इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें से कई स्टॉक्स में मैंने खुद ने पर्सनली वो मूवमेंट राइड किया है मेरे पास मज डॉक डॉक्ट था कोचिंग शिपयार्ड कभी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं था जो कि मुझे अखड़ता है बट ठीक है हम लोग एज ऐ सेट कि हमारी कैपिटल भी फाइनाइट है और हमारी एबिलिटी टू ट्रैक नंबर ऑफ स्टॉक्स भी फाइनाइट है तो जो स्टॉक्स आपको मिले अगर आपका घोड़ा पहले नंबर पर नहीं आया है दूसरे तीसरे नंबर पर भी आया है तो आपने बहुत पैसा बनाना है ठीक है और पहले नंबर पर आया तो तो फिर फिर आप ही आ जाएँ करेक्ट और सिमिलरली इसी सेटअप को हम लोग गैप्स में भी यूज़ कर सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर गैप ट्रेडिंग करते हैं जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है या स्टॉक्स गैपअप गैप डाउन होते हैं तो हम लोग जब गैप्स के साथ ट्रेड करते हैं तो अगेन सेम इंडिकेटर को सेम तरीके से यूज़ करते हैं जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस इंडिकेटर को शायद गैप्स के लिए थोड़ा ट्वीक करना पड़े बिकॉज थोड़ी सी एक्यूरेसी इसमें कम है परंतु तो फिर भी आउट परफॉर्मेंस का जो वजन है वो तो दिखता ही है मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ बंधन बैंक पर मेरे कई सारे फ्रेंड्स मुझे फ़ोन करके बोलते थे मितेश बहुत ज़ोर से आ रहा है बंधन बैंक लेना है और मेरे को उसमें कुछ आउट परफॉर्मेंस का सिग्नल दिख नहीं रहा था इनफैक्ट जब रिजल्ट के बाद उसमें नंबर्स थोड़े से नेगेटिव साइड पे आए रिएक्शन में तो गैप डाउन के साथ मैंने उसको शॉर्ट किया तो अब देखिए ये आप देखेंगे रिजल्ट के बाद ये स्टॉक ने गैप डाउन दिया था विच वॉज नाइनटीन ऑफ अक्टूबर अभी कुछ दिन पहले की बात है और आप देखेंगे कि ब्लू लाइन जो है ऑलरेडी वाइट लाइन के नीचे थी तो रिजल्ट्स ख़राब थे गैप डाउन था और स्टॉक ने अंडर परफॉर्म करते हुए गिरना था और अगेन पाँच दिन में स्टॉक 235 वाला गिर के कल तक 212 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था एंड अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है राइट सेम एग्जांपल आई थिंक आई हैव सिंजन में जब नंबर्स ख़राब आए थे तो एक बड़ा फॉल देखने को मिला था गैप के साथ में और वहाँ पर भी सेम सिनारी था कि स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था और गैप डाउन दिया और अगेन पाँच दिनों में स्टॉक करीबन सौ रुपये से ज़्यादा गिर गया विच इज अबाउट फिफ्टीन परसेंट मूवमेंट इन फाइव फाइव डेज एंड स्टिल द ट्रेड इज़ गोइंग ऑन और आई थिंक मैंने एक चोला पे अपसाइड का गैप भी ढूंढा है चोला फाइनेंस में थोड़ा सा पुराना एग्जाम्पल है तो यू लेव टू तो बे विथ मी एक एग्ज़ाम्पल ये जो थोड़ा सा पुराना है आप देखेंगे कि यहाँ पर दो बार स्टॉक ने गैप अप दिया बड़े बड़े गैप्स दिए और दोनों बार ही वो आउट परफॉर्मेंस का सिग्नल बना हुआ था ब्लू लाइन जो था वाइट लाइन के ऊपर था और जो स्टॉक यहाँ पर 800 के आसपास था वो 1100 तक हो गया तब तक तो सिग्नल रिवर्स नहीं हुआ था उसके बाद जाके आई थिंक अभी अभी जाके सिग्नल रिवर्स होने का चालू हुआ है जो कि करीबन एक हज़ार निन्यानवे ग्यारह के आसपास ही इसने आपको एग्जिट दिया है तो अगेन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं आप ऐसी ट्रेडिंग में हैं जहाँ पर कि आप पोजीशन को ले कुछ हफ्तों तक रखना चाहते हैं तो आर एस सी टूल विल बी अ फिनल टूल एनी पैटर्न ब्रेकआउट ट्रेन लाइन ब्रेकआउट गैप्स आप इसको यूज कर सकते हैं की टेक अवेज मैं आई जस्ट समराइज आई सेड जो की टेक अवेज वो ये है कि अगर आप प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं एंड इफ़ द आर एस सी शोइंग इज सिमिलर कन्फर्मेशन द प्राइस स्विंग्स विल ओवर अचीव द टारगेट्स मतलब अगर आप पंद्रह बीस परसेंट का मूव देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको तीस चालीस पचास साठ परसेंट का भी आराम से मिल सकता है अगर प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट पे आपको आर का सिग्नल साथ में नहीं है तो उस ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं एंड लास्टली एज ए सैड ये जो हमने जो दो मूविंग एवरेजेस प्लॉट किए थे एक इक्कीस दिन का एवरेज और एक उसके ऊपर पाँच दिन का एवरेज ये एक, एक तरीके का ट्रेडिंग मॉडल है इस सिग्नल को अभी अभी भी मतलब मैं आने वाले कई सालों तक फाइन ट्यून करते रहूँगा तो हो सकता है अगर तीन साल बाद आप मेरे को कभी सुने आर पे बोलते हुए तो सिग्नल्स हो सकता है चेंज हो जाए बिकॉज एज अ ट्रेडर एज ए एनलिस्ट यू ऑलवेज ट्राई फॉर कीप इम्प्रूविंग योर सिग्नल्स एंड सेटअप्स राइट जितना आप उसको इंप्रूव करेंगे उतना फ़ायदा आपको आपके बैंक अकाउंट में दिखेगा सो दैट्स अबाउट इट दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर टूडे आई होप यू गाइड लाइक डिट थोड़ा पोस्ट लंच है तो टिपिकली रिस्पॉन्स ठंडा हो जाता है एंड आई एम सॉरी फॉर दी गाइड सिटिंग ओवर हियर सर आप लोग को ज़्यादा दिखा नहीं होगा यहाँ पर but uh, we can always mail this ppt to you failure examples hote hain kyunki so pattern breakout has failed with the rc in buy mode ha to jaisa maine aapko bataya abhi maine aapko example diya tha hcl ka ki pattern ne breakout diya parantu जैसे cup and handle था यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा decline हुआ cup बना handle बना और breakout दिया पर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आर था वो अंडर परफॉर्मिंग मोड में था तो पैटर्न ब्रेकआउट देने के बाद भी वहाँ से गिर के स्टॉक ने पैटर्न को फेलियर किया इस सिग्नल का फेलियर भी कभी कभी होता है दिस सिग्नल ऑल्सो कैन फेल सो एवरी सिस्टम इफ़ आई एड ए परफेक्ट सिस्टम बाबा तो मैं आपके सामने नहीं होता ना मैं हवाई में अपना यॉर्ड में बैठ कर ट्रेडिंग कर रहा होता मैं थोड़ा टाइम बाद पहुँचूँगा होपफुली बट अभी बहुत टाइम है उसमें बट या दिस हेज़ दिस हेज़ दिस हज़ फेलियर अभी मैंने लास्ट जो लॉन्ग ट्रेड लिया था वो फेल हुआ है तो मुझे वैसे दिख रहा था कि मार्केट में तकलीफ है बिकॉज निफ्टी का बैंक निफ्टी का सारे इंडिकेटर्स गिरना चालू हो गए थे फिर भी मैंने एक जो एक रहता ना कि यार ये स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है ले देते सो so आप ये देखेंगे ई के सी ने ट्राइंगल के ऊपर ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर ये वाले दिन देख रहे हैं यहाँ पर ये वाले दिन और आर एस सी भी बाय में था परंतु उसके बाद से जो निफ्टी गिरा है तो ये भी गिरा है और फिर इवेंचुअली जब निफ्टी इस लाइन के नीचे गया ये प्राइस जब इस लाइन के नीचे गया तो आपने अपने लॉन्ग ट्रेड को एग्जिट कर दिया सो देर आर फेलियर्स बट आई हैव सीन इज़ दैट दिस यूजिंग दिस इंडिकेटर द फेलियर रेट ऑल्सो गो इज ऑन अलॉट अगर आप पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल प्राइज एक्शन पर पैटर्न ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं अगर आपका एक्यूरेसी सत्तर परसेंट है अगर आप साथ में आर एस सी यूज़ करते हैं तो आपका एक्ूरे अराउंड एटी फाइव नाइन्टी परसेंट तक पहुंच जाता है ओनली फॉर पैटर्न ब्रेकआउट्स नॉट फॉर और ऑल ट्रेड्स ठीक है ओनली फॉर पैटन ब्रेकआउट्स तो वो एक बहुत बड़ी बात है दूसरी बड़ी बात यह है कि न सिर्फ एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है जो मूवमेंट आप कैप्चर कर पाते हैं वो भी बढ़ जाता है बजाय पंद्रह टका खाने के अब आप तीस चालीस पचास टका खा रहे हो सो so, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग आर्सन एंड एनी इंडिकेटर फॉर देट मैटर विल नेवर बी अ परफेक्ट इंडिकेटर वो तो होने ही नहीं वाले वो बना लिया तो फिर मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा मैंने आपका भी बोला सो दिस इज दिस इज वॉट इट इज़ यस एवरी सिस्टम लाइक लाइक एवरी ट्रेडिंग सिग्नल दिस ऑल्सो फेल्स उसमें कोई बुराई नहीं है बट ये आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है तो ये आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो एज अ ट्रेडिंग इंडिकेटर में आपके ये होना चाहिए इज द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक सर मेरा एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर टेक्निकल एक्सपर्टीज व्हाट आई हैव ट्राइड टू मैं टू थ्री टाइम्स कि टेक्निकल कुछ एडवांटेज मिल जावे, बिकॉज आई एम नॉट टेक्निकल पर्सन सो मैंने किसी को पैसा दिया तो उन्होंने बोला कि 20 परसेंट 30 परसेंट का रिटर्न मिल जाएगा लेकिन दोनों तीनों बारी मुझे लॉस हुआ तो लाइक इन म्यूचुअल फंड वन वी आर इन्वेस्टिंग सो कुछ सर्टन फीस चार्ज करके देख की एन ए बी वैल्यू करके हमको बेनिफिट मिल जाता है सो एज़ ए ले इन्वेस्टर सपोज आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन एन दिस टेक्निकल मुझे कुछ, कुछ कमाना है तो वैसे कुछ सर्विस नहीं है क्या सेबी रजिस्टर्ड की जिसके थ्रू मैं मतलब पैसा इन्वेस्ट करके और वहाँ से मुझे रिटर्न मिल सके मतलब ऐसा सर देखिए कैसा है कि मार्केट uh, में रिस्क तो सभी जगह पर है और सेबी ने एक बोला कि आपको सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होना चाहिए जिसके लिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ती तो हम लोगों ने करी है परंतु तो पिछले कुछ सालों में जो कोविड के बाद जब सब लोग घर पर बैठ गए और कुछ करने को नहीं था तो ऐसे बहुत सारे सोशल uh, मीडिया मतलब मैं इनफैक्ट सोशल मीडिया पर प्रैक्टिकली एक्टिव भी नहीं हूँ जब सर ने कहा मैं ट्विटर पर एक्टिव मैंने ट्विटर शायद दो साल से खोला भी नहीं मेरा। है मेरा ठीक है अकाउंट है बट मेरे को क्या मतलब ट्विटर से मतलब इट्स जस्ट नॉइस फॉर मी सो ऐसे सोशल मीडिया पर बहुत सारे इन्फ्लुसर्स आ गए जो कि लोगों को प्रॉमिस करने लगे फेक स्क्रीन शॉट्स डाल के आप से भी उन पर एक्शन ले रहा है जा कर के बैठ करके तो बीच में कोई मुझे बोला कि मितेश भाई आप क्लासेस क्यों नहीं लेते हो मैंने कहा मेरे क्लास में कोई आता नहीं क्योंकि मेरा उतना पैसा बनता नहीं जितना उन लोग का बन रहा है तो वो फाइट है सर जेनविन पीपल हैव लॉस बिजनेस बिकॉज ऑफ दैट मेरा अंदर का दिल का दर्द बहुत है उसमें जा करके जी सर आई हैव आई हैव आई आई हैव दिस थिंग टू मेक जो सेबी की रिपोर्ट आई है वो आई है 2022-23 के डेटा के ऊपर वो एक साल का डेटा है जब मार्केट बहुत चौपी साइडवेज और करेक्टिव था अपट्रेंड ट्रेंड में नहीं था तो अगर आप उसके एक साल पहले की रिपोर्ट लेते तो सेबी ये बोलता है कि दस में से आठ लोग पैसा बना रहे हैं क्योंकि कोविड में आठ का लो हिट करने के बाद मार्केट अठारह अच्छा हज़ार जा रही है तो रिपोर्ट का टाइम फ्रेम देखिए उसने किस पीरियड के टाइम फ्रेम से दी है एक दूसरा जो भी आपका सोशल मीडिया पर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पैसा बना के दूंगा तो तू खुद बना ले भाई मेरे को क्यों बांट रहा है इज माई सिंपल आंसर सर हाँ अरे अरे अभी वो जो जिसपे कल सत्रह करोड़ का फाइन हुआ है उसका मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा जीतू भाई बोलता है कि दस तक वीकली रिटर्न दूंगा पाँच सौ बीस तक साल का रिटर्न दूंगा तो मेरे को लगा कि मैं छत से कूद जाऊँ पच्चीस साल निकाला है मार्केट में पाँच सौ बीस तक मेरा साल में भी नहीं बन साल में क्या मतलब पाँच साल में भी नहीं बनता है टाइम लगता है बनने को तो मतलब बट सर फेक प्रोमिस जस्ट वेरीफाई कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं एंड ये बहुत बड़ा बिज़नेस हो गया है जो कि हमारे ऊपर हमारे पेट के ऊपर तो बहुत बड़ी लात है ही है बट दूसरा वो क्या कर रहा है कि कई लोगों को जिनको जानकारी नहीं है उनसे वो पैसा चार्ज कर रहे हैं मतलब इस केस इस बंदे के केस में जिस पर कल फाइन हुआ है रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि सत्रह करोड़ रुपए उसने ट्रेनिंग की फीस लिए लोगों को कुछ पिचासी तरह के कोर्स भेजता था कि आज बाय सेल ऑप्शन हीरो जीरो बाय टुडे सेल टमोरो ऐसे पंद्रह बीस कोर्सेज पचास कोर्स बना रखे थे उसने पर खुद के परफॉर्मेंस में तीन करोड़ रुपए का लॉस था उसको सो दिस इज़ अ वेरी वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट फ्रॉड पीपल हैव एंटर्ड आवर बिजनेस बिग टाइम बट हम लोग कैसे रोके मतलब एक तो खुद का बिज़नेस जो जा रहा है जरमीन बिजनेस जा रहा है उसका तो गम है ही है ऊपर से जाके इसको रोकने का कोई तरीका भी नहीं है एंड पीपल आर सो गलेबल कि उसके सर साढ़े चार लाख फॉलोअर्स हैं मेरे साढ़े चार हज़ार भी नहीं है ठीक है मेरे को हो गया पच्चीस साल इस बाज़ार में तब भी साढ़े चार हज़ार नहीं है मेरा <laughs> क्योंकि मेरा इतना पैसा नहीं बनता ना स्क्रीन शॉट में नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज या आई हैव टू

तो अगर आप नॉर्मल केस में देखेंगे तो कभी स्टॉक आउट परफॉर्म करता है कभी अंडर परफॉर्म करता है तो विप्स आते रहते हैं उसमें जाकर के परंतु तो हमें उन सिग्नल्स को ट्रेड नहीं करना है हमें इसको कब ट्रेड करना है जब आपके साथ कोई पैटर्न ब्रेकआउट दिख रहा हो कोई इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जा रहा हो कोई ट्रेन लाइन से ब्रेकआउट दिख रहा हो कोई गैप स्ट्रैटी दिख रहा हो तब जाकर ट्रेड करना है तो दिस इज ओनली फॉर आइडेंटिफाइंग एज एडिशनल फिल्टर टू दी ट्रेड विच यू वुड ऑलरेडी बी टेकिंग उसमें यह एक एडिशनल फिल्टर की तरह काम करता है ये आपको दो चीज़ बताता है अगर आर एसी साथ में है तो आपका ट्रेड आपकी एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म करेगा और फास्ट और अगर आर साथ में नहीं है तो उसके फेलियर होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली हायर है सर uh, ये सिग्नल और कोई प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है सर सारे पे होगा मैं तो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ इसलिए है बट आई थिंक सारे सॉफ्टवेयर आजकल आई इंडिकेटर प्रोवाइड करते हैं आई थिंक ट्रेडिंग व्यू पे भी होगा मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ नहीं करता हूँ बट उस पर होगा बिकॉज आर ए सी इज़ वेरी कॉमन इंडिकेटर आई थिंक मैं मतलब इसको मेरा इंट्रोडक्शन इससे 21 साल पहले हुआ था बट इसको रिफाइन करके ट्रेडिंग यूज़ करना मैंने डेढ़ दो साल से चालू किया है सर वो तो क्या है ना वो मूविंग एवरेज है जो कि आर पे प्लॉट किया है तो वो तो जस्ट एक इंडिकेटर के ऊपर इंडिकेटर प्लॉट किया हुआ है तो मूविंग एवरेज तो सब जगह मिलता ही है उसको आपने सिर्फ एंड प्लॉट करना है सर इफा आई मे आस्क दिस क्वेश्चन टेक्निकल स्टडीज इज यूजली स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स सो हाउ आर वी एडजस्टिंग द स्टडी पैटर्न इन मॉडर्न डे वेयर अल्गोज एंड मशीन ट्रेडिंग्स आर इन्फ्लुएंसिंग सम ऑफ द इन्फ्लुसिंग फॉर एग्जाम्पल स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग आर हैपनिंग जस्ट फिफ्टी हंड्रेड पॉइंट्स बिलो वेट ट्रेडिशन मैथड्स वो मैकेजमु वेरी वैलिड क्वेश्चन ये दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू इवाल्व एज एनालिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं ये सिग्नल यूज कर रहा हूँ जिस पर मैंने दो एवरेज प्लॉट किए अगर तीन साल बाद मैं आर के ऊपर बोलूँगा हो सकता मैं एक अलग तरीका सिग्नल यूज कर रहा हूँ तो ओवर द ईयर्स ईवन आई वे हमने देखा है कि जो पुराना जो टाइम था उसमें प्रॉब्लम न आ था आज की तारीख में मेरा ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो आई वर्क विद नो स्टॉप लॉस इज ट्रेडिंग जब तक मेरा सिग्नल बाय में है तब तक मैं बाय में है जब तक सिग्नल जब सिग्नल सेल में आता है मैं उसको छोड़ देता है कोई स्टॉप लॉस फिक्स नहीं करता हूँ मैं जगह आई विल नेवर पुट अ लेवल बेस्ड स्टॉप लॉस बिकॉज ओवर द ईयर आईव रियलाइज्ड कि वो लेवल बेस्ड स्टॉप लॉस कई बार हिट होकर और फिर जाता है तो वो उससे भी ज़्यादा दुखदाई मोमेंट होता है कि आपने प्रॉफिट बुक कर ले उसके बाद स्टॉक ऊपर गया क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट करके आपका ट्रेड खा के पैसा ले के आपसे स्टॉक ऊपर गया तो मेरा लेवल बेस्ड स्टॉप लॉस नहीं होता है मतलब एग्जिट मैकेनिज्म है ऐसा नहीं कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है प्लेस में पर तो वो तो लेवल के ऊपर नहीं है वो एक सिग्नल के ऊपर है। जब तक तो वो सिग्नल चेंज नहीं होगा, भाई आप थोड़ा कोई स्टॉक ट्रैक करते रहोगे तो डिनोमिनेटर में निफ्टी फिफ्टी ऑलवेज यूज करते हो या निफ्टी मिड स्मॉल फोर हंड्रेड या निफ्टी स्मॉल करते हो ज्यादातर एज सेड इवॉल्विंग है परंतु आप ये ट्राई कर सकते हैं मैं अगर निफ्टी फिफ्टी अभी लास्ट सिक्स टू एट मंथ्स साइडवेज था और स्मॉल कैप इंडेक्स जो था कोई भी स्टॉक अच्छा खासा चला था तो वो तो सब स्टॉक आरएसी जो है वो मूविंग एवरेज जैसे आपने बताया वो तो हमेशा ऊपर ही चलते रहेंगे तो मिस कैलकुलेशन होने नहीं, का नहीं नहीं, होगा सर मतलब वो बेसिकली वो आपको सिग्नल यही बताएगा कि निफ्टी को और परफॉर्म करने वाला है okay. तो हमें ये नहीं पता होता है कि उस टाइम निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा ना करेक्ट निफ्टी भी ऊपर जा सकता है हुँ. पर ये निफ्टी को बीट करने वाला है okay. तो मेरे लिए बेंचमार्क अभी तक निफ्टी है तो हुँ. मैंने उसको निफ्टी किया है बट अगला स्टेज जो मैं शायद अटेम्प्ट करने वाला हूँ वो ये कि क्या मैं ये देखूँ कि वो निफ्टी मिड कैप मतलब इसको और रिफाइन अगर आपको करना हो तो पहले मैं निफ्टी मिड कैप को निफ्टी से कंपेयर करूँ ठीक है मिड कैप में जो आ रहा है उसके बाद उस स्टॉक को मिड कैप के बीट करेगा कर सकते, कर थीके सकते. थीके कर सकते. वो चल रहा है, कर सकते. Okay. वो, fact, मेरा वो है. Okay. तो आपने बोला जो मैं इनफैक्ट सोच रहा हूँ आने वाले महीनों में उसके ऊपर थोड़ा काम किया जाए yes, हाँ हा, बिंदास

मैं मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग अटैम्प्ट किया था जब मैंने खुद का काम चालू किया था एंड आई वाज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल मैं रियलाइज़ किया कि मैं अपने काम के साथ में सीएनबीसी के काम के साथ में और भी काम के साथ में मैं इंट्राडे चार्ट्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता हूँ कि मैं पंद्रह मिनट के चार्ट पे काम करूँ तो जो लोएस्ट टाइम फ्रेम पर मैं काम करता हूँ वो सेवेंटी फाइव मिनट्स से। है जब से मैं वहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है तो सर ऐसा होता है कि कुछ लोग सहवाग होते हैं कुछ लोग राहुल द्रविड़ होते हैं तो हमारा रन बन रहा है जब तक हमें ठीक है हम खुश हैं मतलब उसको इम्प्रूव करते रहेंगे पर आई विल नॉट गो अगेंस्ट माई नेचर आई के नॉट डू टका टक टका टका -टक, -टक, टक तो मैंने उस ट्राई नहीं किया एंड आई मीन दैट्स लिमिटेशन ऑफ मीडर यस सर सॉरी सर ये डेली पे सारे मैंने जो ये जो मैंने पैटर्न ब्रेकआउट दिखाए सारे डेली पे हैं और मैंने एक पी का चार्ट दिखाया था जो वीकली चार्ट था तो उसको भी आप वीकली ब्रेकआउट को भी आप डेली आर के साथ में क्लब करके कर सकते हैं इनफैक्ट मंथली को भी कर सकते हैं सर हाँ तो कैसा होता है सर जैसे कि अपना एक सिंपल सा चीज़ होती है कि एक छोटी वेव है समुद्र में एक बड़ी वेव है तो जो बड़ी वेव होगी ज्यादा दूर तक जाएगी वो तो अंडरस्टूड है तो इसमें क्या होता है वीकली ब्रेकआउट जैसे मैंने आपको बताया सॉरी मैं एक चार्ट आपको वापस लगा देता हूँ जो मैंने अपने एग्जाम्पल्स में कवर किया था ये पी का चार्ट है वीकली चार्ट है ये अगर आप देखेंगे नीचे डब्लू आपको दिखेगा यहाँ पर लिखा हुआ डब्लू अब शायद विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी बट दिस वीकली चार्ट ये रेक्टेंगल का ब्रेकआउट आया था करीबन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में और ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में यहाँ से ये आर एस बाय में चल रहा है स्टॉक सर साढ़े तीन सौ वाला छः सौ हो चुका है दो महीने में और अभी तक चल रहा है तो बड़ा टाइम फ्रेम और बढ़िया और बड़ा पैसा बनना चाहिए आई वुड टोटली गो विद दैट और इसको सारे को मैं जाकर ब्रेकआउट वीकली चार्ट देख रहा हूँ पर आर का यूज़ मैं डेली पे कर रहा हूँ कि भाई मेरा ब्रेकआउट तो वीकली चार्ट आ रहा है पर मुझे रोज़ निफ्टी को आउट परफॉर्म करना चाहिए आपने जो दो एवरेज यूज़ किया है ना उसमें जो गैप बढ़ता है कम होता है उसका कोई सिग्निफिकेंस आपने देखा है सर uh, मैं ट्राई कर रहा हूँ उस पे, पर गैप बढ़ना इसका मतलब और गैप कम होना वो एक बहुत नेचुरल फिनोमिन है क्योंकि क्या होता है स्टॉक एक बार शॉर्ट टर्म में भाग जाता है फिर कुछ दिन तक कंसोलिडेट करता है पर जब तक वो सेल में नहीं आता तब तक आप ट्रेड में बने रहिए गैप कम होने के बाद जब वापस एक्सपैंड करना चाहे तब आप हो सकता है अपनी पोजिशन को पिरामिड करके और बढ़ाना चाहें दैट इज समथिंग विच आई नॉट एक्सप्लोर बिकॉज सर बहुत सारे काम के बीच में ये जब रिसर्च करने का काम कभी कभी होता है कि एक दिन आप बस लैपटॉप लेके बैठ जाते हो कि आज तो मैं कुछ निकाल के उठूंगा तब ये सब रिसर्च का काम होता है बट इट इज़ ये जो गैप वाला सिस्टम है मैंने दूसरी स्ट्रैटेजी में यूज़ किया है कि गैप कम होकर वापस जब एक्सपैंड होता है तो मैं पोजिशन साइज बढ़ा लेता हूँ यहाँ पर नहीं किया अभी तक ये सर सर आई हैव दिस वेरी बैड हैबिट ऑफ नो वेयर कंसिडरिंग वॉल्यूम इन द एंटायर एनालिसिस विच आई डू मैं सिर्फ टीवी पे आपको बोलता हुआ दिखूंगा कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है बट मेरे कोई भी चार्ट पे वॉल्यूम नहीं होता है बिकॉज मेरा मानना है और गई सही हो गलत हो मेरा मानना ये है कि अगर वॉल्यूम बड़ा है एक लाख से पाँच लाख हुआ है और किसी ने पाँच लाख शेयर लिया है तो किसी ने पाँच लाख शेयर बेचा भी है आई मीन आई कै थिंक सिंपल पर मैं टी वी जरूर बोलता हूँ कि आज वॉल्यूम बढ़ गया है और लोगों को सुनने में अच्छा लगता है ये कोई रिपोर्ट नहीं करेगा प्लीज हाँ सर वो एग्जैक्टली exactly, वो सुनने में और वो एंकर लोग को भी बड़ा पसंद है अच्छा वॉल्यूम भी हो रहा है अरे हाँ वॉल्यूम डबल हो गया कल से पर डबल हुआ तो जिसने लिया उसके सामने बेचा भी है तभी तो डबल हुआ तो है और सर वो अपनी लैंग्वेज में आ चुका है इतने साल से चैटिंग कर रहे हैं टीवी पे कि वो लैंग्वेज में प्राइस वॉल्यूम आई जाता है बट मैं यूज़ नहीं करता हूँ सर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू आई नेवर यूज इट थैंक यू फ्रेंड्स So I've requested Mitesh Bhai; he'll be there in tea break also. If there are any further questions, we can take up in uh, tea break. Please be there in hall for two minutes. Uh, let's respect the speaker; he's given his valuable time uh, for all of us, and let's not uh, rush for tea. वो पंद्रह बीस मिनट तक चाय मिलते ही रहेगी चिंता नहीं है अनिल जी स्टिल ऑन द वे तो ऐसा कोई समय का प्रॉब्लम नहीं है सो प्लीज़ बी देयर इन द हॉल बिफोर आई रिक्वेस्ट पीयूष चंडक टू प्रपोज अ वेरी वेल डिजर्व वोट ऑफ थैंक लेट मी रिक्वेस्ट ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल अर्पित जी काबरा टू ऑफर अ मेमेंटो टू द स्पीकर एज लव ऑफ अवर एज अ टोकन ऑफ अवर लव एंड अफेक्शन आई थिंक सर ने टेक्निक में काफ़ी टेक्निक सिखाई हाउ टू यूज आर एस सी आर एस आई वट एवर वी कॉल इट एंड वंडरफुल सेशन इट वॉज़ लेट मी रिक्वेस्ट आर सी एम पीयूष चांडक टू प्रपोज अ वेरी वेल विजर्व वोट ऑफ थैंक्स टू बी सर थैंक यू वेरी मच केतन भाई सुबह हमने विजय केड़िया जी से सुना कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में एंटर करेंगे तो आपको दो सेट ऑफ एडवाइसिस मिलेंगे एक इस टाइप का रहेगा कि स्टॉक मार्केट जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है और वैसे एक एडवाइस मिलेगा कुछ पाने के इंतज़ार में सब कुछ खो देते हैं उस स्टॉक मार्केट में शेयर भी रो देते हैं तो ये एक हो डराने वाला दूसरा बोलते हैं कि अगर आपको मिलेनियर बनना है तो स्टॉक मार्केट के अलावा कोई अच्छा रास्ता नहीं है इसी में वी हैड अ सेशन विद मितेश भाई उनका सेशन ऐसा था एक शानदार कंपनी को उचित कीमत पर ख़रीदना एक उचित कंपनी को शानदार कीमत में ख़रीदने से कई बेहतर है मतलब समझ गया होगा शायद भाव भगवान है एंड विथ दिस मितेश भाई आपने आर एस आई और आर एस सी के बीच में का जो डिफरेंस था हमको समझ में आया आज तो एंड यू एक्सप्लेन वेरी वेल विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑल द इंट्रिकसीज एंड न्यूनसेस ऑफ आर एस सी And one more thing, moreover, sir, I am personally impressed with your humbleness. With a very humble attitude, you explained everything to everyone, answered all, your, all our questions. And with this, I can surely say your session was definitely outperforming ever in the somewhat sideways mood of the audience after the lunch. And for this, I request all of you to put your hand together for Mitesh Bhai so mitesh bhai thank you thank you very much for accepting our invitation and thanks the organizing committee for giving me the opportunity thank you very much so from uh, now we'll break for 15 minutes for tea and we'll gather here for the most deserved lecture very important to understand the market from various angles. it can be fundamental. it can be technical. there are various analysis in which the companies and the sectors are analyzed when we try and do an investment. in the morning, we had a person who is a successful investor we have different speakers who are expert in capital market, but having their own expertise in their own field. when we were designing this program, we thought that in two days we should try and cover up the maximum aspect of capital market, be it an investor, be it a trader, do and don't, what is going to be the long-term strategies for investment. At current stage, is it a right time to invest, or not? When we do a trading, there are a lot of technique which people follow. The latest use of software like algorithms, and there are various ways in people analyze the market. And you know, they try to see that in one or other situation, what is beneficial to the market. K. D. R. G. said something important about information. One thing is very common and very pertinent when you invest into the market is to have the information. I was fortunate to know one trader. Of course, he he's trading today in Nasdaq, he's not in India. But when he was in India, I used to meet him very oftenly. And I used to see that maximum newspaper he used to read in the morning between 6 to 9.

नीचे में लो ऊपर में बेचो बट नीचे क्या है ऊपर क्या है यही नहीं पता होता है उसमें ही अपन ऊपर नीचे हो जाते हैं अफकोर्स बट अमंग दी ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव विच वी हैव बीट यू नो फिक्सड इनकम इंस्ट्रूमेंट और बीट यू नो म्यूचुअल फंड रूट थ्रू सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और बीट कैपिटल मार्केट डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न सम सुपर टेक्निक सम मेथोडोलॉजी and try and implement them in one of our trading our investment which we keep doing and one of them is rsi the relative strength index we have expert in the form of mitesh bhai who has been you know implementing the rsi technique and he's again one of the most sought after speaker for rsi technique Mitesh Bhai, we are really thankful at Western India Regional Council for your agreeing for this national conference and coming over here, sparing your valuable time. Uh, with this, let me request uh, Regional Council member Rudesh Pankhania to formally introduce Mitesh Bhai. Good afternoon, everyone. <clears throat> I think it's a sheer pleasure to introduce an amazing speaker for today, Mitesh Thakurji. Uh, I'm not somebody who comes from a capital market background, but very glad that I started my career in capital markets and that also in Deutsche Bank. So thank you, Miteshji, for being a part today. Mitesh Thakkar, a technical analyst and a proprietary trader, currently associated with CNBC TV18. He completed his post-graduation from TAPI Management Institute in 1999 and since then, He's worked with various companies like First Global, Kotak Securities and Edelweiss in the role of technical and trading analyst. In 2008, he started his own venture and since then he has been associated as a technical expert on various TV channels sharing his market views and trading ideas on a daily basis. Check him on Twitter, he's been actively using Twitter as well sharing all these Insights as well, and on Instagram he shares his photo clips. He's a photographer, otherwise, so on Instagram he puts up various amazing photographs that he clicks. Thank you so much, Mitesh Ji, for being a speaker today. Can we have a huge round of applause for Mitesh Thakkar? Uh, over to you, Kit. <sighs>

मुझे लगा कोई सुनेगा नहीं आधे लोग सो रहे होंगे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा आप में से कितने लोग एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं इफ आई कैन जस्ट हैव अ शो हैंड्स काफी uh, अच्छी पॉपुलेशन है तो और कितने लोग uh, सुखी है सर आपका तो, तो गोज विदाउट सेइंग सो so, सुखी मतलब प्रॉफिटेबल नहीं होता है दोनों में अंतर है राइट right. हाँ तो क्या होता है ना ट्रेडिंग मेरा जो एक्सपीरियंस है एंड मे बी दैट इज़ बिकॉज क्योंकि हम एज अ ट्रेडर हमेशा अपने परफॉर्मेंस को पिछले परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और चाहते हैं कि हम उसको बेटर आउट करें तो वो सुख वाली फीलिंग आती नहीं कभी ठीक है लॉस हो गया तो आदमी वैसे ही दुखी है और प्रॉफ़िट हुआ तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा और रुक जाता तो थोड़ा और प्रॉफिट बन जाता वो फीलिंग रहती है और एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग मेरा करियर का फेज़ था जब मैं फर्स्ट ग्लोबल में था Uh, और नाइन्टी नाइन टू थाउजेंड का जो बेयर मार्केट आया था सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में तब मैं uh, शंकर जी के साथ था और uh, उनका चीफ टेक्निकल एनालिस्ट था और तभी मैंने जॉब चेंज करके कोटे सिक्योरिटीज ज्वाइन किया था पी एम एस में टू एडवाइज़ द फंड मैनेजर्स और uh, दो तीन दिन बाद मार्केट बहुत गिरा और कई सारे सॉफ्टवेयर स्टॉक में उस टाइम अगर आपको याद हो जो वेटरन्स होंगे उनको तो पक्का याद होगा कि आठ परसेंट का सर्किट हुआ करता था स्टॉक्स में तो मैं जाने के पहले जो जो मैंने शॉर्ट कराया था आ, वो उनका प्रॉप शॉट चल रहा था बदले में और जब मैं कोटक जॉइन किया दो तीन दिन बाद मार्केट ज़ोर से गिरा और कई सारे स्टॉक्स नेगेटिव एट परसेंट सर्किट लिमिट पे आ गए तो मैंने फ़ोन किया स्टाफ को मैंने कहा आज तो पार्टी है तुम्हारी क्योंकि हमारे यहाँ रूल था फर्स्ट ग्लोबल में हम लोग काफ़ी शॉटिंग करते थे और जब भी मार्केट ज़ोर से गिरता था तो जलेबी आती थी शंकर बड़ा और जलेबी फॉर ऑल ऑफ एस एज ए ट्रीट लाइक भाई जी भर के जलेबी खाओ तो मैंने फ़ोन किया कि भाई आज तो पार्टी है आज तो तुम्हारी जली भी आने वाली है सामने से जवाब मिला भाई बोल मत सेठ बहुत दुखी है बोला क्यों मार्केट तो गिर गया बोले कल ही शॉर्ट काटा था आज फिर आठ टका डाउन है तो पैसा बनाने के बाद भी यू नो सुखी होना एक अलग चीज़ है ट्रेडिंग में अगर आप देखेंगे तो कई लोगों ने कहा पैसा बनाना इजी है एक सिंपल तरीका होता है ट्रेडिंग एक्चुअली पैसा बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इट इज़ नॉट अ वेरी ईजी जॉब कि आपने लैपटॉप uh, खोला चार्ट लगाया कुछ कुछ स्टडीज़ लगाया और हो गया काम लाइफ में जाकर कर बिकॉज uh, आप एक एनालिस्ट हो सकते हैं और चूँकि मैं इस जर्नी से गुजरा हूँ मैंने अपना करियर एज अ टेक्निकल एनालिस्ट चालू किया था और उसके बाद प्रॉप ट्रेडिंग चालू किया तो आप एक अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं परंतु तो आपको अच्छा ट्रेडर बनने में थोड़ा और ज़्यादा समय लग जाता है तो ये एक uh, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस है कई सारे चैलेंजेस होते हैं uh, एक uh, मैं बहुत ही फेमस बुक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर विच इज़ रेमिनसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं स्ट्रॉगली रिकमेंड करूँगा जितने भी ट्रेडर्स हैं उस बुक को एक बार जरूर पढ़ें जैसी लेवर मोर का अगर आपने नाम सुना हो तो ये बुक उनकी लाइफ स्टाइल पर बेस्ड है उनकी लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है सॉरी और ही वॉज द गाए जो नाइनटीन ट्वेंटीज़ में अर्ली नाइनटीन हंड्रेड में ट्वेंटी uh, सेंचुरी में तीन बार ही वॉज अ मल्टी मल्डिनियर और तीन बार बैंक्रप्ट हुए एंड ही वॉज जित वाई लाइक यू ही वॉज अ वेरी गुड स्क्रीन रीडर मतलब वो भाव देख के स्क्रीन देख के बेटिंग uh, uh, या अपनी पोजिशंस uh, ट्रेड uh, करते थे सो इट इज़ ऑल अबाउट हिम एंड कहीं पर एक बुक में उस उस एक पेज में ये कोट है जो कि मुझे बड़ा पसंद है कि इफ अ मैन डज नॉट मेक वन मिस्टेक इन द स्टॉक मार्केट ही विल मेक एनी ऑफ दी टेन थाउजेंड कजिन्स ऑफ दैट मिस्टेक मतलब मिस्टेक करने का फैमिली इतना बड़ा है कि अगर आप एक आधी मिस्टेक से बच भी गए तो भी आप कोई ना कोई दूसरी मिस्टेक करोगे ही और इसीलिए ट्रेडिंग में मैं, मैं मैं, पूछ रहा था कि कितने लोग सुखी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जा कर के हमें लगता है कि यार ये नहीं किया होता ये नहीं होता या मैंने इसको इस तरीके से ट्रेड को हैंडल किया होता लेटेस्ट एग्जाम्पल है आई थिंक जो हमारे ग्रुप में है वो जानते होंगे कोल इंडिया हमने काफ़ी अग्रेसिवली सभी लोगों ने बाय किया था और टू के आसपास वो जो अपना सिस्टम तो बाई में ही है पर अपने को लगता है कि यार कोल इंडिया पचास रुपये बढ़ गया और बढ़ सकता है क्या मैंने बड़े प्यार से प्रॉफिट लिया और बहुत खुश होकर प्रॉफिट लिया और चार दिन बाद मैं इतना दुखी था कि वाइफ बोली क्या हो गया कुछ तकलीफ वकलीफ है मैंने कुछ हुआ नहीं कोल इंडिया छूट गया मेरा सो <laughs> so, बड़ा ही डिफिकल्ट है तो इन सारे चैलेंजेस को जब हम लोग फेस करते हैं एज ए एनलिस्ट एक उम्मीद यह रहती है कि हम कुछ ट्रेडिंग सिस्टम या सिग्नल्स बना पाएँ जिसकी वजह से एटलीस्ट अगेन कोई परफेक्ट सिस्टम तो होता ही नहीं है लाइफ में जो आपको एग्जैक्ट टाइम पर बता दे कि यहाँ पर टॉप बन रहा है या यहाँ पर बॉटम बन रहा है बट uh, एटलीस्ट आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो कुछ ऐसे सेट ऑफ सिग्नल्स हो जो कि आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ कर सके एम आई राइट आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज एवरीबडी हु इज़ वर्किंग ऑन चार्ट्स वो कंटिन्यूसली ट्राई करता है मूविंग एवरेज में डालू एम एस सी डालू फिर देखता है बहुत सारे इंडिकेटर्स हो गए दो चार को निकाल दूँ ये चैलेंज हमारे साथ मतलब ये ज़िंदगी भर का आता है शादी हो गया इससे जा करके वैसा वाला चीज़ है तो आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेरेटिव सर आर एस आई नहीं आर एस सी ये बेसिकली uh, मुझे पता नहीं है कि जस्ट इफ़ आई कैन हैव वन अदर रेज ऑफ हैंड्स आप लोगों में से कितने लोग आर यूज़ करते हैं या रेगुलरली उसको काम करते हैं सर आई थिंक दो या तीन ही हैंड्स है तो आई एम श्योर कि बाकी लोगों को एक अच्छा नॉलेज uh, मिल जाएगा इसके बारे में और अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहें मेरे प्रेजेंटेशन में तो मोस्ट वेलकम आई वेल बी हैप्पी टू लर्न टू मतलब वो सीखने की चाह तो रहती है तो आर जो टॉपिक है uh, <coughs> बेसिकली एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि एक स्टॉक के परफॉर्मेंस को दूसरे स्टॉक के सामने मेजर करता है टिपिकली टेक्निकल एनालिस्ट लोग क्या करते हैं प्राइस को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे जा कर के उस पे अपनी पर अपनी स्टडीज़ लगाते तो हैं ट्रेंड लाइन्स बनाते हैं पैटर्नस आइडेंटिफाई करते हैं इंडिकेटर्स लगाते हैं मूविंग एवरेजेस लगाते हैं परंतु यहाँ पर आप क्या करें आप बजाय प्राइस को प्लॉट करने के आप दो स्टॉक्स के एक स्टॉक हो सकता है एक इंडेक्स हो सकता है अब दो स्टॉक के प्राइस का रेशियो निकाल के उस रेशियो लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं ठीक है रेशियो लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद आप ये देखना चाहते हैं कि उस रेशियो लाइन से क्या हमें कोई ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि हम बोल सके कि एक स्टॉक दूसरे स्टॉक से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा राइट सो so बेसिकली लोग एक से परेशान हैं हम यहाँ परेशानी को थोड़ा डबल कर रहे हैं हम दो लाइन का मिक्सचर करके एक नई लाइन बना रहे हैं उसके ऊपर स्टडीज डालने की ट्राई कर रहे हैं ठीक है सो so, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्लाइड पे, आई थिंक अ लुक द is calculated by इज़ कैलकुलेटेड price of द stocks ऑफ टू स्टॉक्स ऑन डेट अराइविंग एट अ ratio, रेशियो एंड देन प्लॉटिंग दिस line लाइन ऑन द ग्राफ टू अंडरस्टैंड performance और the comparative स्ट्रेंथ uh, एक एग्जांपल भी मैंने दिया है फॉर एग्जाम्पल डेट से आपने कोई एक डेट ली और uh, दो स्टॉक्स के प्राइस को डिवाइड किया और रेशियो आपका आया फाइव तो एक स्टॉक सौ रुपए का एक स्टॉक बीस रुपए का है एंड कुछ दिन बाद जब डिवाइड किया तो आपका रेशियो आया 5.5 इट विल टिपिकली मीन दैट दी न्यूमिनेटर स्टॉक जो ऊपर में था हैज आउट परफॉर्म दी डिनोमिनेटर स्टॉक बाय अबाउट टेन परसेंट ये क्लियर है सबको अच्छा लंच के बाद हाँ बोल सकते हैं मतलब मुझे पता है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्स डिले हो जाता है बट <laughs> मुझे पता चले कि आप लोग जाग रहे हैं जब मालूम पड़ जाए कंफर्म हो जाए कि आप लोग नहीं जाग रहे हैं तो फिर मैं यहाँ से उतर सकता हूँ नीचे आराम से चलिए तो रेशो हो गया चेंज अब इस रेशो के चेंज होने के कई कारण हो सकते हैं सिंपल है कि दोनों के प्राइस मूवमेंट्स हुए होंगे दोनों स्टॉक्स में तो एक तरीका यह है कि दोनों स्टॉक ऊपर गए परंतु एक स्टॉक दूसरे स्टॉक से ज़्यादा ऊपर गया तो प्राइस रेशो चेंज हो गया या फिर दोनों स्टॉक नीचे गए एक स्टॉक दूसरे स्टॉक से ज़्यादा नीचे गया तो फिर प्राइस रेशो चेंज हो गया या फिर एक स्टॉक ऊपर गया एक स्टॉक वहीं पर है चौथा ऑप्शन है कि एक स्टॉक नीचे गया और दूसरा स्टॉक वहीं पर है तो भी आपका प्राइस रेशो चेंज हो जाएगा या फिर एट द बेस्ट सिनारीओ कि आपका एक स्टॉक ऊपर गया दूसरे स्टॉक ने डिक्लाइन किया एंड देरफोर आपका प्राइस रेशियो फिर से चेंज हो गया ठीक है तो मल्टीपल तरीके से प्राइस रेशियो चेंज हो सकता है ये तो सिंपल मैथमेटिक्स समझने की बात है परंतु तो ये सब करके इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है तो जो स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम कंपेटिव स्ट्रेंथ की या रिलेटिव स्ट्रेंथ की कि हम एक स्टॉक के परफॉर्मेंस को दूसरे स्टॉक के सामने मेजर करने की ट्राई कर रहे हैं या उस पर कुछ कंक्लूजन लाने की ट्राई कर रहे हैं उसको बेसिकली तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं पहले हो गए आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स या फंड मैनेजर्स अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे तो जब कोविड के बाद बॉटम बना था और फेसबुक का डील हुआ था तो रिलायंस सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला स्टॉक था परंतु तो आप थोड़ा और आगे आएंगे तो आप बोल सकते हैं कि रिलायंस ने पिछले छः महीने में निफ्टी को काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है इनफैक्ट रिलायंस ने निफ्टी को क्या ओ को भी अंडर परफॉर्म किया है या गोल्ड को भी या बिटकॉइन को भी सो so बेसिकली आप किसी भी स्टॉक को या किसी भी इंडेक्स को दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं तो फंड मैनेजर्स के लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आ रही है बिकॉज उनको अपने सेक्टरल एलोकेशन डिसाइड करने होते हैं अगर आपका मल्टी मल्टी एसेट क्या फ़ंड है तो लार्ज क्या फंड है तो कि मुझे किस सेक्टर में कितना वेटेज रखना है और वो डिसाइड करने के बाद इंट्रा सेक्टर एलोकेशन भी कर सकते हैं राइट right? कि अगर सपोज़ मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे ऑटो में ओवरवेट रहना है निफ्टी ऑटो में या ऑटो ऑटो स्टॉक्स में तो मुझे टी वी मोटर ज़्यादा लेना है कि मुझे मारुति लेना है कि मुझे टाटा मोटर्स लेना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये प्रोसेस चलती रहती है बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल बन सकता है फंड मैनेजर्स के लिए देन आजकल मार्केट में और इंडिया में पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ए आई एफ इंट्रोड्यूस हुए हैं विच अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सॉरी सो so, हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में ए वगैरह लॉन्च हुए हैं जो कि ग्लोबल और इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से हेज फंड्स काम करते हैं उसके सिमिलर प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं ऑफ कोर्स सिविल के रेगुलेशन थोड़े से स्ट्रॉन्ग और टफ़ हैं परंतु ब्रॉड वर्किंग उनका वही है और कई सारे ए फंड या हेज फंड्स डिप्लॉय करते हैं अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजीज़ में अगर आपने समीर अरोड़ा का सुना होगा सी एन बी सी पे तो काफ़ी बार बात करते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो सेवेंटी परसेंट लॉन्ग है थर्टी परसेंट शॉर्ट है तो अगर आप आर का यूज़ करते हैं और आप डिटरमाइन करते हैं कि कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और कौन से स्टॉक्स अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका अगर लॉन्ग एलोकेशन सेवेंटी है तो लॉन्ग एलोकेशन में मेजोरिटी स्टॉक्स आपके वो रहेंगे जो आपको आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं मेजोरिटी का सारे ही वो रहेंगे जो आपको आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद दिखा रहे हैं और शॉर्ट साइड में शॉर्ट साइड ऑफ पोर्टफोलियो में जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं वहाँ पे ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं करेक्ट और फाइनली ट्रेडर्स के लिए सो so, ट्रेडिंग में भी देखिए कैसा होता है कि दो बड़े चैलेंज होते हैं एक चैलेंज होता है कि हमारी कैपिटल जो है वो होती है फाइनाइट ठीक है कि हम कितना ट्रेड्स ले सकते हैं एक स्टॉक लिया दूसरा स्टॉक लिया तीसरा स्टॉक लिया फाइनली आपको आपका मार्जिन यूज़ होने लगता है और कैपिटल होती है फाइनाइट एक बड़ा चैलेंज ये होता है दूसरा चैलेंज होता है आप खुद जो कि आप कितनी पोजिशन मैनेज कर सकते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करीबन सत्रह अठारह सालों से प्रॉप ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं फ्यूचर में सात या आठ पोजीशन के ऊपर जाता हूं, तो मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है मेरा परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नहीं होती है हर एक का अलग अलग होता है मेरा मुझे पता है कितना है तो आपको भी आपका लेवल पता होगा कि आप कितनी पोजिशन एक साथ में अच्छे से मैनेज कर सकते हैं एक्टिवली ट्रैक कर सकते हैं और सभी पोजिशन पर आप रैशनली डिसीजन ले सकते हैं तो वो भी फाइनाइट होता है किसी का आठ होगा किसी का दस होगा राइट तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आप दिन में 200, 400, 300 चार्ट्स देख रहे हैं और आपको हो सकता है कि उसमें से 30-40 चार्ट्स अच्छे लगे जहाँ पे कि आप ट्रेड ले सकते हैं इवेंचुअली आप लेंगे छः या सात ट्रेडिंग और ये एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ऑन रनिंग वीक बेसिस की बात कर रहा हूँ कि आप इवेंचुअली आपकी छः या सात या आठ जितनी भी होगी आपकी कैपेसिटी और कैपिटल उतने ट्रेड्स ही लेंगे तो ऐसे में क्या होता है कि आप ये भी चाहते हैं कि आपने जो लिया है वो आउट परफॉर्मिंग मोड में हो करेक्ट राइट right? अगर आपको निफ्टी ऑटो में ब्रेकआउट दिखता है और अगर आपने हीरो मोटर्स लिया है जो कि रिटेल की बड़ी कंप्लेन है कि सर मेरा स्टॉक तो नहीं चलता उसका बहुत चल जाता है राइट right? ये एक बड़ा नॉर्मल कॉमन फिनोमन है तो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं हम यहाँ पर तो अगर आपने और निफ्टी ऑटो में ब्रेकआउट देखा है और अगर, अगर आपने हीरो मोटर्स लिया है कंपेरेटिवली आपके बाजू वाले ने या शर्मा जी के बेटे जो आजकल इंटरनेट पर मीम्स आते हैं उन्होंने अगर टी वी मोटर लिया है तो फिर बोलेंगे ना शर्मा जी के बेटे को देखो कितना अच्छा कर रहा है ट्रेडिंग में भी तुमसे बेटर है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने का आज हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करेंगे आ, मेरा सिस्टम जो है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो करीब कई सालों से मैं उसको मॉडिफ़ाई करते जा रहा हूँ मैं ये नहीं कहूँगा और कह भी नहीं सकता कि ये परफेक्ट सिस्टम है परंतु तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है जो कि आपको एंट्री एग्जिट के सिग्नल्स और कौन से ट्रेड्स लेने हैं और कौन से अवॉइड करने हैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देता है ठीक है सो कमिंग बैक टू दी आर एस सी यूज एक बार हम इसको जस्ट फटाफट फिनिश कर लेते हैं और फिर सिस्टम पे जाते हैं अगर कोई फंड मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर है तो मैंने जैसे बताया कि उनको एक कंपेरिजन करना होता है कि किस कि सेक्टर को मुझे ओवरवेट रखना है किस सेक्टर को मुझे अंडर रखना है फॉर एग्जाम्पल एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल्स एंड आई है लॉट ऑफ इट क्योंकि मैं खुद एम बी ए फाइनेंस हूँ तो मुझे फंडामेंटल्स में uh, के प्रति काफ़ी रिस्पेक्ट है बट एक चीज़ जो मैंने बहुत कॉमनली देखा है फंडामेंटल गाइस जो पिछले एक डेढ़ साल से कर रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि आप एच बैंक तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए और आप एक साल में एच बैंक को बी ओ बी कैनरा बैंक यूनियन बैंक किसी से भी कंपेयर कर लो धो पीट के मारा एच डी बैंक को परफॉर्मेंस के मामले में करेक्ट सो so, <coughs> ये कंपेरिजन होना कि मुझे मेरे पोर्टफोलियो में मैं ये नहीं कहता कि आप एच बैंक बेच दो बिकॉज पिछला परफॉर्मेंस पाँच साल का बहुत अच्छा था उसका पर जब आपको सिग्नल्स दिख रहे हो कि इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्नल्स हैं अंडर परफॉर्मेंस के तो आप उसका वेटेज कम कर सकते हैं इट इज़ मेक श्योर दैट योर फंड इज परफॉर्मिंग बेटर सो वन द फंड मैनेजर्स विल कंपेयर सेक्टर्स वर्सेस अंडर सेक्टर करेक्ट एंड फिगर आउट कि कौन से सेक्टर में मुझे ओवरवेट रहना है फॉर एग्जाम्पल पिछले तीन महीने की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी निफ्टी को अच्छे से अंडर परफॉर्म कर रहा है आज का मुझे नहीं पता आज मैंने मार्केट देखा भी नहीं है सो so, <laughs> आज शायद ऊपर गए तो हो सकता है थोड़ा बैंक निफ्टी ने जोर लगाया होगा परंतु तो तीन महीने से आपको सिग्नल्स थे कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा तो ये सिग्नल्स आप लॉन्ग टर्म चार्ज पे भी देख सकते हैं तो सेक्टर कंपेयर करने के बाद आप सेक्टर के अंदर स्टॉक्स को कंपेयर करते हैं फॉर एग्जाम्पल निफ्टी की निफ्टी आई की अगर मैं बात करूँ तो कुछ दिन पहले जब निफ्टी आई में जब ब्रेकआउट्स आए थे तो आप देखेंगे कि उसमें सबसे अच्छा पार्टिसिपेशन जो आया था वो आपके मिड कैप स्टॉक से आया था एल टी टी एस एल टी आई एम टू सर्टन एक्सटेंड एच टेक टेक महिंद्रा और जो लेगार्ड स्टॉक था वो था विप्रो सो so, इस चीज़ की जानकारी होना या एटलीस्ट ऐसा कोई सिग्नल होना जो हमें पॉइंट आउट करे कि एक स्टॉक थोड़ा कम परफॉर्म करने वाला है आप उससे दूर रहिए बहुत ज़रूरी है और ये करने के बाद एक फंड मैनेजर इसके आगे थर्ड डेरिवेटिव में भी जा सकता है वो स्टॉक वर्सेज स्टॉक को कंपेयर करके कॉल ले सकता है करेक्ट तो so, ये तो हमने यूजर्स वैसे देख लिए बट जस्ट एक थोड़ा सा रिपीट है इसी में जो मैंने ए आई एफ़्स और हेज फंड्स की बात की थी <coughs> दे कैन कंपेयर अ सेट ऑफ़ स्टॉक्स तो सपोज अगर आप एक लॉन्ग शॉर्ट फंड चलाना चाहते हैं या कुछ लोग होते हैं जो पेयर ट्रेडिंग करते हैं कि भाई मुझे रात का रिस्क नहीं चाहिए डाउट पता नहीं क्या करेगा बाइडन उधर पर जाके क्या बोलेगा उधर फेड रेट की मीटिंग में रेट कट होगा कि कमेंट्री हॉकिश होगी कि नहीं मुझे अगर ये सब नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूँ मैं हमेशा पेयर ट्रेडिंग करता हूँ ऐसे कुछ ट्रेडर्स मैं मिला हूँ कई लोगों को मैं जानता भी हूँ जो ये काम रेगुलरली कर रहे हैं एंड वॉट दे डू इज़ एक स्टॉक शॉ लॉन्ग करेंगे उसी वैल्यू के आसपास का दूसरा स्टॉक में वो लोग शॉर्ट पोजिशन देंगे इसे मार्केट न्यूट्रल भी कहते हैं कि हमारा मार्केट बायस न्यूट्रल है बट हम स्टॉक्स पे बेट कर रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं वो लोग एक सेट ऑफ स्टॉक्स लेंगे सपोज आपने 50 स्टॉक लिए निफ्टी के ही जो कंपोनेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को निफ्टी के अगेंस्ट कंपेयर किया और देखा कि कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्मिंग मोड में हैं और कौन से स्टॉक्स वीक या अंडर परफॉर्मिंग मोड में हैं और वो करने के बाद वो उसके पेयर्स बना लेते हैं तो जरूरी नहीं कि सेक्टर्स के हों आप ये भी हो सकता है कि दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल अगर आपने पिछले कुछ महीनों में ट्राई किया होता कि आपने रिलायंस को शॉर्ट रख के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग रखा होता दोनों के सेक्टर्स अलग अलग हैं बट दोनों का निफ्टी में सिग्निफिकेंट वेटेज है राइट uh, और आपने देखा होता कि स्टेट बैंक डिड मच बेटर देन रिलायंस इन द लास्ट फोर फाइव सिक्स मंथ्स सेम इज़ विद जब आई ने दो के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो उसके सामने कोई भी स्टॉक शॉर्ट में रखा होता अगर आप मार्केट न्यूट्रल ट्रेडर हैं तो तो आपको नेट पॉजिटिव रिटर्न उसमें से मिल जाता सो दैट इज़ वन एंड फाइनली नाउ लेट्स कम टू द ट्रेडिंग पार्ट ऑफ इट सो जब हम ट्रेडिंग करते हैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं तो मैंने अपने चार्ट आर एस सी इंडिकेटर को लगा के रखा हुआ है और मैं आपको जस्ट शेयर करने वाला हूँ कि मैं उसको किस तरीके से रीड करता हूँ ताकि आप उसको ईजिली समझ सकें जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग एज अ टेक्निकल एनालिस्ट प्राइस पैटर्न देखते हैं आपने सुना होगा हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू वाला नहीं ट्राइंगल्स रेक्टेंगल्स डबल बॉटम्स डबल टॉप्स ट्रिपल बॉटम्स वेजेस राउंडिंग फॉर्मेशन एक्सेट्रा तो जब भी आप प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट देखते हैं और कई लोग मुझे ये आके कहते हैं कि मितेश भाई प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट तो देख लेते हैं पर कई बार वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो अगर आपके ब्रेकआउट के साथ में या उसके आसपास में आपको आर का विच इज़ द रिलेटिव स्ट्रेंथ का आपको सिग्नल मिलता है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट है तो आप देखना कि वो फेलियर का रेट बहुत कम होगा एक दो वो ब्रेकआउट के बाद अपने टारगेट से ज़्यादा जाएगा तीन फास्टर स्पीड पर जाएगा क्योंकि उसने आउट परफॉर्म भी करना है न सिर्फ बढ़ना है बल्कि उसने बाकी मार्केट से बेटर परफॉर्म करते हुए बढ़ना है बोलते हैं ना वो तेज़ी से भागने वाला घोड़ा वैसा वाला केस ठीक है सिमिलरली <coughs> अगर स्टॉक में दा, ब्रेकडाउन आ रहा है कोई पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेक हो रही है तो उसमें अगर आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस के या अंडर परफॉर्मेंस के सिग्नल्स हैं तो वो बेहतरीन शॉट बनेगा वो ज़्यादा गिरेगा और स्पीड से भी गिरेगा ठीक है सिमिलरली हम लोग गैप सेटअप्स भी यूज़ करते हैं काफ़ी शार्टिस्ट लोग जो यहाँ पर होंगे वो लोग प्राइस गैप्स को भी ट्रेड करते हैं और अगेन यहाँ पर भी हम लोग आर इंडिकेटर प्लॉट करते हैं एंड सेम फॉर मल्टीपल सेटअप आप मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर में इसको यूज़ कर सकते हो आप ट्रेन लाइन ब्रेकआउट्स में इसको यूज़ कर सकते हो बट यूज़ करना कैसे है तो अब वो उस चीज़ पर हम लोग आ जाते हैं तो व्हाट वी डू इज़ हम लोग आर एस सी का सॉरी स्टॉक uh, का आर एस सी निफ्टी के अगेंस्ट चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो मैं एक काम करता हूँ आपके लिए चार्ट ओपन कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान वहाँ देना पड़ेगा वैसे भी मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है तो वही बेटर रहेगा या यहाँ पे जाके सर ये वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है यू हैव टू डुप्लीकेट द स्क्रीन सॉरी वन टेक्निकल एरर। सर टेक्निकल एनालिस्ट की लाइफ में टेक्निकल एरर ना हो तो कैसे काम चलेगा सर <laughs> <laughs> इसको डुप्लीकेट कर दीजिए मैं चार्ट आया तो वापस आया नहीं परफेक्ट सो so, यहाँ पर मैं एक स्टॉक का मैंने क्लोजिंग चार्ट डाल रखा है कोई भी स्टॉक हो सकता है अब मैं इसमें एक स्टडी ऐड करता हूँ जाकर के विच इज रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेरेटिव एक उसमें बेस डेट होता है सॉरी यहाँ पे इसका एक बेस डेट होता है तो हमने बाय डिफॉल्ट 1990 नाइन्टी एक जनवरी को डाल रखा है जब तक निफ्टी था भी नहीं बट तो हमने डाल रखा है कि बेस डेट वही था उस दिन पहले दिन कैलकुलेट हुआ था उसके बाद रोज आप उसका प्राइस जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं और जो जिसके अगेंस्ट आपको कंपेयर करना होता है वो स्टॉक आप यहाँ सेलेक्ट करते हो तो मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है वो है फाइव डबल नाइन जीरो वन विच इज़ माई सॉफ्टवेयर कोड फॉर निफ़्टी देखिए निफ्टी ओ ही है ओवर देयर रिटर्न ओवर देयर तो मैं निफ्टी के सामने इस स्टॉक को कंपेयर कर रहा हूँ और मैंने इसको मॉडिफाई करके ऐड कर दिया है सिर्फ़ इसमें क्लैरिटी बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके डिस्प्ले को मैं चेंज कर देता हूँ और इसके कलर्स को वाइट कर देता हूँ क्योंकि ब्लैक हमारा बैकग्राउंड है तो वाइट पे वो ठीक दिखेगा तो यहाँ पर मैंने अपना आर इंडिकेटर प्लॉट कर दिया है चार्ट के साथ में और right? इतना काम हो चुका है <coughs> उसके बाद मैं रिकमेंड करता हूं कि उस पर आप एक 21 दिन का एवरेज प्लॉट करें तो जो आपकी रेशियो लाइन है जो आपकी आर लाइन है उस पर मैं एक 21 डे का एवरेज प्लॉट करने जा रहा हूँ so थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं एट स्टडी वी गो टू एवरेज ओके एक्सपोनेंशियल ट्वेंटी वन एंड यहाँ पर जो डिफॉल्ट जो है मूविंग एवरेज सॉफ्टवेयर में टिपिकली प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है परंतु तो हमें प्राइस के ऊपर नहीं कैलकुलेट करना है हमें आर एस सी यानी कि रेशो लाइन के ऊपर कैलकुलेट करना है इस मूविंग एवरेज को तो मैं इनपुट को चेंज करके इसको मैं डाल देता हूँ आर एस सी क्लोज विच इज़ ट्वेल्व नंबर फॉर मी एंड आई एडिट टू अ न्यू सबग्राफ उसके कलर्स अब अगर आप मेरी स्क्रीन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर तीन स्टडीज़ मैंने डाल रखी हैं सबसे पहली है प्राइस की जो कि प्राइस का क्लोजिंग चार्ट है उसके बाद है आर जो कि रेशो लाइन है जो स्टॉक मैंने ऊपर चूज़ किया है उसका रेशो अगेंस्ट द निफ्टी और उसके नीचे जो है थर्ड लाइन पे जो ब्लू लाइन है वो है उस रेशो लाइन का 21 दिन का मूविंग एवरेज एवरीबडी ओके विद दैट बहुत टेक्निकल हो रहा है क्या ठीक है आवाज तो नहीं आई बट <laughs> चलिए right. और राइट ना एक फाइनल स्टेप और इससे ज्यादा और तकलीफ नहीं है बस एक छोटी सी स्टेप और लेंगे हम यहाँ पर जाकर के कि इस 21 दिन के एवरेज के ऊपर हम एक नया पाँच दिन का एवरेज प्लॉट करेंगे सो so, एवरेज के ऊपर एवरेज प्लॉट करेंगे डबल स्मूदन करने के लिए ओके सो आई से गो टू ऐड स्टडी एंड आई वुड ऐड व्हाट इज कॉल्ड एज अ चांदे एवरेज पैरामीटर फाइव एंड फाइव एंड ये जो एवरेज है मैं एवरेज के ऊपर डाल रहा हूँ तो मैंने इक्कीस दिन के एवरेज को सिलेक्ट किया इनपुट के लिए और मैंने इसको ऐड किया इसी सब ग्राफ पे यहाँ पर ठीक है सॉरी <coughs> इसका डिस्प्ले है तो जस्ट री कैब ऊपर प्राइस चार्ट है उसके नीचे रेशियो चार्ट है और उसके नीचे मैंने दो एवरेज प्लॉट किए हैं 21 दिन का एवरेज जो कि रेशियो लाइन पे बना हुआ है और उस एवरेज के ऊपर उसी एवरेज का पाँच दिन का एवरेज जो कि वाइट लाइन में थर्ड वाले कॉलम में बना हुआ है सबको आई थिंक यहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी सी पुअर होगी सर बट इफ़ यू कैन सी इट ये क्रॉसओवर को हम एक सिग्नल के रूप में यूज़ करते हैं फॉर आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस ओ राइट सो लेट मी गेट बैक टू माय स्लाइड यूज़ द क्रॉसओवर ऑफ दीज टू एवरेजेस एज द ट्रेंड सिग्नल फॉर आरएससी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी तीसरी जो यहाँ पर बॉक्स uh, में जो स्टडी डाली है मैंने ब्लू लाइन और वाइट लाइन जब ब्लू लाइन वाइट लाइन के ऊपर जाती है तो स्टॉक आउट परफॉर्म करने वाला होता है और जब ब्लू लाइन वाइट लाइन के नीचे जाती है तो स्टॉक अंडर परफॉर्म करने वाला होता है इट इज़ सिंपल दो मूंग एवरेज डाल के उनका क्रॉस को मैं ट्रेड कर रहा हूँ ठीक है पर डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर रहा हूं मैं इसको वर्सेस समथिंग एल्स ट्रेड कर रहा हूं तो यहां पे जो आर एस सी लाइन है वो निफ्टी के अगेंस्ट बनी हुई है और राइट नाउ इस इंडिकेटर को इस सिग्नल को मैं हर ट्रेड के पहले जो कि मैं एक नॉर्मल ट्रेडिंग भी करता हूं उसमें मैं यूज करता हूं उसके मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा अभी ठीक है तो अगर आप नॉर्मल टेक्निकल एनालिस्ट हैं अगर आप प्राइस ब्रेकआउट्स देखते हैं प्राइस पैटर्न है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग काफ़ी लोगों ने सुना होगा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है रेक्टेंगल्स हो गए प्राइस पैटर्न गई उसका ब्रेकआउट जब आता है ठीक है तो उसके ब्रेकआउट के टाइम पे, अगर आपका आर इंडिकेटर आपको दिखा रहा है कि ये ब्रेकआउट के बाद स्टॉक आउट परफॉर्म भी करने वाला है तो मैं बताता हूँ कि ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं विच मीन्स दैट यू आर अगर आपकी एक्यूरेसी 65 परसेंट या 66 परसेंट थी तो बढ़ के एटी फाइव परसेंट के आसपास आ जाती है ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने वाला है तो आप थोड़ा सा अपना कैपिटल को अग्रेसिवली बेट कर सकते हैं एक दूसरा वो ये बताता है कि ये जो सिग्नल आया है ये ब्रेकआउट तो है ही परंतु तो ये साथ में ये भी बता रहा है कि मैं निफ्टी को भी बीट करूँगा यानी कि मार्केट को भी बीट करूँगा तो टिपिकली जो रैली आती है वो ब्रेकआउट टारगेट्स को एक करती है जो पैटर्न का जो आपका ट्रेडिंग टारगेट होता है उससे ज़्यादा दूर तक आती है और तेज़ आती है क्योंकि और परफॉर्मेंस तो करना ही है फास्ट तो भागना ही है उस घोड़े ने क्योंकि निफ्टी को बीट करना है राइट आउट परफॉर्म करना है करेक्ट सो so मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं एक सिंपल प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट हमने ऑब्जर्व किया था और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जो मैं आप जितने लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आई थिंक वो जो जहाँ पर डिस्कस होते हैं वो भी मैं कवर करूँगा सो यू विल बी एबल टू रिलेट टू दैम जब बीच में पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा मूवमेंट आ रहा था तब यहां पर एक ट्राइंगल पैटर्न का फॉर्मेशन देखा गया था ये मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर करेक्ट? ऑल ऑफ यू अग्री है, अच्छा हाँ तो बोल दो राइट right? और आप देखेंगे कि प्राइस ने ट्राइंगल के ऊपर इस दिन ब्रेकआउट दिया था जो कि तीन तारीख तीन जुलाई का डेट है वो डेट बहुत छोटा दिख रहा है कोने में दिख रहा है वहाँ पर डेटा विंडो में और आप देखेंगे कि चार तारीख को जो है आपको आर एस सी ब्रेकआउट मिल गया था मतलब कि पी का जो स्टॉक है वो प्राइस का ब्रेकआउट तो दे रहा है परंतु वो निफ्टी को भी आउट परफॉर्म करने वाला है सो so, टिपिकली ऐसे केस में क्या होता है जब हम ट्रायंगल का ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो हम उसका एक टारगेट मान के चलते हैं जो हाईएस्ट पॉइंट है ट्राइंगल का वो था करीबन फिफ्टी टू एट्टी के आसपास में जो लोएस्ट पॉइंट था वो था करीबन फोर्टी के आसपास में तो पाँच छः रुपये का तेज़ी होना चाहिए करेक्ट दैट इज़ अ ट्राइंगल का टारगेट कि भाई जितना आपका विर्थ है उतना तेज़ी ब्रेकआउट के बाद आना चाहिए परंतु तो आप ये देखेंगे ब्रेकआउट के बाद ये सिग्नल चलता रहा चलता रहा चलता रहा और अभी तक इसका अंडर परफॉर्मेंस आया नहीं और वो जाके चार पाँच दिन पहले यहाँ पर वो जो है ब्लू लाइन वापस रेड लाइन के नीचे क्रॉस हुई है तो इसने क्या किया इस सिग्नल की मदद से जहाँ पे आप एक ट्रेड में पाँच या छः रुपये कमाने का सोचते वो प्रॉफ़िट को बढ़ा के उसने उसका बाईस रुपये कर दिया 52 की एंट्री जो थी आपकी यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट आया था यहाँ पर 52, 53 के आसपास की एंट्री थी वो एग्ज़िट उसने दिया 74 पे बजाय इसके कि आप यहाँ पर कहीं पर आप इसमें से एग्जिट कर जाते हैं आई ऑल विथ मी अच्छा दिस वॉज अ बेटर यस यार अच्छा अभी पैसा बन रहा है तो थोड़ा आवाज़ निकल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक तो सिर्फ ज्ञान ही ठोक रहा था भैया बैठ करके क्या फ़ायदा हाँ बोलने का अभी ठीक है सो so, ये एक ये आपको कंफर्म करता है कि ब्रेकआउट चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दूसरा जैसा मैंने बताया कि जो ओरिजिनल टारगेट होता है उससे काफ़ी आगे तक स्टॉक जा सकता है एक एग्ज़ाम्पल ये हो गया एक और मैं प्राइस पैटर्न लेना चाहूँगा आपके सामने एक स्टॉक था पी करके और आप देखेंगे कि वीकली चार्ट में बहुत ही प्यारा रेक्टेंगल बना के इसने ब्रेकआउट दिया था और ये ब्रेकआउट आया था सितंबर में तो मैं जितने मैंने एग्जांपल्स दिए हैं सारे पिछले एक दो तीन महीने के लिए हैं तो आप काफ़ी सारे स्टॉक से रिलेट कर पाएंगे ठीक है तो ये ब्रेकआउट आया था ये ब्रेकआउट ब्रेक के टाइम पे आप देखेंगे कि ये जो तारीख़ है यहां पर पाँच तारीख के आसपास ब्लू लाइन ने वाइट लाइन के ऊपर जाना चालू कर दिया था मतलब तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है देखना मैं समझ सकता हूं क्योंकि स्क्रीन हमारे पास इतनी है परंतु तो उसके बाद से ये अभी तक जो ब्लू लाइन है वो वाइट लाइन के नीचे गई नहीं है ये कल तक का डेटा मेरे पास अपडेटेड है राइट और जो स्टॉक जिसने ब्रेकआउट दिया था साढ़े तीन सौ पे आज वो खड़ा है छः सौ रुपये और छः छः सौ और छः रुपये पे, पे। so छे छे, मतलब सिक्स जीरो सिक्स पे सो द स्टॉक हैज़ नियरली डबल्ड साढ़े तीन सौ वाला छः सौ छः मतलब करीबन आप देखेंगे तो ढाई सौ रुपये का तेजी हो गया विच रफली अबाउट सेवेंटी परसेंट गेन्स और ये ब्रेकआउट कब हुआ था ब्रेकआउट हुआ था सर पाँच सेप्टेम्बर को और अभी हम पाँच नवंबर तक नहीं पहुँचे यू कैन सी द इम्पैक्ट राइट कि ब्रेकआउट में आउट परफॉर्मेंस आने के बाद वो बोलते हैं ना स्टॉक रॉकेट बन जाता है खासकर जब आपका स्टॉक ने मार्केट को आउट परफॉर्म भी करना है तो सो दिस विल ग्रेटली ग्रेटली इंप्रूव योर ट्रेडिंग एफिशिएंसी एक तो यह कि जब तक उसमें अंडर परफॉर्मेंस आए ना आपको बेचना क्यों है करेक्ट क्योंकि अभी भी आप मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है आगे आगे बोलूँ कि यहीं पे रुक जाऊँ ठीक है मुझे पता है देखिए लंच अच्छा था मैंने भी किया बट लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड दिस मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल रहेगा अगर आप इसको एब्जॉर्ब करके यूज़ में ला पाए तो ठीक है सॉरी <clears throat> अच्छा एक और ब्रेकआउट ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि यहाँ पर एक प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट था परंतु तो आर ने साथ नहीं दिया मतलब प्राइस ने एक लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया पैटर्न से परंतु आर एस सी सिग्नल साथ में नहीं था मतलब कि स्टॉक आउट परफॉर्म नहीं करने वाला था तो जब भी ऐसा होता है हम देखते हैं कि ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि अगर प्राइस से ब्रेकआउट है कोई इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर स्टॉक जा रहा है तो उसने मार्केट को तो कम से तो कम, तो कम तो बीट करना चाहिए निफ्टी को इफ नॉट द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स राइट तो यहाँ पर मैं एक एकज्जाम्पल लेके आया हूँ एच यू एल का एच यू एल में एक कपन हैंडल पैटर्न हुआ था आपको कुछ लोगों को पता होगा जो चार्ज को एक्टिवली फॉलो करते हैं कि कपन हैंडल पैटर्न क्या होता है और मैं उसको चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ <coughs> यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटा सा इसने कप बनाया और छोटा सा हैंडल बनाया तो इट्स कॉल्ड सॉसर पैटर्न और कपन हैंडल पैटर्न और राउंडिंग फॉर्मेशन अलग अलग नाम है और जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो आप देखेंगे कि जो ब्लू लाइन था वो वाइट लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था मतलब कि स्टॉक के प्राइस ने ज़रूर ब्रेकआउट दिया था राइट लेवल के ऊपर भी गया था ये जो लेवल था छब्बीस सौ नब्बे के आसपास का उसके ऊपर भी ब्रेकआउट देकर स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऊपर जा भी रहा था परंतु मार्केट को बीट नहीं कर रहा था मतलब पैसा उसमें ज़्यादा नया पैसा आ नहीं रहा था बल्कि शायद इस ब्रेकआउट के साथ पैसा बाहर निकल रहा था क्योंकि मार्केट में तब तक तो पैसा आ रहा था सेप्टेम्बर अक्टूबर में राइट मार्केट वॉज गोइंग अप तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने और कुछ ही दिनों बाद वो फेल होकर जब अंडर परफॉर्मेंस का सिग्नल नीचे की तरफ और बढ़ना चालू हुआ जब ब्लू लाइन वाइट लाइन के नीचे आ गई तो एक बड़ा डिक्लाइन भी देखना पड़ा स्टॉक को सो आर एस सी वैन यू आर डूइंग पैटर्न ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपके पैटर्न के ब्रेकआउट को कन्फर्म करने के लिए एक मैं फिर से रिपीट करता हूँ दो जब आपका आर एस सी सिग्नल साथ में होगा तो जो आपके पैटर्न के प्राइस टारगेट्स हैं उससे ज़्यादा दूर तक स्टॉक जाएगा और जब तक वो आउट परफॉर्मेंस खत्म ना हो जब तक वो निफ्टी को बीट कर रहा हो तब तक आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों के लिए कि प्रॉफिट कहाँ पर ले एंट्री लेना सबको आता है फिर मैंने बताया ना ट्रेडर कभी सुखी नहीं होता क्योंकि वो प्रॉफिट ले, ले लेता है उस दिन तो बड़ा खुश होता है तीन दिन बाद सोचता है अरे यार क्या कर दिया भाई इट इज अ वेरी नॉर्मल एंड सी ओवर द इयर्स इवन आई हैव गॉन थ्रू दिस अभी अभी रिसेंटली कोल इंडिया में किया ना मैंने कांड 283 में बड़ा खुश होकर बेचा मैंने कहा पचास रुपये बढ़ गया है मेरा सिस्टम भले भाई में मेरे को तो लगता नहीं कोल इंडिया की इतनी और मतलब इतना भागता नहीं ना लो बीटा स्टॉक है इसका हो गया बस मेरा पेट भी भर गया और फिर जब तीन का भाव देखा पाँच दिन बाद तो मैं सोच रहा था अभी भी सीखना बाकी है बेटा अभी तो बहुत बहुत आ, आगे मुकाम आएंगे ऐसे बट देख लेते हैं उस एग्जाम्पल को भी आ, अभी हम लोग आगे आई थिंक अगली स्लाइड में मैंने कोल इंडिया मैंशन किया हुआ है नहीं किया हुआ है एनी विच वेस बट मैं आपको दिखा दूंगा अगेन फ्यू मोर एग्जाम्पल्स एक आ, अगर कोई यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स होल्ड करता हो ये मेरा भी होल्डिंग है तो डिस्क्लेमर मेरा वैसे इंटरेस्ट है स्टॉक में बट आप देखेंगे कि यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स ने एक बड़े ही प्यारे कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था करेक्ट स्टॉक का भाव था उस टाइम करीबन एक सौ और ये जब ब्रेकआउट आया तो अगेन इसमें टारगेट हो सकता है कि आदमी ने सोचा पंद्रह बीस रुपये पच्चीस रुपये बढ़ जाएगा स्टॉक पंद्रह टका बीस टका बढ़ जाएगा और ब्रेकआउट के साथ सॉरी ये बंद कैसे हो गया नहीं हो गया हो गया, हो गया वो मेरा कुछ दब गया था यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ में आप नोट करेंगे कि जो ब्लू लाइन है उसने व्हाइट लाइन को बीट करना चालू कर दिया था मतलब कि स्टॉक आउट परफॉर्मेंस का सिग्नल भी दे रहा था और ये जो सिग्नल चला है उसने आपको सीधी एग्जिट दिया अगर मैं उस एरिया को जूम कर सकूँ वो दिए यहाँ पर ये यहाँ पर है कि आपका जो ब्लू लाइन है वो वाइट लाइन के नीचे आ गया है तो उस टाइम प्राइस थी दो सौ ये सारा मूवमेंट हुआ है करीबन दो सवा दो महीने के अंदर अंदर सो ट्रेडिंग डेज गिनेंगे तो लेस देन फोर्टी ट्रेडिंग डेज़ में नियरली स्टॉक डबल हो गया था एक सिंपल ब्रेकआउट पर टिपिकली ऐसा होता नहीं है कि आप एक सिंपल ब्रेकआउट पे लें और मेरे पास ये स्टॉक अभी तक पड़ा हुआ है मैंने उस सेल सिग्नल पे भी बेचा नहीं परंतु टिपिकली uh, ऐसा होता नहीं कि आप एक ट्रेडिंग में एक ब्रेकआउट पे आप, आप एक पोजीशन लें और दो तीन महीने में साठ पचास सत्तर परसेंट का मूवमेंट उसमें आप एब्जॉर्ब कर लें परंतु ये इंडिकेटर की मदद से वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है तो मैं इसको बहुत स्ट्रांगली uh, रिकमेंड करता हूँ एक और स्टॉक जो हमारे ग्रुप पर भी काफ़ी डिस्कस हुआ था काफ़ी लोगों ने यहाँ पे लिया भी होगा जैन इरीगेशन एनी बड़ी सर किसी ने जैन इरीगेशन ट्रेड किया लास्ट कुछ महीनों में हाँ काफ़ी हमारा अरे व्हाट्सएप पे इतना उसमें एक्टिविटी था यार राइट right? <laughs> तो उसमें जब ब्रेकआउट आया तो मैंने जीतू भाई को रिपोर्ट भी भेजा था जैन इरीगेशन का कि इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है <laughs> सर इस कमेंट को ऑफ रिमार्क किया जाए बट जैन इरीगेशन में एक बड़ा ब्रेकआउट आया था आप देखेंगे यहाँ पर जो कि करीबन 24 जुलाई के आसपास का डेट है कि प्राइस इस चैनल के ऊपर निकलना चालू हो गया था और इसी ब्रेकआउट के साथ में हाँ सर हम लोग वही बात कर रहे थे कि चलाने वाले आ गए के <laughs> अरे नहीं तो इसी ब्रेकआउट के साथ में अगर आप यहाँ पर इसको जूम कर देता हूँ मैं इस एरिया को थोड़ा सा तो आप देखेंगे कि जो ब्लू लाइन है वो व्हाइट लाइन के ऊपर जाना चालू हो गई थी मतलब जो आउट परफॉर्मेंस था स्टॉक का वो आना चालू हो गया था तो अब जैन निरिगेशन न सिर्फ प्राइस में बढ़ने वाला था बल्कि निफ्टी को बीट करते हुए बढ़ने वाला था तो आप देखेंगे कि जो रैली आई है उसके बाद यहाँ से फोर्टी वाला स्टॉक कुछ ही दिनों में इनफैक्ट कुछ ही हफ्तों में सिक्सटी एट के आसपास तक पहुँच गया था जो कि पचास तेजी है इन लेस देन वन मंथ एंड दैट्स फिनोमिनल राइट और उसके बाद उसने जो एग्जिट सिग्नल दिया है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे का क्रॉसओवर आ गया था तो करीबन साठ रुपये के आसपास आपको उसने एग्ज़िट सिग्नल दे दिया था सो so, इस टूल की मदद से न सिर्फ आप एक ऐसे घोड़े पर दाव लगा रहे हैं जो कि तेज़ चल रहा है बिकॉज वो आउट परफॉर्म कर रहा है बट आपको एक एग्जिट स्ट्रैटेजी भी समझ में आ रही है कि भाई जब तक इसका आउट परफॉर्मेंस खत्म ना हो मैं स्टॉक को क्यों बेचूँ और जिस दिन ख़त्म हो जाए खाया पिया घर जाओ कर <laughs> right. uh, मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स ब्रेकआउट के दिए हैं बट लास्ट पिछले कुछ दिनों में मार्केट्स गिरा भी है तो एक दो एग्जाम्पल्स हम ब्रेकडाउन के भी कवर कर लेते हैं सॉरी पिछला स्लाइड पे आ जाता हूँ मैं डीवीज लैब में पिछले कुछ दिनों पहले और अगर आप टी वी मुझे रेगुलरली सुनते हैं तो मैंने दो या तीन बार डीवीज पे सेल कॉल फायर किया था मॉर्निंग सेशन uh, में टी uh, वी बोला था कि इसमें सेल करके चलें उसका रीज़न यही था कि डीवीज पर जो है एक ट्राइंगल पैटर्न से ब्रेकडाउन आ रहा था ये आप देख सकते हैं चार्ट पे, ये जो ट्रायंगल पैटर्न मैंने बनाया यहाँ पे उसके नीचे प्राइस जा रहा था और जब प्राइस उसके नीचे जा रहा था तब ये ब्लू लाइन भी वाइट लाइन के नीचे जा रहा था करेक्ट तो स्टॉक ने न सिर्फ गिरना था बट मार्केट को अंडर परफॉर्म करते हुए गिरना था यानी स्पीड से गिरना था तो आप देखेंगे कि ये जो ब्रेकडाउन आया है ये आया था करीबन 16 अक्टूबर को यानी कि एक एक डेढ़ हफ्ता पहले और उस दिन बंद था छत्तीस सौ और एक दो तीन सभी लाल कैंडल ही है मतलब ग्रीन कैंडल तो आए नहीं उसके बाद बट एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दिन बाद उसका बनता चौंतीस सौ रुपये तो ढाई सौ पॉइंट यानी करीबन एट परसेंट फॉल इन एट डेज और एक भी दिन उसमें ग्रीन कैंडल नहीं है राइट सो वेरी इंटरेस्टिंग टूल अच्छा अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है वेकअप गाइस आई होप यू आर फाइंडिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग मतलब आई नो इट्स पोस्ट लंच यार बट uh, <laughs> एक मैंने कहा था जो स्टॉक मैं कवर करूंगा वो है कोल इंडिया राइट right? सो so, कोल इंडिया भी अगेन काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बाय किया था मैंने भी किया था मैं बहुत खुश भी हुआ मैंने जैसे आपको बताया टू एटी थ्री पर प्रॉफिट बुक करके और चार दिन बाद बहुत दुखी भी हुआ कि क्यों किया मैंने ऐसा तो so, मैं जस्ट कवर कर लेता हूँ स्टॉक को जा कर के ये कोल इंडिया का वीकली चार्ट है आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न से इसने ब्रेकआउट दिया था ये ब्रेकआउट का दिन करीबन आठ सितंबर के आसपास का है तो दो महीने भी नहीं हुए स्ट्रेट को अभी मुझे याद है दो सौ की एंट्री थी मेरी ये यहाँ पर और यहाँ से आप देखेंगे कि ब्लू लाइन जो है वाइट लाइन के ऊपर चल रही है करेक्ट मतलब कि कोल इंडियन ने बढ़ना है और मार्केट को बीट करते हुए बढ़ना है और उसका अभी तक सेल आया नहीं वैसे मतलब कल तक तो नहीं आया था सिस्टम में और स्टॉक का भाव तीन सौ है तो हाँ सर आज का देखा नहीं मैंने कल तक का डेटा है मेरे पास मतलब हाँ अच्छा आज तो अच्छा ही होगा आज तो सभी कुछ अच्छा है बट यहाँ पर भी आप देखेंगे कि स्टॉक ने और कोल इंडिया जैसा स्टॉक जिसे हम टिपिकली हम लोग सालों से जानते हैं कि ये लो बीटा स्टॉक है तो वही रीज़न था ना मेरी इंटेलिजेंस का कि हाँ ठीक है सिस्टम तो बाय में है पर मुझे पता है कोल इंडिया थोड़ी इतना बढ़ता है टू एटी में मस्त जा प्रॉफिट बुक किया बट कल तक तो तीन का भाव था स्टॉक में और अभी तक सिग्नल आया नहीं है सर आज का बता के जलाइएगा मत आप मेरे को प्राइस आप चेक कर रहे हैं मोबाइल में मैं समझ गया बट पहले जो जली हुई है सर उसको और जला के कोई फ़ायदा नहीं है थ्री वन फाइव चलिए हो गया मतलब वो रहा नहीं जाता जब तक कि आप उसको अच्छे से रब नहीं कर दे कि भाई अगली बार याद रखना ये मिस्टेक ना हो जाए वापस से बट जैसा मैंने बताया मिजीत भाई मिस्टेक फैमिली इतनी बड़ी है ये नहीं तो कोई और हो जाती है बट नेट नेट अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा है बट ये कोल इंडिया का चार्ट अगेन यहाँ पर आर ने बहुत ही प्यारा आउट परफॉर्मेंस का सिग्नल दिया था और उसके बाद से अभी तक आप देखेंगे स्टॉक मार्केट्स को बीट कर रहा है राइट निफ्टी 2000 हज़ार सॉरी दो हज़ार बीस हज़ार दोस्तों के ऊपर से करेक्ट होकर नीचे आ चुका है बट ये नियरली अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बना हुआ है सो so, एक तरीका ये हो गया ट्रेड करने का ठीक है कि आप प्राइस पैटर्न्स के साथ में आर एस इंडिकेटर को यूज़ कर लें बल्कि मैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया था अपने प्रेजेंटेशन में आप इस इंडिकेटर को किसी भी टेक्निकल इवेंट के साथ में आप इसको पेयर कर सकते हैं तो यहाँ पर कुछ इवेंट्स मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के लिए हैं टाटा कम्युनिकेशन करके स्टॉक था जो कि हमने काफ़ी अच्छा ट्रेड किया था उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ हफ्तों पहले इनफैक्ट कुछ दिनों पहले हफ्तों भी नहीं कुछ दिनों पहले टाटा कम्युनिकेशन में टेक्निकली एक ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन दिया था आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है और अभी तक जितनी बार ये स्टॉक ट्रेंड लाइन के पास आता था क्लोजिंग उसके नीचे नहीं आती थी तो प्राइस वहाँ से बाउंस बैक कर जाता था और इवेंचुअली वो ब्रेक डाउन जो है वो आपका रिकॉर्ड हुआ चार अक्टूबर को टाटा कम्युनिकेशन ने ट्रेन लाइन के नीचे बंद दिया और आप देखेंगे कि उसके कुछ दिन बाद जाके उसने अंडर परफॉर्मेंस का सिग्नल भी दिया तो जिस दिन ट्रेन लाइन ब्रेकआउट आया उस दिन नहीं ब्रेकडाउन आया उस दिन नहीं था उसके कुछ दिन बाद आया अगर आपने वहाँ से भी शॉर्ट किया होता जो कि करीबन अठारह के आसपास का प्राइस है तो वहाँ से भी ये दस अक्टूबर को और आज अगर आप देखेंगे तो तीस अक्टूबर हुआ नहीं है और पंद्रह तक स्टॉक गिर चुका है और उसके बाद आपको अगेन चार्ट एक के बाद एक एक के बाद एक लाल कैंडल ही दिख रहा है लगातार ये स्टॉक गिर ही रहा है क्योंकि इसने न सिर्फ गिरना है बल्कि अंडर परफॉर्म करते हुए गिरना है तो अपने आप अंदर एक एक्सीटर एक आ जाता है उसके सिमिलरली एक और सेटअप है कोफोर्स के चार्ट पे पच्चीस छब्बीस सेप्टेम्बर को उसमें स्टॉक में करेक्शन का सिग्नल आया था ट्रेन लाइन के नीचे स्टॉक ने डाउन दिया था ये देखिए आप ट्रेन लाइन बना हुआ यहां पर और यहाँ पर स्टॉक ने 25 छब्बीस सितंबर के आसपास इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन दिया था और तब से वो अंडर परफॉर्म करता हुआ ये ब्लू लाइन जो है वो वाइट के नीचे आ चुकी है मतलब कि अब ये अंडर परफॉर्म करेगा अंडर परफॉर्म करता हुआ स्टॉक गिर रहा है और ये जो लेवल था करीबन बावन सौ के आसपास का था और अब फोर्टी एट स्टॉक आ चुका है इन लेस देन अ मंथ एंड रिसेंटली जो मैंने ट्रेड लिया था जो मेरे पूरी मंदी में मेरा एक ही शॉर्ट ट्रेड था वो था एच की शॉर्टिंग ठीक है मैं टिपिकली ओवर द इयर्स मैंने स्टार्ट जैसे मैंने बताया कि मैंने स्टार्ट शंकर शर्मा के साथ किया था वहाँ पे ज़्यादा सेल कॉल्स थे एक टाइम पे मार्केट में मेरा निकनेम था मितेश मंदी मतलब ये आएगा तो कुछ ना कुछ मंदी का ही बोलेगा शंकर के साथ काम करके आए तो बट ओवर द ईयर आई हैव सीन दैट आई हैव चेंज एंड मैं मंदी कम करता हूँ बिकॉज वर्डिटी बहुत बढ़ जाता है तो खुद का जब पैसा लगता है ना तो आदमी को लगता है कि यार थोड़ा ठीक है ना ये फेस थोड़ा बाहर बैठ जाते हैं जा करके तो इस पूरा मंदी में मैंने जो स्टॉक शॉर्ट किया था वो था एच का और टी वी पर आई थिंक मेन्शन भी किया था ये तेईस तारीख का ब्रेकडाउन है मतलब कि तीन दिन पहले का ब्रेकडाउन है और अगर आप देखेंगे चार्ट पे एच तो एल ने ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन देना चालू किया था यहाँ पर ये जो इसका साइडवेज मूवमेंट चल रहा था उसके बाद से और उसी टाइम पे एच एल का जो ब्लू लाइन था वो वाइट लाइन के नीचे जा रहा था मतलब स्टॉक ने न सिर्फ गिरना था बल्कि अंडर परफॉर्म करते हुए गिरना था तो फास्ट गिरना था तो काफ़ी टाइम बाद मैंने एक शॉर्ट साइड ट्रेड लिया और स्टॉक uh, uh, जिस दिन ब्रेकडाउन आया उस दिन और उसके अगले दिन और उसके अगले दिन uh, करीबन एक सौ नीचे गिर चुका था आज शायद थोड़ा ऊपर आया होगा तो मुझे उसका आइडिया नहीं है परंतु तो, स्टॉक uh, ने करीबन दो तीन दिन में ही uh, एक सौ पॉइंट का एक ट्रेडिंग मार्जिन आपको दे दिया था फिर आप अपने स्टॉप लॉसेस वगैरह ट्रेल करके इसको आगे ले जा सकते हैं ओके सेम कपल ऑफ मोर स्टॉक्स मैं कवर कर लेता हूँ एग्जांपल्स के रूप में तो इंडिया सीमेंट पे हम लोगों ने बीच में काफ़ी तेज़ी किया था परंतु तो उसने एक एक टाइम पे आकर के उसने बताया था कि भैया अब मुझे छोड़ दो अब हमसे आपका हम आपका पैसा बना के नहीं देंगे तो वो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया सीमेंट भी एक ट्रेड लाइन के साथ चल रहा था और अच्छा हाई बनाया एक टाइम पर जाकर के उसने टू के ऊपर क्लोजिंग दिया था उसके बाद यहाँ से कहीं से उसने आउट परफॉर्मेंस को छोड़ दिया वो था लेवल करीबन दो का कि 240 फोर्टी पर आगे उसने बोल दिया कि मैं जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था लगातार अपने हायर हाईज़ हायर लोज बना रहा था एक पैटर्न दिखा रहा था आप ट्रेंड का वो मैंने लाइन भी तोड़ दिया है और अंडर परफॉर्म करना भी चालू कर दिया है तो वो ब्रेक डाउन हुआ था इक्कीस सेप्टेम्बर uh, को और आज करीबन एक महीना हो गया और दो वाला स्टॉक दो सौ के आसपास कल ट्रेड कर रहा था सिमिलरली अच्छा और एग्जाम्पल दो कि हो गया है इतने में देख के बड़ा मज़ा आ रहा है सर जो बीच का जो जो बीच का लाइन है वो एक्चुअल रेशियो लाइन है उसके ऊपर हमने दो मूविंग एवरेज प्लॉट करके वो दो मूविंग एवरेज को सिग्नल के रूप में यूज कर रहे हैं तो प्राइस रेशियो लाइन और सिग्नल्स वो तीन चार्ट बना रखे हैं मैंने जाकर आप उसको हाइड कर सकते हैं सर उसको देखने का कोई वो नहीं है आप उसको हाइड कर सकते हैं परंतु तो मुझे चूंकि वो टॉपिक मेरा वो इंडिकेटर है मुझे वो दिखाना जरूरी है यहाँ पे जाकर Good. <laughs> <laughs> एक मिनट सर।, तो सर आगे जैसे जैसे स्टॉक्स में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आते रहते हैं वैसे वैसे उसमें पोजीशंस लेते रहते हैं मतलब मैं शॉर्ट साइड पोजीशंस खुद पर्सनली कम ट्रेड करता हूं, बिकॉज इधर साइड वॉल्टिटी काफी बढ़ जाती है तो मेरे को इतना पसंद नहीं है एंड बट टी वी पर कॉल्स इसी बेसिस पे आते हैं तो अभी आई थिंक काफ़ी टाइम बाद बादविंदो फार्मा ने एक ब्रेकडाउन दिया था और उसने भी सेम अभी दो तीन दिन पहले की बात है मैं एक बार चार्ट लगा के दिखा देता हूँ आपको तो वो भी रिकमेंडेशन uh, में भी आ गया था जबकि मैंने पोजिशन नहीं लिया उसमें जा कर के बट तो आप देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न से इसने नीचे की तरफ बंद देना चालू कर दिया था ये यहाँ पर करेक्ट और साथ ही में एक दो दिन बाद उसने ब्लू लाइन ने भी उसी टाइम पे वाइट के नीचे आ गया था तो नेक्स्ट स्टॉक जो बड़ा करेक्शन दे सकता है वो अरविंदो फार्मा है ऑलरेडी गिरना चालू हो गया था कल तक अब आज शायद थोड़ा ऊपर होगा बट इवेंचुअली आई थिंक अब वो एक सीरीज ऑफ लोअर हाइज लोअर लोअस बनाएगा तो so, सर मतलब ये कैसा है कि ये प्रोडक्ट नहीं कर रहा है ये आपको ब्रेकआउट को कन्फर्म कर रहा है और बोल रहा है कि आप इसमें ट्रेड लो तो so, आगे का प्रोडिक्शन इस इंडिकेटर पर मैं नहीं कर सकता बट जब मुझे ट्रेड लेना होता है तब मैं इसको एज अ फिल्टर यूज़ करता हूँ कि भाई अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है तो कम से कम स्टॉक आउट परफॉर्म करने वाला तो हो जैसे कि मैंने यहाँ पर सर एक एग्जाम्पल दिया था एच का एच यू एल में ब्रेकआउट तो आया था ऊपर की तरफ परंतु तो जो व्हाइट लाइन था ये जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया था ये जो वाइट लाइन था वो ब्लू के ऊपर था तो अंडर परफॉर्म करने वाला था तो ब्रेकआउट फेल हो गया तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड करो मतलब ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी होता है सर कि कहाँ पे नया हाई बनने के बावजूद भी आपको वो स्टॉक को अवॉइड करना है क्योंकि नया हाई बनने के बाद भी वो स्टॉक आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है हाँ प्राइस ऊपर गया है पर पैसा उसमें ज़्यादा आ नहीं रहा है सर आउट परफॉर्मेंस बेसिकली कहाँ से आता है जब आप उसमें पैसा डालते रहते हो फॉर एग्ज़ाम्पल अपना एक आपका फेवरेट स्टॉक जी एम डी सी आई जाता हूँ घूम फिर के सो <laughs> so, जी एम डी सी का जब यह ब्रेकआउट आया था ये मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रखा है ये ब्रेकआउट आया था एक सौ पचहत्तर अस्सी के आसपास ये ब्रेकआउट आया था और उसी टाइम पर आप देखेंगे कि ब्लू लाइन भी वाइट के ऊपर आ गया था तो स्टॉक ने न सिर्फ बढ़ना था बल्कि आउट परफॉर्म करते हुए बढ़ना था और ये सिग्नल अभी तक रिवर्स हुआ नहीं है मिनिमम चार्ज देखा था हाँ हमारी फोन पर बात हुई थी मैंने कहा था कि सर दो सौ पचहत्तर अस्सी तो कहीं नहीं गया मतलब अभी आ जाएगा ऐसा लगता है और वो तीन सौ अस्सी क्रॉस कर गया सर मेरा तीन सौ अस्सी बिका ना करेक्ट करेक्ट सो चार सौ पैंतीस गया एंड सी दैट इज़ द आइडिया सी अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो आप चाहेंगे ना कि आपके पास वो घोड़ा हो जो अगर अव्वल नंबर पर नहीं आता तो कम से कम एटलीस्ट टॉप थ्री में तो आए इतना तेज़ भागे कि कम से कम, से कम सिल्वर मेडल तो लेके आए या ब्रॉन्स मेडल तो लेके आए उतना भी है तो हम ट्रेडर्स लोग खुश हैं अच्छा उसके अलावा फायदा यह होता है जैसे मैंने आपको कई एग्जाम्पल्स में बताया कि एक या दो महीने में पचास परसेंट साठ परसेंट सत्तर परसेंट का मूवमेंट ऐसे स्टॉक्स दिखा देते हैं जो पैटर्न बनाने के बाद आउट परफॉर्मेंस में आते हैं एंड दैट इज़ अ फिनोमिनली हाई रिटर्न सर एक ऐसा घोड़ा पकड़ा ना तो पाँच गधों का ट्रेड निकल जाता है राइट फाइव मिस्टेक्स विच यू डू विल बी फुलफिल्ड बाई वन गुड ट्रेड बहुत सिंपल है और ट्रेडिंग में अगर आपकी एक्यूरेसी 50 परसेंट है 60 परसेंट है और अगर आप साथ में ये यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि जहाँ पे आप राइट right होंगे वहाँ पे आप बड़े राइट right होंगे और जहाँ पे आप रॉन्ग जा रहे हैं वहाँ पे छोटे मोटे लॉसेस करके निकल जाएंगे और ट्रेडिंग का रूल वही है मतलब लोग मुझे पूछते हैं कि मितेश भाई इतना साल हो गया क्या आपका एक्यूरेसी रिशो है तो मैं बोलता हूँ पचपन के आसपास होगा तो ऐसा मुँह देखता हो रहा बस वो उधर पर इंस्टाग्राम पर तो नब्बे परसेंट पंचानवे परसेंट चल रहा है ना आजकल आपको पता भी फिर फाइन भी लगता है सभी का वो सब ठीक है बट सो पीपल गेट सरप्राइज्ड एंड देन आई टेल देम कि भाई ऐसा है कि अगर आप इंटरनेशनल पब्लिकेशंस पढ़ेंगे और वहाँ पे वो लोग बेस्ट ग्लोबल ट्रेडर्स का इंटरव्यूज छापते हैं एवरेज उन्होंने एक बार पोल किया था तो उसमें रिजल्ट आया था कि फोर्टी एक्यूरेसी है बेस्ट ट्रेडर्स का जो वर्ल्ड में बेस्ट ट्रेडर्स है उनका पर क्यों फोर्टी में वो लोग खुश हैं या बेस्ट ट्रेडर्स हैं क्योंकि जब खोते हैं तो इतना सा खोते हैं जब बनाते तो इतना बनाते उसका एक बहुत बड़ा रूल है आई थिंक जीतू भाई उसको बहुत रिकमेंड करते हो मैं अभी तक उस पर मास्टरी नहीं कर पाया हूँ वो है ऊपर में पिरामिड करना सर वो एक अभी भी मैं धीमे धीमे आया हूँ पर पूरा अभी तक उस, बहुत बहुत रास्ता दूर है अभी सर जितना ये ग्रे होगा ना उतना ट्रेडिंग अच्छा होगा मेरा <laughs> <laughs> तो अभी आ रहा हूँ उस तरफ मैं <laughs> <laughs> आपका ऑलरेडी हो गया तो आपका अच्छा हो गया बट या कमिंग बैक टू दिस तो आप देखेंगे जीएमडीसी ने जो आउट परफॉर्मेंस का सिग्नल दिया था एक सौ के आसपास ये जो रेक्टेंगल का ब्रेकआउट था तब से लेकर अभी तक यानी कि कल तक स्टॉक आउट परफॉर्मेंस मोड में ही है और ये ब्रेकआउट आया था 22 अगस्त को सो तो दो महीना ही हुआ है एक वाला स्टॉक तीन के आसपास बैठा हुआ है करेक्ट डबल हो गया दो महीने में और यही तो मैं बोल रहा था कि एक घोड़ा ऐसा मिल गया तो पांच गधे अपन पाल सकते हैं फिर जाकर के मैं पालना नहीं है उसे बता रहा हूँ ठीक है सेम आई थिंक सर एन में भी हमारा बात हुआ था तो सेम सिग्नल्स एन में भी थे ये यहाँ पर इसने एक राउंडिंग सिग्नल का फॉर्मेशन दिया था कि ये लाइन के ऊपर जाके राउंडिंग कम्प्लीट करेगा और आप देखेंगे कि जब ये ब्रेकआउट आया तो ये ब्लू लाइन ऑलरेडी वाइट लाइन के ऊपर था राइट right? और वहाँ से एन जैसा स्टॉक जो कि रो रो के दस रुपया नहीं चलता है डेढ़ महीने के अंदर अंदर पचास रुपया बढ़ गया विच इज़ अबाउट फोर्टी फाइव परसेंट अमेजिंग परफॉर्मेंस इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जहां पे आपको इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिख रहा है और साथ में अगर आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस का सिग्नल है तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो एज अ ट्रेडर हम ट्राई करते हैं कि हमें दस टका का मूवमेंट वाला स्टॉक मिल जाए पंद्रह टका का स्टॉक वाला मूवमेंट वाला स्टॉक मिल जाए पर ये टूल को आप ऐड कर लो अपने रिसर्च में इसको आप एक्टिवली अपने चार्ट्स पे डाल के फॉलो करो और आप देखोगे कि, कि जो आप पंद्रह टका चाहते थे वो पंद्रह टका तो ऐसे मिल ही रहा है पचास टका साठ टका भी मिल रहा है अभी मैं और एग्जाम्पल्स दिखा सकता हूँ कोचिंग शिपियार और डॉक के और कब जैसे उन्होंने ब्रेकआउट दिया उसके बाद जो आर चला है वो डबल हुआ जब तक स्टॉक उसका आउट परफॉर्मेंस गया ही नहीं था करेक्ट और ये सारे स्टॉक्स में इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें से कई स्टॉक्स में मैंने खुद ने पर्सनली वो मूवमेंट राइड किया है मेरे पास मज डॉक डॉक्ट था कोचिंग शिपयार्ड कभी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं था जो कि मुझे अखड़ता है बट ठीक है हम लोग एज अ सेट कि हमारी कैपिटल भी फाइनाइट है और हमारी एबिलिटी टू ट्रैक नंबर ऑफ स्टॉक्स भी फाइनाइट है तो जो स्टॉक्स आपको मिले अगर आपका घोड़ा पहले नंबर पर नहीं आया है दूसरे तीसरे नंबर पर भी आया है तो आपने बहुत पैसा बनाना है ठीक है और पहले नंबर पर आया तो तो फिर फिर आप ही आ जाएँ करेक्ट और सिमिलरली इसी सेटअप को हम लोग गैप्स में भी यूज़ कर सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर गैप ट्रेडिंग करते हैं जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है या स्टॉक्स गैपअप गैप डाउन होते हैं तो हम लोग जब गैप्स के साथ ट्रेड करते हैं तो अगेन सेम इंडिकेटर को सेम तरीके से यूज़ करते हैं जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस इंडिकेटर को शायद गैप्स के लिए थोड़ा ट्वीक करना पड़े बिकॉज थोड़ी सी एक्यूरेसी इसमें कम है परंतु तो फिर भी आउट परफॉर्मेंस का जो वजन है वो तो दिखता ही है मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ बंधन बैंक पे मेरे कई सारे फ्रेंड्स मुझे फ़ोन करके बोलते थे मितेश बहुत ज़ोर से टिप आ रहा है बंधन बैंक लेना है और मेरे को उसमें कुछ आउट परफॉर्मेंस का सिग्नल दिख नहीं रहा था इनफैक्ट जब रिजल्ट के बाद उसमें नंबर्स थोड़े से नेगेटिव साइड पे आए रिएक्शन में तो गैप डाउन के साथ मैंने उसको शॉर्ट किया तो अब देखिए ये आप देखेंगे रिजल्ट के बाद ये स्टॉक ने गैप डाउन दिया था विच वॉज नाइनटीन ऑफ अक्टूबर अभी कुछ दिन पहले की बात है और आप देखेंगे कि ब्लू लाइन जो है ऑलरेडी वाइट लाइन के नीचे थी तो रिजल्ट्स ख़राब थे गैप डाउन था और स्टॉक ने अंडर परफॉर्म करते हुए गिरना था और अगेन पाँच दिन में स्टॉक 235 वाला गिर के कल तक 212 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था एंड अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है राइट सेम एग्जांपल आई थिंक आई हैव सिंजन में जब नंबर्स ख़राब आए थे तो एक बड़ा फॉल देखने को मिला था गैप के साथ में और वहाँ पर भी सेम सिनारिय था कि स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था और गैप डाउन दिया और अगेन पाँच दिनों में स्टॉक करीबन सौ रुपये से ज़्यादा गिर गया विच इज अबाउट फिफ्टीन परसेंट मूवमेंट इन फाइव फाइव डेज एंड स्टिल द ट्रेड इज़ गोइंग ऑन और आई थिंक मैंने एक चोला पे अपसाइड का गैप भी ढूंढा है चोला फाइनेंस में थोड़ा सा पुराना एग्जाम्पल है तो यू लेव टू तो बेयर विथ मी एक एग्ज़ाम्पल ये जो थोड़ा सा पुराना है आप देखेंगे कि यहाँ पर दो बार स्टॉक ने गैप अप दिया बड़े बड़े गैप्स दिए और दोनों बार ही वो आउट परफॉर्मेंस का सिग्नल बना हुआ था ब्लू लाइन जो था वाइट लाइन के ऊपर था और जो स्टॉक यहाँ पर 800 के आसपास था वो 1100 तक हो गया तब तक तो सिग्नल रिवर्स नहीं हुआ था उसके बाद जाके आई थिंक अभी अभी जाके सिग्नल रिवर्स होने का चालू हुआ है जो कि करीबन एक हज़ार निन्यानवे ग्यारह के आसपास ही इसने आपको एग्जिट दिया है तो अगेन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं आप ऐसी ट्रेडिंग में हैं जहाँ पर कि आप पोजीशन को ले कुछ हफ्तों तक रखना चाहते हैं तो आर एस सी टूल विल बी अ फिनल टूल एनी पैटर्न ब्रेकआउट ट्रेन लाइन ब्रेकआउट गैप्स आप इसको यूज कर सकते हैं की टेक अवेज मैं आई जस्ट समराइज सनराइज आई एसेड जो की टेक अवेज हैं वो ये है कि अगर आप प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं एंड इफ द आर एस सी इंडिकेटर्स इज सिमिलर कन्फर्मेशन द प्राइस स्विंग्स विल ओवर अचीव द टारगेट्स मतलब अगर आप पंद्रह बीस परसेंट का मूव देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको तीस चालीस पचास साठ परसेंट का मूव भी आराम से मिल सकता है अगर प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट पे आपको आर का सिग्नल साथ में नहीं है तो उस ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं एंड लास्टली एज ए सैड ये जो हमने जो दो मूविंग एवरेजेस प्लॉट किए थे एक इक्कीस दिन का एवरेज और एक उसके ऊपर पाँच दिन का एवरेज ये एक एक तरीके का ट्रेडिंग मॉडल है इस सिग्नल को अभी अभी भी मतलब मैं आने वाले कई सालों तक फाइन ट्यून करते रहूँगा तो हो सकता है अगर तीन साल बाद आप मेरे को कभी सुने आर एस सी बोलते हुए तो सिग्नल्स हो सकता है चेंज हो जाए बिकॉज एज अ ट्रेडर एज ए एनलिस्ट यू ऑलवेज ट्राई फॉर कीप इम्प्रूविंग योर सिग्नल्स एंड सेटअप्स राइट जितना आप उसको इम्प्रूव करेंगे उतना फ़ायदा आपको आपके बैंक अकाउंट में दिखेगा सो दैट्स अबाउट इट दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर टूडे आई होप यू गाइज लाइक डिट थोड़ा पोस्ट लंच है तो टिपिकली रिस्पॉन्स ठंडा हो जाता है एंड आई एम सॉरी फॉर दी गाइड सिटिंग ओवर हियर सर आपके लोग को ज़्यादा दिखा नहीं होगा यहाँ पे बट वी कैन ऑलवेज मेल दिस पी पी डी टू यू फेलियर एग्जाम्पल्स होते हैं क्योंकि सो पैटर्न ब्रेकआउट इज फेल्ड विद द आर एस इन बाय मोड हाँ तो जैसे मैंने आपको बताया अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एच का कि पैटर्न ने ब्रेकआउट दिया परंतु जैसे कपड़ हैंडल था यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा डिक्लाइन हुआ कप बना हैंडल बना और ब्रेकआउट दिया पर यहां पे आप देखेंगे कि जो आर था वो अंडर परफॉर्मिंग मोड में था तो पैटर्न ब्रेकआउट देने के बाद भी वहां से गिर के स्टॉक ने पैटर्न को फेलियर किया इस सिग्नल का फेलियर भी कभी कभी होता है दिस सिग्नल ऑल्सो कैन फेल सो एवरी सिस्टम इफ आई एड ए परफेक्ट सिस्टम बाबा तो मैं आपके सामने नहीं होता ना मैं हवाई में अपना यॉट में बैठ के ट्रेडिंग कर रहा होता मैं थोड़ा टाइम बाद पहुंचूंगा होपफुली बट अभी बहुत टाइम है उसमें बट या दिस हेज़ दिस हेज़ दिस हेज़ फेलियर अभी मैंने लास्ट जो लॉन्ग ट्रेड लिया था वो फेल हुआ है तो मुझे वैसे दिख रहा था कि मार्केट में तकलीफ है बिकॉज निफ्टी का बैंक निफ्टी का सारे इंडिकेटर्स गिरना चालू हो गए थे फिर भी मैंने एक जो एक रहता ना कि यार ये स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है ले लेते हैं सो so आप ये देखेंगे ई के सी ने ट्राइंगल के ऊपर ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर ये वाले दिन देख रहे हैं यहाँ पर ये वाले दिन और आर एस सी भी बाय में था परंतु उसके बाद से जो निफ्टी गिरा है तो ये भी गिरा है और फिर इवेंचुअली जब निफ्टी इस लाइन के नीचे गया ये प्राइस जब इस लाइन के नीचे गया तो आपने अपने लॉन्ग ट्रेड को एग्जिट कर दिया सो देर आर फेलियर्स बट आई हैव सीन इज दैट दिस यूजिंग दिस इंडिकेटर द फेलियर रेट ऑल्सो गो डाउन ऑन अलॉट अगर आप पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल प्राइज एक्शन पे पैटर्न ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं अगर आपका एक्यूरेसी सत्तर परसेंट है अगर आप साथ में आर एस यूज करते हैं तो आपका एक्यूरेसी अराउंड एटी फाइव नाइन्टी परसेंट तक पहुंच जाता है ओनली फॉर पैटर्न ब्रेकआउट्स नॉट फॉर और ऑल ट्रेड्स ठीक है ओनली फॉर पैटर्न ब्रेकआउट्स तो वो एक बहुत बड़ी बात है दूसरी बड़ी बात यह है कि न सिर्फ एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है जो मूवमेंट आप कैप्चर कर पाते हैं वो भी बढ़ जाता है बजाय पंद्रह टका खाने की अब आप तीस चालीस पचास टका खा रहे हो सो so, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग आर्सन एंड एनी इंडिकेटर फॉर देट मैटर विल नेवर बी अ परफेक्ट इंडिकेटर वो तो होने ही नहीं वाले वो बना लिया तो फिर मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा मैंने आपका अभी बोला सो दिस इज दिस इज वॉट इट इज़ यस एवरी सिस्टम लाइक लाइक एवरी ट्रेडिंग सिग्नल दिस ऑल्सो फेल्स उसमें कोई बुराई नहीं है बट ये आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है तो ये आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो एज अ ट्रेडिंग इंडिकेटर में आपके ये होना चाहिए इज द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक सर मेरा एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था कि विद डी ड्यू रिस्पेक्ट टू योर टेक्निकल एक्सपर्टीज वॉट आई हैव ट्राइड टू मैं टू थ्री टाइम्स कि टेक्निकल कुछ एडवांटेज मिल जाए बिकॉज आई एम नॉट टेक्निकल पर्सन सो मैंने किसी को पैसा दिया तो उन्होंने बोला कि 20 परसेंट तीस परसेंट का रिटर्न मिल जाएगा लेकिन दोनों तीनों बारी मुझे लॉस हुआ तो लाइक इन म्यूचुअल फंड वन वी आर इन्वेस्टिंग सो कुछ सर्टन फीस चार्ज करके देख गिव अब एन ए बी वैल्यू करके हमको बेनिफिट मिल जाता है सो एज़ ए ले इन्वेस्टर सपोज आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन एन दिस टेक्निकल मुझे कुछ, कुछ कमाना है तो वैसे कुछ सर्विस नहीं है क्या सेबी रजिस्टर्ड की जिसके थ्रू मैं मतलब पैसा इन्वेस्ट करके और वहाँ से मुझे रिटर्न मिल सके मतलब ऐसा सर देखिए कैसा है कि मार्केट uh, में रिस्क तो सभी जगह पर है और सेबी ने एक बोला कि आपको सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होना चाहिए जिसके लिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ती तो हम लोगों ने करी है परंतु तो पिछले कुछ सालों में जो कोविड के बाद जब सब लोग घर पर बैठ गए और कुछ करने को नहीं था तो ऐसे बहुत सारे सोशल uh, मीडिया मतलब मैं इनफैक्ट सोशल मीडिया पर प्रैक्टिकली एक्टिव भी नहीं हूँ जब सर ने कहा मैं ट्विटर पर एक्टिव मैंने ट्विटर शायद दो साल से खोला भी नहीं मेरा। है मेरा ठीक है अकाउंट है बट मेरे को क्या मतलब ट्विटर से मतलब इट्स जस्ट नॉइस फॉर मी सो ऐसे सोशल मीडिया पर बहुत सारे इन्फ्लुंसर्स आ गए जो कि लोगों को प्रॉमिस करने लगे फेक स्क्रीन शॉट्स डाल के आप से भी उन पर एक्शन ले रहा है जा कर के बैठ करके तो बीच में कोई मुझे बोला कि मितेश भाई आप क्लासेस क्यों नहीं लेते हो मैंने कहा मेरे क्लास में कोई आता नहीं क्योंकि मेरा उतना पैसा बनता नहीं जितना उन लोग का बन रहा है तो वो फाइट है सर जेनविन पीपल हैव लॉस बिजनेस बिकॉज ऑफ दैट मेरा अंदर का दिल का दर्द बहुत है उसमें जा करके जी सर आई हैव आई हैव आई आई हैव दिस थिंग टू मेक जो सेबी की रिपोर्ट आई है वो आई है 2022-23 के डेटा के ऊपर वो एक साल का डेटा है जब मार्केट बहुत चौपी साइडवेज और करेक्टिव था अपट्रेंड में नहीं था तो अगर आप उसके एक साल पहले की रिपोर्ट लेते तो सेबी ये बोलता है कि दस में से आठ लोग पैसा बना रहे हैं क्योंकि कोविड में आठ का लो हिट करने के बाद मार्केट अठारह अच्छा हज़ार जा रही है तो रिपोर्ट का टाइम फ्रेम देखिए उसने किस पीरियड के टाइम फ्रेम से दी है एक दूसरा जो भी आपका सोशल मीडिया पर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पैसा बना के दूंगा तो तू खुद बना ले भाई मेरे को क्यों बांट रहा है इज माई सिंपल आंसर सर हाँ अरे अरे अभी वो जो जिसपे कल सत्रह करोड़ का फाइन हुआ है उसका मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा जीतू भाई बोलता है कि दस तक वीकली रिटर्न दूंगा पाँच सौ बीस तक साल का रिटर्न दूंगा तो मेरे को लगा कि मैं छत से कूद जाऊँ पच्चीस साल निकाला है मार्केट में पाँच सौ बीस तक मेरा साल में भी नहीं बन साल में क्या मतलब पाँच साल में भी नहीं बनता है टाइम लगता है बनने को तो मतलब बट सर फेक प्रॉमसेस जस्ट वेरीफाई कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं एंड ये बहुत बड़ा बिज़नेस हो गया है जो कि हमारे ऊपर हमारे पेट के ऊपर तो बहुत बड़ी लात है ही है बट दूसरा वो क्या कर रहा है कि कई लोगों को जिनको जानकारी नहीं है उनसे वो पैसा चार्ज कर रहे हैं मतलब इस केस इस बंदे के केस में जिस पर कल फाइन हुआ है रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि सत्रह करोड़ रुपए उसने ट्रेनिंग की फीस लिए लोगों को कुछ पिचासी तरह के कोर्स भेजता था कि आज बाय सेल ऑप्शन हीरो जीरो बाय टुडे सेल टुमारो ऐसे पंद्रह बीस कोर्सेज पचास कोर्स बना रखे थे उसने पर खुद के uh, परफॉर्मेंस में uh, तीन करोड़ रुपए का लॉस था उसको सो दिस इज़ अ वेरी वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट फ्रॉड पीपल हैव एंटर्ड आवर बिजनेस बिग टाइम बट हम लोग कैसे रोके मतलब एक तो खुद का बिज़नेस जो जा रहा है जरमीन बिजनेस जा रहा है उसका तो गम है ही है ऊपर से जाके इसको रोकने का कोई तरीका भी नहीं है एंड पीपल आर सो गलेबल कि उसके सर साढ़े चार लाख फॉलोअर्स हैं मेरे साढ़े चार हज़ार भी नहीं है ठीक है मेरे को हो गया पच्चीस साल इस बाज़ार में तब भी साढ़े चार हज़ार नहीं है मेरा <laughs> क्योंकि मेरा इतना पैसा नहीं बनता ना स्क्रीन शॉट में नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज या आई हैव टू

तो अगर आप नॉर्मल केस में देखेंगे तो कभी स्टॉक आउट परफॉर्म करता है कभी अंडर परफॉर्म करता है तो विप्स आते रहते हैं उसमें जाकर के परंतु तो हमें उन सिग्नल्स को ट्रेड नहीं करना है हमें इसको कब ट्रेड करना है जब आपके साथ कोई पैटर्न ब्रेकआउट दिख रहा हो कोई इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जा रहा हो कोई ट्रेन लाइन से ब्रेकआउट दिख रहा हो कोई गैप स्ट्रैटी दिख रहा हो तब जाकर ट्रेड करना है तो दिस इज ओनली फॉर आइडेंटिफाइंग एज एडिशनल फिल्टर टू दी ट्रेड विच यू वुड ऑलरेडी बी टेकिंग उसमें यह एक एडिशनल फिल्टर की तरह काम करता है ये आपको दो चीज़ बताता है अगर आर एसी साथ में है तो आपका ट्रेड आपकी एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म करेगा और फास्ट और अगर आर साथ में नहीं है तो उसके फेलियर होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली हायर है सर uh, ये सिग्नल और कोई प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है सर सारे पे होगा मैं तो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ इसलिए है बट आई थिंक सारे सॉफ्टवेयर आजकल आई इंडिकेटर प्रोवाइड करते हैं आई थिंक ट्रेडिंग व्यू पे भी होगा मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ नहीं करता हूँ बट उस पर होगा बिकॉज आर आई सी इज़ वेरी कॉमन इंडिकेटर आई थिंक मैं मतलब इसको मेरा इंट्रोडक्शन इससे 21 साल पहले हुआ था बट इसको रिफाइन करके ट्रेडिंग यूज़ करना मैंने डेढ़ दो साल से चालू किया है सर वो तो क्या है ना वो मूविंग एवरेज है जो कि आर पे प्लॉट किया है तो वो तो जस्ट एक इंडिकेटर के ऊपर इंडिकेटर प्लॉट किया हुआ है तो मूविंग एवरेज तो सब जगह मिलता ही है उसको आपने सिर्फ रेश प्लॉट करना है सर इफा आई मे आस्क दिस क्वेश्चन टेक्निकल स्टडीज इज यूजली स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट्स सो हाउ आर वी एडजस्टिंग द स्टडी पैटर्न इन मॉडर्न डे वेयर अल्गोज एंड मशीन ट्रेडिंग्स आर इन्फ्लुएंसिंग सम ऑफ द इन्फ्लुसिंग फॉर एग्जाम्पल स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग आर हैपनिंग जस्ट 5000 पॉइंट्स बिलो वेट ट्रेडिशन मैथड्स वो मैकेजमु वेरी वैलिड क्वेश्चन ये दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू इवाल्व एज एनालिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं ये सिग्नल यूज कर रहा हूँ जिस पर मैंने दो एवरेजेज प्लॉट किए अगर तीन साल बाद मैं आर के ऊपर बोलूँगा हो सकता मैं एक अलग तरीका सिग्नल यूज कर रहा हूँ तो ओवर द ईयर्स ईवन आई वे वी हमने देखा है कि जो पुराना जो टाइम था उसमें प्रॉब्लम न आता था आज की तारीख में मेरा ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो आई वर्क विद नो स्टॉप लॉस इज ट्रेडिंग जब तक मेरा सिग्नल बाय में है तब तक मैं बाय में है जब तक सिग्नल जब सिग्नल सेल में आता है मैं उसको छोड़ देता है कोई स्टॉप लॉस फिक्स नहीं करता हूँ मैं जगह आई विल नेवर पुट अ लेवल बेस्ड स्टॉप लॉस बिकॉज ओवर द ईयर आईव रियलाइज्ड कि वो लेवल बेस्ड स्टॉप लॉस कई बार हिट होकर और फिर जाता है तो वो उससे भी ज़्यादा दुखदाई मोमेंट होता है कि आपने प्रॉफिट बुक कर लिया उसके बाद स्टॉक ऊपर गया क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट करके आपका ट्रेड खा के पैसा ले के आपसे स्टॉक ऊपर गया तो मेरा लेवल बेस्ड स्टॉप लॉस नहीं होता है मतलब एग्जिट मैकेनिज्म है ऐसा नहीं कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है प्लेस में स्टॉप तो तो लॉस लेवल के ऊपर नहीं है वो एक सिग्नल के ऊपर है जब तक तो वो सिग्नल चेंज नहीं होगा भाई आप थोड़ा पेशेंस रखो बने रहो ट्रेड शायद आपके फेवर में काम करेगा हेलो सर आप आर एस आर एस सी यूज करने के टाइम पे स्मॉल कैप अगर कोई स्टॉक ट्रैक करते रहोगे तो डिनोमिनेटर में निफ्टी फिफ्टी ऑलवेज यूज करते हो या निफ्टी मिड स्मॉल फोर हंड्रेड या निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स यूज करते हो ज्यादातर सर मैं अभी तो निफ्टी फिफ्टी यूज कर रहा हूँ परंतु आप ये ट्राई कर सकते हैं मैं अगर निफ्टी फिफ्टी अभी लास्ट सिक्स टू एट मंथ्स साइडवेज था और स्मॉल कैप इंडेक्स जो था कोई भी स्टॉक अच्छा खासा चला था तो वो तो सब स्टॉक आरएसी जो है वो मूविंग एवरेज जैसे आपने बताया वो तो हमेशा ऊपर ही चलते रहेंगे तो मिस कैलकुलेशन होने नहीं, का चांसेस नहीं नहीं, होगा सर मतलब वो बेसिकली तो वो आपको सिग्नल यही बताएगा कि निफ्टी को आवर परफॉर्म करने वाला है okay. तो हमें ये नहीं पता होता है कि उस टाइम निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा ना करेक्ट निफ्टी भी ऊपर जा सकता है हुँ. पर ये निफ्टी को बीट करने वाला है okay. तो मेरे लिए बेंचमार्क अभी तक निफ्टी है तो हुँ. मैंने उसको निफ्टी किया है बट अगला स्टेज जो मैं शायद अटेम्प्ट करने वाला हूँ वो ये कि क्या मैं ये देखूँ कि वो निफ्टी मिड कैप मतलब इसको और रिफाइन अगर आपको करना हो तो पहले मैं निफ्टी मिड कैप को निफ्टी से कंपेयर करूँ ठीक है मिड कैप में जो आ रहा है उसके बाद उस स्टॉक को मिड कैप के बीट करेगा कर सकते, कर थीके सकते. थीके कर सकते. वो चल रहा है, कर सकते. Okay. वो, fact, मेरा वो है. Okay. तो आपने बोला जो मैं इनफैक्ट सोच रहा हूँ आने वाले महीनों में उसके ऊपर थोड़ा काम किया जाए yes, हाँ बिंदास हा,

मैं मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग अटैम्प्ट किया था जब मैंने खुद का काम चालू किया था एंड आई वाज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल मैं रियलाइज़ किया कि मैं अपने काम के साथ में सीएनबीसी के काम के साथ में और भी काम के साथ में मैं इंट्राडे चार्ट्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता हूँ कि मैं पंद्रह मिनट के चार्ट पे काम करूँ तो जो लोएस्ट टाइम फ्रेम पर मैं काम करता हूँ वो सेवेंटी फाइव मिनट्स है जब से मैं वहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है तो सर ऐसा होता है कि कुछ लोग सहवाग होते हैं कुछ लोग राहुल द्रविड़ होते हैं तो हमारा रन बन रहा है जब तक हमें ठीक है हम खुश हैं मतलब उसको इम्प्रूव करते रहेंगे पर आई विल नॉट गो अगेंस्ट माई नेचर आई के नॉट डू टका टक टका टका टक, 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 तो मैंने उस ट्राई नहीं किया एंड आई मीन दैट्स लिमिटेशन ऑफ मीडर यस सर सॉरी सर ये डेली पे सारे मैंने जो ये जो मैंने पैटर्न ब्रेकआउट दिखाए सारे डेली पे हैं और मैंने एक पी का चार्ट दिखाया था जो वीकली चार्ट था तो उसको भी आप वीकली ब्रेकआउट को भी आप डेली आर के साथ में क्लब करके कर सकते हैं इनफैक्ट मंथली को भी कर सकते हैं सर हाँ तो कैसा होता है सर जैसे कि अपना एक सिंपल सा चीज़ होती है कि एक छोटी वेव है समुद्र में एक बड़ी वेव है तो जो बड़ी वेव होगी ज्यादा दूर तक जाएगी वो तो अंडरस्टूड है तो इसमें क्या होता है वीकली ब्रेकआउट जैसे मैंने आपको बताया सॉरी मैं एक, एक चार्ट आपको वापस लगा देता हूँ जो मैंने अपने एग्जाम्पल्स में कवर किया था ये पी का चार्ट है वीकली चार्ट है ये अगर आप देखेंगे नीचे डब्लू आपको दिखेगा यहाँ पर लिखा हुआ डब्लू अब शायद विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी बट दिस वीकली चार्ट ये रेक्टेंगल का ब्रेकआउट आया था करीबन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में और ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में यहाँ से ये आर एस बाय में चल रहा है स्टॉक सर साढ़े तीन सौ वाला छः सौ हो चुका है दो महीने में और अभी तक चल रहा है तो बड़ा टाइम फ्रेम और बढ़िया और बड़ा पैसा बनना चाहिए आई वुड टोटली गो विद दैट और इसको सारे को मैं जाकर ब्रेकआउट वीकली चार्ट देख रहा हूँ पर आर का यूज़ मैं डेली पे कर रहा हूँ कि भाई मेरा ब्रेकआउट तो वीकली चार्ट आ रहा है पर मुझे रोज़ निफ्टी को आउट परफॉर्म करना चाहिए सर आपने जो दो एवरेज यूज़ किया है ना उसमें जो गैप बढ़ता है कम होता है उसका कोई सिग्निफिकेंस आपने देखा है सर uh, मैं ट्राई कर रहा हूँ उस पे, पर गैप बढ़ना इसका मतलब और गैप कम होना वो एक बहुत नेचुरल फिनलनलन है क्योंकि क्या होता है स्टॉक एक बार शॉर्ट टर्म में भा भाग जाता है फिर कुछ दिन तक कंसोलिडेट करता है पर जब तक वो सेल में नहीं आता तब तक आप ट्रेड में बने रहिए गैप कम होने के बाद जब वापस एक्सपैंड करना चाहे तब आप हो सकता है अपनी पोजिशन को पिरामिड करके और बढ़ाना चाहें दैट इज समथिंग विच आई नॉट एक्सप्लोर बिकॉज सर बहुत सारे काम के बीच में ये जब रिसर्च करने का काम कभी कभी होता है कि एक दिन आप बस लैपटॉप लेके बैठ जाते हो कि आज तो मैं कुछ निकाल के उठूंगा तब ये सब रिसर्च का काम होता है बट इट इज़ ये जो गैप वाला सिस्टम है मैंने दूसरी स्ट्रैटेजी में यूज़ किया है कि गैप कम होकर वापस जब एक्सपैंड होता है तो मैं पोजिशन साइज बढ़ा लेता हूँ यहाँ पर नहीं किया अभी तक ये सर सर आई हैव दिस वेरी बैड हैबिट ऑफ नो वेयर कंसिडरिंग वॉल्यूम इन द एंटायर एनालिसिस विच आई डू मैं सिर्फ टीवी पे आपको बोलता हुआ दिखूंगा कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है बट मेरे कोई भी चार्ट पे वॉल्यूम नहीं होता है बिकॉज मेरा मानना है और गई सही हो गलत हो मेरा मानना ये है कि अगर वॉल्यूम बड़ा है एक लाख से पाँच लाख हुआ है और किसी ने पाँच लाख शेयर लिया है तो किसी ने पाँच लाख शेयर बेचा भी है आई मीन आई कै थिंक सिंपल पर मैं टी वी जरूर बोलता हूँ कि आज वॉल्यूम बढ़ गया है और लोगों को सुनने में अच्छा लगता है ये कोई रिपोर्ट नहीं करेगा प्लीज हाँ सर वो एग्जैक्टली exactly, वो सुनने में और वो एंकर लोग को भी बड़ा पसंद है अच्छा वॉल्यूम भी हो रहा है अरे हाँ वॉल्यूम डबल हो गया कल से पर डबल हुआ तो जिसने लिया उसके सामने बेचा भी है तभी तो डबल हुआ है और सर वो अपनी लैंग्वेज में आ चुका है इतने साल से चैटिंग कर रहे हैं टीवी पे कि वो लैंग्वेज में प्राइस वॉल्यूम आई जाता है बट मैं यूज़ नहीं करता हूँ सर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू आई नेवर यूज इट थैंक यू फ्रेंड्स So I've requested Mitesh Bhai; he'll be there in tea break also. If there are any further questions, we can take up in uh, tea break. Please be there in hall for two minutes. Uh, let's respect the speaker; he's given his valuable time uh, for all of us, and let's not uh, rush for tea. वो पंद्रह बीस मिनट तक चाय मिलते ही रहेगी चिंता नहीं है अनिल जी स्टिल ऑन द वे तो ऐसा कोई समय का प्रॉब्लम नहीं है सो प्लीज़ बी देयर इन द हॉल बिफोर आई रिक्वेस्ट पीयूष चंडक टू प्रपोज अ वेरी वेल डिजर्व वोट ऑफ थैंक लेट मी रिक्वेस्ट ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल अर्पित जी काबरा टू ऑफर अ मेमेंटो टू द स्पीकर एज लव ऑफ अवर एज अ टोकन ऑफ अवर लव एंड अफेक्शन आई थिंक सर ने टेक्निक में काफ़ी टेक्निक सिखाई हाउ टू यूज आर एस सी आर एस आई वट एवर वी कॉल इट एंड वंडरफुल सेशन इट वॉज़ लेट मी रिक्वेस्ट आर सी एम पीयूष चांडक टू प्रपोज अ वेरी वेल विट डिजर्व आउट ऑफ थैंक्स टू बी सर थैंक यू वेरी मच केतन भाई सुबह हमने विजय केड़िया जी से सुना कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में एंटर करेंगे तो आपको दो सेट ऑफ एडवाइसिस मिलेंगे एक इस टाइप का रहेगा कि स्टॉक मार्केट जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है और वैसे एक एडवाइस मिलेगा कुछ पाने के इंतज़ार में सब कुछ खो देते हैं उस स्टॉक मार्केट में शेयर भी रो देते हैं तो ये एक हो डराने वाला दूसरा बोलते हैं कि अगर आपको मिलेनियर बनना है तो स्टॉक मार्केट के अलावा कोई अच्छा रास्ता नहीं है इसी में वी हैड अ सेशन विद मितेश भाई उनका सेशन ऐसा था एक शानदार कंपनी को उचित कीमत पर ख़रीदना एक उचित कंपनी को शानदार कीमत में ख़रीदने से कई बेहतर है मतलब समझ गया होगा शायद भाव भगवान है एंड विथ दिस मितेश भाई आपने आर एस आई और आर एस सी के बीच में का जो डिफरेंस था हमको समझ में आया आज तो एंड यू एक्सप्लेन वेरी वेल विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑल द इंट्रिकसीज एंड न्यूनसेस ऑफ आर एस सी And one more thing, moreover, sir, I am personally impressed with your humbleness. With a very humble attitude, you explained everything to everyone, answered all, your, all our questions. And with this, I can surely say your session was definitely outperforming ever in the somewhat sideways mood of the audience after the lunch. And for this, I request all of you to put your hand together for Mitesh Bhai so mitesh bhai thank you thank you very much for accepting our invitation and thanks the organizing committee for giving me the opportunity thank you very much so from uh, now we'll break for 15 minutes for tea and we'll gather here for the most deserved lecture very important to understand the market from various angles. it can be fundamental. it can be technical. there are various analysis in which the companies and the sectors are analyzed when we try and do an investment. in the morning, we had a person who is a successful investor we have different speakers who are expert in capital market, but having their own expertise in their own field. when we were designing this program, we thought that in two days we should try and cover up the maximum aspect of capital market, be it an investor, be it a trader, do and don't, what is going to be the long-term strategies for investment. At current stage, is it a right time to invest, or not? When we do a trading, there are a lot of technique which people follow. The latest use of software like algorithms, and there are various ways in people analyze the market. And you know, they try to see that in one or other situation, what is beneficial to the market. K. D. R. G. said something important about information. One thing is very common and very pertinent when you invest into the market is to have the information. I was fortunate to know one trader. Of course, he he's trading today in Nasdaq, he's not in India. But when he was in India, I used to meet him very oftenly. And I used to see that maximum newspaper he used to read in the morning between 6 to 9.

नीचे में लो ऊपर में बेचो बट नीचे क्या है ऊपर क्या है यही नहीं पता होता है उसमें ही अपन ऊपर नीचे हो जाते हैं अफकोर्स बट अमंग दी ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव विच वी हैव बीट यू नो फिक्सड इनकम इंस्ट्रूमेंट और बीट यू नो म्यूचुअल फंड रूट थ्रू सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और बीट कैपिटल मार्केट डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न सम सुपर टेक्निक सम मेथोडोलॉजी And try and implement them in one of our trading, our investment, which we keep doing. And one of them is RSI, the relative strength index. We have expert in the form of Mitesh Bhai who has been, you know, implementing the RSI technique and is again one of the most sought-after speaker for RSI technique. Mitesh Bhai, we are really thankful at Western India Regional Council for your agreeing for this national conference and coming over here, sparing your valuable time. Uh, with this, let me request uh, Regional Council member Rudesh Pankhania to formally introduce Mitesh Bhai. Good afternoon, everyone. <clears throat> I think it's a sheer pleasure to introduce an amazing speaker for today, Mitesh Thakurji. Uh, I'm not somebody who comes from a capital market background, but very glad that I started my career in capital markets and that also in Deutsche Bank. So thank you, Miteshji, for being a part today. Mitesh Thakkar, a technical analyst and a proprietary trader, currently associated with CNBC TV18. He completed his post-graduation from TAPI Management Institute in 1999 and since then, He's worked with various companies like First Global, Kotak Securities and Edelweiss in the role of technical and trading analyst. In 2008, he started his own venture and since then he has been associated as a technical expert on various TV channels sharing his market views and trading ideas on a daily basis. Check him on Twitter, he's been actively using Twitter as well sharing all these insights as well and on Instagram he shares his photo clicks. He's a photographer otherwise so on Instagram he puts up various amazing photographs that he clicks. Thank you so much Mitesh ji for being a speaker today. Can we have a huge round of applause for Mitesh Thakkar. Uh, over to you.

मुझे लगा कोई सुनेगा नहीं आधे लोग सो रहे होंगे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा आप में से कितने लोग एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं इफ आई कैन जस्ट हैव अ शो हैंड्स काफी अच्छी पॉपुलेशन है तो और कितने लोग सुखी है सर आपका तो, तो, तो गोज विदाउट सेइंग सो so, सुखी मतलब प्रॉफिटेबल नहीं होता है दोनों में अंतर है राइट right. हाँ तो क्या होता है ना ट्रेडिंग मेरा जो एक्सपीरियंस है एंड मे बी दैट इज़ बिकॉज क्योंकि हम एज अ ट्रेडर हमेशा अपने परफॉर्मेंस को पिछले परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और चाहते हैं कि हम उसको बेटर आउट करें तो वो सुख वाली फीलिंग आती नहीं कभी ठीक है लॉस हो गया तो आदमी वैसे ही दुखी है और प्रॉफ़िट हुआ तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा और रुक जाता तो थोड़ा और प्रॉफिट बन जाता वो फीलिंग रहती है और एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग मेरा करियर का फेज़ था जब मैं फर्स्ट ग्लोबल में था Uh, और 99 2000 का जो बेयर मार्केट आया था सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में तब मैं uh, शंकर जी के साथ था और uh, उनका चीफ टेक्निकल एनालिस्ट था और तभी मैंने जॉब चेंज करके कोटे सिक्योरिटीज ज्वाइन किया था पी में टू एडवाइज़ द फंड मैनेजर्स और uh, दो तीन दिन बाद मार्केट बहुत गिरा और कई सारे सॉफ्टवेयर स्टॉक में उस टाइम अगर आपको याद हो जो वेटरन्स होंगे उनको तो पक्का याद होगा कि आठ परसेंट का सर्किट हुआ करता था स्टॉक्स में तो मैं जाने के पहले जो जो मैंने शॉर्ट कराया था आ, वो उनका प्रॉप शॉट चल रहा था बदले में और जब मैं कोटक जॉइन किया दो तीन दिन बाद मार्केट ज़ोर से गिरा और कई सारे स्टॉक्स नेगेटिव एट परसेंट सर्किट लिमिट पे आ गए तो मैंने फ़ोन किया स्टाफ को मैंने कहा आज तो पार्टी है तुम्हारी क्योंकि हमारे यहाँ रूल था फर्स्ट ग्लोबल में हम लोग काफ़ी शॉटिंग करते थे और जब भी मार्केट ज़ोर से गिरता था तो जलेबी आती थी शंकर बड़ा और जलेबी फॉर ऑल ऑफ एस एज ए ट्रीट लाइक भाई जी भर के जलेबी खाओ तो मैंने फ़ोन किया कि भई आज तो पार्टी है आज तो तुम्हारी जली भी आने वाली है सामने से जवाब मिला भाई बोल मत सेठ बहुत दुखी है बोला क्यों मार्केट तो गिर गया बोले कल ही शॉर्ट काटा था आज फिर आठ टका डाउन है तो पैसा बनाने के बाद भी यू नो सुखी होना एक अलग चीज़ है ट्रेडिंग में अगर आप देखेंगे तो कई लोगों ने कहा पैसा बनाना इजी है एक सिंपल तरीका होता है ट्रेडिंग एक्चुअली पैसा बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इट इज़ नॉट अ वेरी ईजी जॉब कि आपने लैपटॉप खोला चार्ट लगाया कुछ कुछ स्टडीज़ लगाया और हो गया काम लाइफ में जाकर कर बिकॉज आप एक एनालिस्ट हो सकते हैं और चूँकि मैं इस जर्नी से गुजरा हूँ मैंने अपना करियर एज अ टेक्निकल एनालिस्ट चालू किया था और उसके बाद प्रॉप ट्रेडिंग चालू किया तो आप एक अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं परंतु तो आपको अच्छा ट्रेडर बनने में थोड़ा और ज़्यादा समय लग जाता है तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस है कई सारे चैलेंजेस होते हैं एक मैं बहुत ही फेमस बुक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर विच इज़ रेमिनसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं स्ट्रॉगली रिकमेंड करूँगा जितने भी ट्रेडर्स हैं उस बुक को एक बार जरूर पढ़ें जैसी लेवर मोर का अगर आपने नाम सुना हो तो ये बुक उनकी लाइफ स्टाइल पर बेस्ड है उनकी लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है सॉरी और ही वॉज द गाए जो नाइनटीन ट्वेंटीज़ में अर्ली नाइनटीन हंड्रेड में ट्वेंटी uh, सेंचुरी में तीन बार ही वॉज अ मल्टी मल्डिनियर और तीन बार बैंक्रप्ट हुए एंड ही वॉज जीत वाई लाइक यू ही वॉज अ वेरी गुड स्क्रीन रीडर मतलब वो भाव देख के स्क्रीन देख के बेटिंग uh, uh, या अपनी पोजिशंस uh, ट्रेड uh, करते थे सो इट इज़ ऑल अबाउट हिम एंड कहीं पर एक बुक में उस उस एक पेज में ये कोट है जो कि मुझे बड़ा पसंद है कि इफ अ मैन डज नॉट मेक वन मिस्टेक इन द स्टॉक मार्केट ही विल मेक एनी ऑफ दी टेन थाउजेंड कजिन्स ऑफ दैट मिस्टेक मतलब मिस्टेक करने का फैमिली इतना बड़ा है कि अगर आप एक आधी मिस्टेक से बच भी गए तो भी आप कोई ना कोई दूसरी मिस्टेक करोगे ही और इसीलिए ट्रेडिंग में मैं, मैं मैं, पूछ रहा था कि कितने लोग सुखी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जा कर के हमें लगता है कि यार ये नहीं किया होता ये नहीं होता या मैंने इसको इस तरीके से ट्रेड को हैंडल किया होता लेटेस्ट एग्जाम्पल है आई थिंक जो हमारे ग्रुप में है वो जानते होंगे कोल इंडिया हमने काफ़ी अग्रेसिवली सभी लोगों ने बाय किया था और टू के आसपास वो जो अपना सिस्टम तो बाई में ही है पर अपने को लगता है कि यार कोल इंडिया पचास रुपये बढ़ गया और बढ़ सकता है क्या मैंने बड़े प्यार से प्रॉफिट लिया और बहुत खुश होकर प्रॉफिट लिया और चार दिन बाद मैं इतना दुखी था कि वाइफ बोली क्या हो गया कुछ तकलीफ वकलीफ है मैंने कुछ हुआ नहीं कोल इंडिया छूट गया मेरा सो so, बड़ा ही डिफ़िकल्ट है तो इन सारे चैलेंजेस को जब हम लोग फेस करते हैं एज ए एनलिस्ट एक उम्मीद यह रहती है कि हम कुछ ट्रेडिंग सिस्टम या सिग्नल्स बना पाएँ जिसकी वजह से एटलीस्ट अगेन कोई परफेक्ट सिस्टम तो होता ही नहीं है लाइफ में जो आपको एग्जैक्ट टाइम पर बता दे कि यहाँ पर टॉप बन रहा है या यहाँ पर बॉटम बन रहा है बट uh, एटलीस्ट आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो कुछ ऐसे सेट ऑफ सिग्नल्स हो जो कि आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ कर सके एम आई राइट आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज एवरीबडी हु इज़ वर्किंग ऑन चार्ट्स वो कंटिन्यूसली ट्राई करता है मूविंग एवरेज में डालू एम एस सी डालू फिर देखता है बहुत सारे इंडिकेटर्स हो गए दो चार को निकाल दूँ ये चैलेंज हमारे साथ मतलब ये ज़िंदगी भर का आता है शादी हो गया इससे जा करके वैसा वाला चीज़ है तो आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेरेटिव सर आर एस आई नहीं आर एस सी ये बेसिकली uh, मुझे पता नहीं है कि जस्ट इफ़ आई कैन हैव वन अदर रेज ऑफ हैंड्स आप लोगों में से कितने लोग आर यूज़ करते हैं या रेगुलरली उसको काम करते हैं सर आई थिंक दो या तीन ही हैंड्स है तो आई एम श्योर कि बाकी लोगों को एक अच्छा नॉलेज uh, मिल जाएगा इसके बारे में और अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहें मेरे प्रेजेंटेशन में तो मोस्ट वेलकम आई वेल बी हैप्पी टू लर्न टू मतलब वो सीखने की चाह तो रहती है तो आर जो टॉपिक है uh, <coughs> बेसिकली एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि एक स्टॉक के परफॉर्मेंस को दूसरे स्टॉक के सामने मेजर करता है टिपिकली टेक्निकल एनालिस्ट लोग क्या करते हैं प्राइस को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे जा कर के उस पे अपनी पर अपनी स्टडीज़ लगाते तो हैं ट्रेंड लाइन्स बनाते हैं पैटर्नस आइडेंटिफाई करते हैं इंडिकेटर्स लगाते हैं मूविंग एवरेजेस लगाते हैं परंतु यहाँ पर आप क्या करें आप बजाय प्राइस को प्लॉट करने के आप दो स्टॉक्स के एक स्टॉक हो सकता है एक इंडेक्स हो सकता है अब दो स्टॉक के प्राइस का रेशियो निकाल के उस रेशियो लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं ठीक है रेशियो लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद आप ये देखना चाहते हैं कि उस रेशियो लाइन से क्या हमें कोई ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि हम बोल सके कि एक स्टॉक दूसरे स्टॉक से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा राइट सो so बेसिकली लोग एक से परेशान हैं हम यहाँ परेशानी को थोड़ा डबल कर रहे हैं हम दो लाइन का मिक्सचर करके एक नई लाइन बना रहे हैं उसके ऊपर स्टडीज डालने की ट्राई कर रहे हैं ठीक है सो so, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्लाइड पे, आई थिंक अ लुक द आर is calculated इज़ कैलकुलेटेड the price द two ऑफ टू स्टॉक्स ऑन बेस डेट अराइविंग एट अ ratio, रेशियो एंड देन प्लॉटिंग दिस line लाइन ऑन द ग्राफ टू अंडरस्टैंड performance और the comparative स्ट्रेंथ uh, एक एग्जांपल भी मैंने दिया है फॉर एग्जाम्पल डेट से आपने कोई एक डेट ली और uh, दो स्टॉक्स के प्राइस को डिवाइड किया और रेशियो आपका आया फाइव तो एक स्टॉक सौ रुपए का एक स्टॉक बीस रुपए का है एंड कुछ दिन बाद जब डिवाइड किया तो आपका रेशियो आया 5.5 इट विल टिपिकली मीन दैट दी न्यूमिनेटर स्टॉक जो ऊपर में था हैज आउट परफॉर्म दी डिनोमिनेटर स्टॉक बाय अबाउट टेन परसेंट ये क्लियर है सबको अच्छा लंच के बाद हाँ बोल सकते हैं मतलब मुझे पता है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्स डिले हो जाता है बट <laughs> मुझे पता चले कि आप लोग जाग रहे हैं जब मालूम पड़ जाए कंफर्म हो जाए कि आप लोग नहीं जाग रहे हैं तो फिर मैं यहाँ से उतर सकता हूँ नीचे आराम से चलिए तो रेशो हो गया चेंज अब इस रेशो के चेंज होने के कई कारण हो सकते हैं सिंपल है कि दोनों के प्राइस मूवमेंट्स हुए होंगे दोनों स्टॉक्स में तो एक तरीका यह है कि दोनों स्टॉक ऊपर गए परंतु एक स्टॉक दूसरे स्टॉक से ज़्यादा ऊपर गया तो प्राइस रेशो चेंज हो गया या फिर दोनों स्टॉक नीचे गए एक स्टॉक दूसरे स्टॉक से ज़्यादा नीचे गया तो फिर प्राइस रेशो चेंज हो गया या फिर एक स्टॉक ऊपर गया एक स्टॉक वहीं पर है चौथा ऑप्शन है कि एक स्टॉक नीचे गया और दूसरा स्टॉक वहीं पर है तो भी आपका प्राइस रेशो चेंज हो जाएगा या फिर एट द बेस्ट सिनारीओ कि आपका एक स्टॉक ऊपर गया दूसरे स्टॉक ने डिक्लाइन किया एंड देरफोर आपका प्राइस रेशियो फिर से चेंज हो गया ठीक है तो मल्टीपल तरीके से प्राइस रेशियो चेंज हो सकता है ये तो सिंपल मैथमेटिक्स समझने की बात है परंतु तो ये सब करके इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है तो जो स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम कंपेटिव स्ट्रेंथ की या रिलेटिव स्ट्रेंथ की कि हम एक स्टॉक के परफॉर्मेंस को दूसरे स्टॉक के सामने मेजर करने की ट्राई कर रहे हैं या उस पर कुछ कंक्लूजन लाने की ट्राई कर रहे हैं उसको बेसिकली तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं पहले हो गए आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स या फंड मैनेजर्स अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे तो जब कोविड के बाद बॉटम बना था और फेसबुक का डील हुआ था तो रिलायंस सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला स्टॉक था परंतु तो आप थोड़ा और आगे आएंगे तो आप बोल सकते हैं कि रिलायंस ने पिछले छः महीने में निफ्टी को काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है इनफैक्ट रिलायंस ने निफ्टी को क्या ओ को भी अंडर परफॉर्म किया है या गोल्ड को भी या बिटकॉइन को भी सो so बेसिकली आप किसी भी स्टॉक को या किसी भी इंडेक्स को दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं तो फंड मैनेजर्स के लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आ रही है बिकॉज उनको अपने सेक्टरल एलोकेशन डिसाइड करने होते हैं अगर आपका मल्टी मल्टी एसेट क्या फ़ंड है तो लार्ज क्या फंड है तो कि मुझे किस सेक्टर में कितना वेटेज रखना है और वो डिसाइड करने के बाद इंट्रा सेक्टर एलोकेशन भी कर सकते हैं राइट right? कि अगर सपोज़ मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे ऑटो में ओवरवेट रहना है निफ्टी ऑटो में या ऑटो ऑटो स्टॉक्स में तो मुझे टी वी मोटर ज़्यादा लेना है कि मुझे मारुति लेना है कि मुझे टाटा मोटर्स लेना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये प्रोसेस चलती रहती है बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल बन सकता है फंड मैनेजर्स के लिए देन आजकल मार्केट में और इंडिया में पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ए आई एफ इंट्रोड्यूस हुए हैं विच अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सॉरी सो so, हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में ए वगैरह लॉन्च हुए हैं जो कि ग्लोबल और इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से हेज फंड्स काम करते हैं उसके सिमिलर प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं ऑफ कोर्स सिविल के रेगुलेशन थोड़े से स्ट्रॉन्ग और टफ़ हैं परंतु ब्रॉड वर्किंग उनका वही है और कई सारे ए फंड या हेज फंड्स डिप्लॉय करते हैं अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजीज़ में अगर आपने समीर अरोड़ा का सुना होगा सी एन बी सी पे तो काफ़ी बार बात करते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो सेवेंटी परसेंट लॉन्ग है थर्टी परसेंट शॉर्ट है तो अगर आप आर का यूज़ करते हैं और आप डिटरमाइन करते हैं कि कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और कौन से स्टॉक्स अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका अगर लॉन्ग एलोकेशन सेवेंटी है तो लॉन्ग एलोकेशन में मेजोरिटी स्टॉक्स आपके वो रहेंगे जो आपको आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं मेजोरिटी का सारे ही वो रहेंगे जो आपको आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद दिखा रहे हैं और शॉर्ट साइड में शॉर्ट साइड ऑफ पोर्टफोलियो में जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं वहाँ पे ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं करेक्ट और फाइनली ट्रेडर्स के लिए सो so, ट्रेडिंग में भी देखिए कैसा होता है कि दो बड़े चैलेंज होते हैं एक चैलेंज होता है कि हमारी कैपिटल जो है वो होती है फाइनाइट ठीक है कि हम कितना ट्रेड्स ले सकते हैं एक स्टॉक लिया दूसरा स्टॉक लिया तीसरा स्टॉक लिया फाइनली आपको आपका मार्जिन यूज़ होने लगता है और कैपिटल होती है फाइनाइट एक बड़ा चैलेंज ये होता है दूसरा चैलेंज होता है आप खुद जो कि आप कितनी पोजिशन मैनेज कर सकते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करीबन सत्रह अठारह सालों से प्रॉप ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं फ्यूचर में सात या आठ पोजीशन के ऊपर जाता हूं, तो मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है मेरा परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नहीं होती है हर एक का अलग अलग होता है मेरा मुझे पता है कितना है तो आपको भी आपका लेवल पता होगा कि आप कितनी पोजिशन एक साथ में अच्छे से मैनेज कर सकते हैं एक्टिवली ट्रैक कर सकते हैं और सभी पोजिशन पर आप रैशनली डिसीजन ले सकते हैं तो वो भी फाइनाइट होता है किसी का आठ होगा किसी का दस होगा राइट तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आप दिन में 200, 400, 300 चार्ट्स देख रहे हैं और आपको हो सकता है कि उसमें से 30-40 चार्ट्स अच्छे लगे जहाँ पे कि आप ट्रेड ले सकते हैं इवेंचुअली आप लेंगे छः या सात ट्रेड ही और ये एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ऑन रनिंग वीक बेसिस की बात कर रहा हूँ कि आप इवेंचुअली आपकी छः या सात या आठ जितनी भी होगी आपकी कैपेसिटी और कैपिटल उतने ट्रेड्स ही लेंगे तो ऐसे में क्या होता है कि आप ये भी चाहते हैं कि आपने जो लिया है वो आउट परफॉर्मिंग मोड में हो करेक्ट राइट right? अगर आपको निफ्टी ऑटो में ब्रेकआउट दिखता है और अगर आपने हीरो मोटर्स लिया है जो कि रिटेल की बड़ी कंप्लेन है कि सर मेरा स्टॉक तो नहीं चलता उसका बहुत चल जाता है राइट right? ये एक बड़ा नॉर्मल कॉमन फिनोमन है तो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं हम यहाँ पर तो अगर आपने और निफ्टी ऑटो में ब्रेकआउट देखा है और अगर, अगर आपने हीरो मोटर्स लिया है कंपेरेटिवली आपके बाजू वाले ने या शर्मा जी के बेटे जो आजकल इंटरनेट पर मीम्स आते हैं उन्होंने अगर टी वी मोटर लिया है तो फिर बोलेंगे ना शर्मा जी के बेटे को देखो कितना अच्छा कर रहा है ट्रेडिंग में भी तुमसे बेटर है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने का आज हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करेंगे अ, मेरा सिस्टम जो है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो करीब कई सालों से मैं उसको मॉडिफ़ाई करते जा रहा हूँ मैं ये नहीं कहूँगा और कह भी नहीं सकता कि ये परफेक्ट सिस्टम है परंतु तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है जो कि आपको एंट्री एग्जिट के सिग्नल्स और कौन से ट्रेड्स लेने हैं और कौन से अवॉइड करने हैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देता है ठीक है सो कमिंग बैक टू दी आर एस सी यूज एक बार हम इसको जस्ट फटाफट फिनिश कर लेते हैं और फिर सिस्टम पे जाते हैं अगर कोई फंड मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर है तो मैंने जैसे बताया कि उनको एक कंपैरिजन करना होता है कि किस कि सेक्टर को मुझे ओवरवेट रखना है किस सेक्टर को मुझे अंडरवेट रखना है फॉर एग्जाम्पल एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल्स एंड आई है लॉट ऑफ इट क्योंकि मैं खुद एम फाइनेंस हूँ तो मुझे फंडामेंटल्स में uh, के प्रति काफ़ी रिस्पेक्ट है बट एक चीज़ जो मैंने बहुत कॉमनली देखा है फंडामेंटल गाइस जो पिछले एक डेढ़ साल से कर रहे हैं कि वो कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि आप एच बैंक तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए और आप एक साल में एच बैंक को बी ओ बी कैनरा बैंक यूनियन बैंक किसी से भी कंपेयर कर लो धो पीट के हमारा एच डी बैंक को परफॉर्मेंस के मामले में करेक्ट सो so, <coughs> ये कंपेरिजन होना कि मुझे मेरे पोर्टफोलियो में मैं ये नहीं कहता कि आप एच बैंक बेच दो बिकॉज पिछला परफॉर्मेंस पाँच साल का बहुत अच्छा था उसका पर जब आपको सिग्नल्स दिख रहे हो कि इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्नल्स हैं अंडर परफॉर्मेंस के तो आप उसका वेटेज कम कर सकते हैं इट इज़ मेक श्योर दैट योर फंड इज परफॉर्मिंग बेटर सो वन द फंड मैनेजर्स विल कंपेयर सेक्टर्स वर्सेज अंडर सेक्टर करेक्ट एंड फिगर आउट कि कौन से सेक्टर में मुझे ओवरवेट रहना है फॉर एग्जाम्पल पिछले तीन महीने की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी निफ्टी को अच्छे से अंडर परफॉर्म कर रहा है आज का मुझे नहीं पता आज मैंने मार्केट देखा भी नहीं है सो so, <laughs> आज शायद ऊपर गए तो हो सकता है थोड़ा बैंक निफ्टी ने जोर लगाया होगा परंतु तो तीन महीने से आपको सिग्नल्स थे कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा तो ये सिग्नल्स आप लॉन्ग टर्म चार्ज पे भी देख सकते हैं तो सेक्टर कंपेयर करने के बाद आप सेक्टर के अंदर स्टॉक्स को कंपेयर करते हैं फॉर एग्जाम्पल निफ्टी की निफ्टी आई की अगर मैं बात करूँ तो कुछ दिन पहले जब निफ्टी आई में जब ब्रेकआउट्स आए थे तो आप देखेंगे कि उसमें सबसे अच्छा पार्टिसिपेशन जो आया था वो आपके मिड कैप स्टॉक से आया था एल टी टी एस एल टी आई एम टू सर्टन एक्सटेंट एच टेक टेक महिंद्रा और जो लेगार्ड स्टॉक था वो था विप्रो सो so, इस चीज़ की जानकारी होना या एटलीस्ट एट ऐसा कोई सिग्नल होना जो हमें पॉइंट आउट करे कि एक स्टॉक थोड़ा कम परफॉर्म करने वाला है आप उससे दूर रहिए बहुत ज़रूरी है और ये करने के बाद एक फंड मैनेजर इसके आगे थर्ड डेरिवेटिव में भी जा सकता है वो स्टॉक वर्सेज स्टॉक को कंपेयर करके कॉल ले सकता है करेक्ट तो so, ये तो हमने यूजर्स वैसे देख लिए बट जस्ट एक थोड़ा सा रिपीट है इसी में जो मैंने ए आई एफ़्स और हेज फंड्स की बात की थी <coughs> दे कैन कंपेयर अ सेट ऑफ़ स्टॉक्स तो सपोज अगर आप एक लॉन्ग शॉर्ट फंड चलाना चाहते हैं या कुछ लोग होते हैं जो पेयर ट्रेडिंग करते हैं कि भाई मुझे रात का रिस्क नहीं चाहिए डाउट पता नहीं क्या करेगा बाइडन उधर पे जाके क्या बोलेगा उधर फेड रेट की मीटिंग में रेट कट होगा कि कमेंट्री हॉकिश होगी कि नहीं मुझे अगर ये सब नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूँ मैं हमेशा पेयर ट्रेडिंग करता हूँ ऐसे कुछ ट्रेडर्स मैं मिला हूँ कई लोगों को मैं जानता भी हूँ जो ये काम रेगुलरली कर रहे हैं एंड वॉट दे डू इज़ एक स्टॉक शॉ लॉन्ग करेंगे उसी वैल्यू के आसपास का दूसरा स्टॉक में वो लोग शॉर्ट पोजिशन देंगे इसे मार्केट न्यूट्रल भी कहते हैं कि हमारा मार्केट बायस न्यूट्रल है बट हम स्टॉक्स पे बेट कर रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं वो लोग एक सेट ऑफ स्टॉक्स लेंगे सपोज आपने 50 स्टॉक लिए निफ्टी के ही जो कंपोनेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को निफ्टी के अगेंस्ट कंपेयर किया और देखा कि कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्मिंग मोड में हैं और कौन से स्टॉक्स वीक या अंडर परफॉर्मिंग मोड में हैं और वो करने के बाद वो उसके पेयर्स बना लेते हैं तो जरूरी नहीं कि सेक्टर्स के, के हों आप ये भी हो सकता है कि दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल अगर आपने पिछले कुछ महीनों में ट्राई किया होता कि आपने रिलायंस को शॉर्ट रख के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग रखा होता दोनों के सेक्टर्स अलग अलग हैं बट दोनों का निफ्टी में सिग्निफिकेंट वेटेज है राइट uh, और आपने देखा होता कि स्टेट बैंक डिड मच बेटर देन रिलायंस इन द लास्ट फोर फाइव सिक्स मंथ्स सेम इज़ विद जब आई ने दो के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो उसके सामने कोई भी स्टॉक शॉर्ट में रखा होता अगर आप मार्केट न्यूट्रल ट्रेडर हैं तो तो आपको नेट पॉजिटिव रिटर्न उसमें से मिल जाता सो दैट इज़ वन एंड फाइनली नाउ लेट्स कम टू द ट्रेडिंग पार्ट ऑफ इट सो जब हम ट्रेडिंग करते हैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं तो मैंने अपने चार्ट आर एस सी इंडिकेटर को लगा के रखा हुआ है और मैं आपको जस्ट शेयर करने वाला हूँ कि मैं उसको किस तरीके से रीड करता हूँ ताकि आप उसको ईजिली समझ सकें uh, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग एज अ टेक्निकल एनालिस्ट प्राइस पैटर्न देखते हैं आपने सुना होगा हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू वाला नहीं ट्राइंगल्स रेक्टेंगल्स डबल बॉटम्स डबल टॉप्स ट्रिपल बॉटम्स वेजेस राउंडिंग फॉर्मेशन एक्सेट्रा तो जब भी आप प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट देखते हैं और कई लोग मुझे ये आके कहते हैं कि मितेश भाई प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट तो देख लेते हैं पर कई बार वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो अगर आपके ब्रेकआउट के साथ में या उसके आसपास में आपको आर का विच इज़ द रिलेटिव स्ट्रेंथ का आपको सिग्नल मिलता है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट है तो आप देखना कि वो फेलियर का रेट बहुत कम होगा एक दो वो ब्रेकआउट के बाद अपने टारगेट से ज़्यादा जाएगा तीन फास्टर स्पीड पर जाएगा क्योंकि उसने आउट परफॉर्म भी करना है न सिर्फ बढ़ना है बल्कि उसने बाकी मार्केट से बेटर परफॉर्म करते हुए बढ़ना है बोलते हैं ना वो तेज़ी से भागने वाला घोड़ा वैसा वाला केस ठीक है सिमिलरली <coughs> अगर स्टॉक में दा, ब्रेकडाउन आ रहा है कोई पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेक हो रही है तो उसमें अगर आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस के या अंडर परफॉर्मेंस के सिग्नल्स हैं तो वो बेहतरीन शॉट बनेगा वो ज़्यादा गिरेगा और स्पीड से भी गिरेगा ठीक है सिमिलरली हम लोग गैप सेटअप्स भी यूज़ करते हैं काफ़ी शार्टिस्ट लोग जो यहाँ पर होंगे वो लोग प्राइस गैप्स को भी ट्रेड करते हैं और अगेन यहाँ पर भी हम लोग आर इंडिकेटर प्लॉट करते हैं एंड सेम फॉर मल्टीपल सेटअप्स आप मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर में इसको यूज़ कर सकते हो आप ट्रेन लाइन ब्रेकआउट्स में इसको यूज़ कर सकते हो बट यूज़ करना कैसे है तो अब वो उस चीज़ पर हम लोग आ जाते हैं तो व्हाट वी डू इज़ हम लोग आर एस सी का सॉरी स्टॉक uh, का आर एस सी निफ्टी के अगेंस्ट चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो मैं एक काम करता हूँ आपके लिए चार्ट ओपन कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान वहाँ देना पड़ेगा वैसे भी मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है तो वही बेटर रहेगा या दे यहाँ पे जाके सर ये वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है यू हैव टू डुप्लीकेट स्क्रीन। सॉरी वन टेक्निकल एरर। सर टेक्निकल एनलिस्ट की लाइफ में टेक्निकल एरर ना हो तो कैसे काम चलेगा सर इसको डुप्लीकेट कर दीजिए मैं चार्ट आया तो वापस आया नहीं परफेक्ट सो so, यहाँ पर मैं आ, एक स्टॉक का मैंने क्लोजिंग चार्ट डाल रखा है कोई भी स्टॉक हो सकता है अब मैं इसमें एक स्टडी ऐड करता हूँ जाकर के विच इज रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेरेटिव एक उसमें बेस डेट होता है सॉरी uh, यहाँ पे इसका एक बेस डेट होता है तो हमने बाय डिफॉल्ट 1990 नाइन्टी एक जनवरी को डाल रखा है जब तक निफ्टी था भी नहीं बट तो हमने डाल रखा है कि बेस डेट वही था उस दिन पहले दिन कैलकुलेट हुआ था उसके बाद रोज आप उसका प्राइस रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं और जो जिसके अगेंस्ट आपको कंपेयर करना होता है वो स्टॉक आप यहाँ सेलेक्ट करते हो तो मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है वो है फाइव डबल नाइन जीरो वन विच इज़ माई सॉफ्टवेयर कोड फॉर निफ्टी देखिए नी सीधा निफ्टी ओवर ही ओवर देयर रिटर्न ओवर देयर तो मैं निफ्टी के सामने इस स्टॉक को कंपेयर कर रहा हूँ और मैंने इसको मॉडिफाई uh, करके ऐड कर दिया है सिर्फ़ इसमें क्लैरिटी बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसके डिस्प्ले को मैं चेंज कर देता हूँ और इसके कलर्स को वाइट कर देता हूँ क्योंकि ब्लैक हमारा बैकग्राउंड है तो वाइट पे वो ठीक दिखेगा तो यहाँ पर मैंने अपना आर इंडिकेटर प्लॉट कर दिया है चार्ट के साथ में और right? इतना काम हो चुका है <coughs> उसके बाद मैं रिकमेंड करता हूं कि उस पर आप एक 21 दिन का एवरेज प्लॉट करें तो जो आपकी रेशियो लाइन है जो आपकी आर लाइन है उस पर मैं एक 21 डे का एवरेज प्लॉट करने जा रहा हूँ so थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं एट स्टडी वी गो टू एवरेज ओके एंड वी से एक्सपोनेंशियल ट्वेंटी वन एंड यहाँ पर जो डिफॉल्ट जो है मूविंग एवरेज सॉफ्टवेयर में टिपिकली प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है परंतु तो हमें प्राइस के ऊपर नहीं कैलकुलेट करना है हमें आर एस सी यानी कि रेशियो लाइन के ऊपर कैलकुलेट करना है इस मूविंग एवरेज को तो मैं इनपुट को चेंज करके इसको मैं डाल देता हूँ आर एस सी क्लोज विच इज़ ट्वेल्व नंबर फॉर मी एंड आई एडिट टू अ न्यू सबग्राफ उसके कलर्स अब अगर आप मेरी स्क्रीन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर तीन स्टडीज़ मैंने डाल रखी हैं सबसे पहली है प्राइस की जो कि प्राइस का क्लोजिंग चार्ट है उसके बाद है आर जो कि रेशो लाइन है जो स्टॉक मैंने ऊपर चूज़ किया है उसका रेशो अगेंस्ट द निफ्टी और उसके नीचे जो है थर्ड लाइन पे जो ब्लू लाइन है वो है उस रेशो लाइन का 21 दिन का मूविंग एवरेज एवरीबडी ओके विद दैट बहुत टेक्निकल हो रहा है क्या ठीक है आवाज तो नहीं आई बट <laughs> चलिए right. और राइट ना एक फाइनल स्टेप और इससे ज्यादा और तकलीफ नहीं है बस एक छोटी सी स्टेप और लेंगे हम यहाँ पर जाकर के कि इस 21 दिन के एवरेज के ऊपर हम एक नया पाँच दिन का एवरेज प्लॉट करेंगे सो so, एवरेज के ऊपर एवरेज प्लॉट करेंगे डबल स्मूदन करने के लिए ओके सो आई आई से गो टू ऐड ऐड स्टडी एंड वुड व्हाट इज कॉल्ड एज अ चांदे एवरेज पैरामीटर फाइव एंड फाइव एंड ये जो एवरेज है मैं एवरेज के ऊपर डाल रहा हूँ तो मैंने इक्कीस दिन के एवरेज को सिलेक्ट किया इनपुट के लिए और मैंने इसको ऐड किया इसी सब ग्राफ पे यहाँ पर ठीक है सॉरी <coughs> इसका डिस्प्ले है तो जस्ट री कैब ऊपर प्राइस चार्ट है उसके नीचे रेशियो चार्ट है और उसके नीचे मैंने दो एवरेज प्लॉट किए हैं 21 दिन का एवरेज जो कि रेशियो लाइन पे बना हुआ है और उस एवरेज के ऊपर उसी एवरेज का पाँच दिन का एवरेज जो कि वाइट लाइन में थर्ड वाले कॉलम में बना हुआ है सबको आई थिंक यहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी सी पुअर होगी सर बट इफ़ यू कैन सी इट ये क्रॉसओवर को हम एक सिग्नल के रूप में यूज़ करते हैं फॉर आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस ओ सो लेट मी गेट बैक टू माय स्लाइड यूज़ द क्रॉसओवर ऑफ दीज टू एवरेजेस एज द ट्रेंड सिग्नल फॉर आरएससी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी तीसरी जो यहाँ पर बॉक्स uh, में जो स्टडी डाली है मैंने ब्लू लाइन और वाइट लाइन जब ब्लू लाइन वाइट लाइन के ऊपर जाती है तो स्टॉक आउट परफॉर्म करने वाला होता है और जब ब्लू लाइन वाइट लाइन के नीचे जाती है तो स्टॉक अंडर परफॉर्म करने वाला होता है इट इज़ सिंपल दो मूविंग एवरेज डाल के उनका क्रॉस को मैं ट्रेड कर रहा हूँ ठीक है पर डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर रहा हूं मैं इसको वर्सेस समथिंग एल्स ट्रेड कर रहा हूं तो यहां पे जो आर एस सी लाइन है वो निफ्टी के अगेंस्ट बनी हुई है और राइट नाउ इस इंडिकेटर को इस सिग्नल को मैं हर ट्रेड के पहले जो कि मैं एक नॉर्मल ट्रेडिंग भी करता हूं उसमें मैं यूज करता हूं उसके मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा अभी ठीक है तो अगर आप नॉर्मल टेक्निकल एनालिस्ट हैं अगर आप प्राइस ब्रेकआउट्स देखते हैं प्राइस पैटर्न है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग काफ़ी लोगों ने सुना होगा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है रेक्टेंगल्स हो गए प्राइस पैटर्न गई उसका ब्रेकआउट जब आता है ठीक है तो उसके ब्रेकआउट के टाइम पे, अगर आपका आर इंडिकेटर आपको दिखा रहा है कि ये ब्रेकआउट के बाद स्टॉक आउट परफॉर्म भी करने वाला है तो मैं बताता हूँ कि ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं विच मीन्स दैट यू आर अगर आपकी एक्यूरेसी 65 परसेंट या 66 परसेंट थी तो बढ़ के एटी फाइव परसेंट के आसपास आ जाती कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने वाला है तो आप थोड़ा सा अपना कैपिटल को अग्रेसिवली बेट कर सकते हैं एक दूसरा वो ये बताता है कि ये जो सिग्नल आया है ये ब्रेकआउट तो है ही परंतु तो ये साथ में ये भी बता रहा है कि मैं निफ्टी को भी बीट करूँगा यानी कि मार्केट को भी बीट करूँगा तो टिपिकली जो रैली आती है वो ब्रेकआउट टारगेट्स को एक करती है जो पैटर्न का जो आपका ट्रेडिंग टारगेट होता है उससे ज़्यादा दूर तक आती है और तेज़ आती है क्योंकि आउट परफॉर्मेंस तो करना ही है फास्ट तो भागना ही है उस घोड़े ने क्योंकि निफ्टी को बीट करना है राइट आउट परफॉर्म करना है करेक्ट सो so मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं एक सिंपल प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट हमने ऑब्जर्व किया था और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जो मैं आप जितने लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आई थिंक वो जो जहाँ पर डिस्कस होते हैं वो भी मैं कवर करूँगा सो यू विल बी एबल टू रिलेट टू दैम जब बीच में पीएसयू बैंक में काफी अच्छा मूवमेंट आ रहा था तब यहां पर एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन देखा गया था ये मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर करेक्ट? ट्रायंगल है? अच्छा हाँ तो बोल दो राइट right? और आप देखेंगे कि प्राइज ने ट्राइंगल के ऊपर इस दिन ब्रेकआउट दिया था जो कि तीन तारीख तीन जुलाई का डेट है वो डेट बहुत छोटा दिख रहा है कोने में दिख रहा है वहाँ पर डेटा विंडो में और आप देखेंगे कि चार तारीख को जो है आपको आर एस सी ब्रेकआउट मिल गया था मतलब कि पी का जो स्टॉक है वो प्राइस का ब्रेकआउट तो दे रहा है परंतु वो निफ्टी को भी आउट परफॉर्म करने वाला है सो so, टिपिकली ऐसे केस में क्या होता है जब हम ट्रायंगल का ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो हम उसका एक टारगेट मान के चलते हैं जो हाईएस्ट पॉइंट है ट्राइंगल का वो था करीबन फिफ्टी टू एट्टी फाइव के आसपास में जो लोएस्ट पॉइंट था वो था करीबन 48 के आसपास में तो पाँच छः रुपये का तेज़ी होना चाहिए करेक्ट दैट इज़ अ ट्राइंगल का टारगेट कि भाई जितना आपका विर्थ है उतना तेज़ी ब्रेकआउट के बाद आना चाहिए परंतु तो आप ये देखेंगे ब्रेकआउट के बाद ये सिग्नल चलता रहा चलता रहा चलता रहा और अभी तक इसका अंडर परफॉर्मेंस आया नहीं और वो जाके चार पाँच दिन पहले यहाँ पर वो जो है ब्लू लाइन वापस रेड लाइन के नीचे क्रॉस हुई है तो इसने क्या किया इस सिग्नल की मदद से जहाँ पे आप एक ट्रेड में पाँच या छः रुपये कमाने का सोचते वो प्रॉफ़िट को बढ़ा के उसने उसका बाईस रुपये कर दिया 52 की एंट्री जो थी आपकी यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट आया था यहाँ पर 52, 53 के आसपास की एंट्री थी वो एग्ज़िट उसने दिया 74 पे बजाय इसके कि आप यहाँ पर कहीं पर आप इसमें से एग्जिट कर जाते हैं आई ऑल विथ मी अच्छा दिस वॉज अ बेटर यस यार अच्छा अभी पैसा बन रहा है तो थोड़ा आवाज़ निकल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक तो सिर्फ ज्ञान ही ठोक रहा था भैया बैठ करके क्या फ़ायदा हाँ बोलने का अभी ठीक है सो so, ये एक ये आपको कंफर्म करता है कि ब्रेकआउट चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दूसरा जैसा मैंने बताया कि जो ओरिजिनल टारगेट होता है उससे काफ़ी आगे तक स्टॉक जा सकता है एक एग्ज़ाम्पल ये हो गया एक और मैं प्राइस पैटर्न लेना चाहूँगा आपके सामने एक स्टॉक था पी करके और आप देखेंगे कि वीकली चार्ट में बहुत ही प्यारा रेक्टेंगल बना के इसने ब्रेकआउट दिया था और ये ब्रेकआउट आया था सितंबर में तो मैं जितने मैंने एग्जांपल्स दिए हैं सारे पिछले एक दो तीन महीने के लिए हैं तो आप काफ़ी सारे स्टॉक से रिलेट कर पाएंगे ठीक है तो ये ब्रेकआउट आया था ये ब्रेकआउट के टाइम पे आप देखेंगे कि ये जो तारीख़ है यहां पर पाँच तारीख के आसपास ब्लू लाइन ने वाइट लाइन के ऊपर जाना चालू कर दिया था मतलब तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है देखना मैं समझ सकता हूं क्योंकि स्क्रीन हमारे पास इतनी है परंतु तो उसके बाद से ये अभी तक जो ब्लू लाइन है वो वाइट लाइन के नीचे गई नहीं है ये कल तक का डेटा मेरे पास अपडेटेड है राइट और जो स्टॉक जिसने ब्रेकआउट दिया था साढ़े तीन सौ पे आज वो खड़ा है छः सौ रुपये और छः सौ और छः रुपये पे मतलब सिक्स जीरो सिक्स पे so the stock has nearly doubled. सो द स्टॉक हैज़ नियरली डबल्ड साढ़े तीन सौ वाला छः सौ छः मतलब करीबन आप देखेंगे तो ढाई सौ रुपये का तेजी हो गया विच रफली अबाउट सेवेंटी परसेंट गेन्स और ये ब्रेकआउट कब हुआ था ब्रेकआउट हुआ था सर पाँच सेप्टेम्बर को और अभी हम पाँच नवम्बर तक नहीं पहुँचे यू कैन सी द इम्पैक्ट राइट कि ब्रेकआउट में आउट परफॉर्मेंस आने के बाद वो बोलते हैं ना स्टॉक रॉकेट बन जाता है खासकर जब आपका स्टॉक ने मार्केट को आउट परफॉर्म भी करना है तो सो दिस विल ग्रेटली ग्रेटली इंप्रूव योर ट्रेडिंग एफिशिएंसी एक तो यह कि जब तक उसमें अंडर परफॉर्मेंस आए ना आपको बेचना क्यों है करेक्ट क्योंकि अभी भी और, मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है आगे आगे बोलूं कि यहीं पे रुक जाऊं ठीक है मुझे पता है देखिए लंच अच्छा था मैंने भी किया बट लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड दिस मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल रहेगा अगर आप इसको एब्जॉर्ब करके यूज में ला पाए तो ठीक है सॉरी <coughs> अच्छा एक और ब्रेकआउट ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि यहाँ पर एक प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट था परंतु आर ने साथ नहीं दिया मतलब प्राइस ने एक लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया पैटर्न से परंतु आर सिग्नल साथ में नहीं था मतलब कि स्टॉक आउट परफॉर्म नहीं करने वाला था तो जब भी ऐसा होता है हम देखते हैं कि ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि अगर प्राइस से ब्रेकआउट है कोई इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर स्टॉक जा रहा है तो उसने मार्केट को तो कम से कम बीट करना चाहिए निफ्टी को इफ़ नॉट द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स राइट तो यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके आया हूँ एच का एच में एक कपन हैंडल पैटर्न हुआ था आपको कुछ लोगों को पता होगा जो चार्ट को एक्टिवली फॉलो करते हैं कि कपन हैंडल पैटर्न क्या होता है और मैं उसको चार्ट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटा सा इसने कप बनाया और छोटा सा हैंडल बनाया तो इट्स कॉल्ड सॉसर पैटर्न और कपन हैंडल पैटर्न और राउंडिंग फॉर्मेशन अलग अलग नाम है और जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो आप देखेंगे कि जो ब्लू लाइन था वो वाइट लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था मतलब कि स्टॉक के प्राइस ने जरूर ब्रेकआउट दिया था राइट लेवल के ऊपर भी गया था ये जो लेवल था छब्बीस सौ नब्बे के आसपास का उसके ऊपर भी ब्रेकआउट देकर स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऊपर जा भी रहा था परंतु मार्केट को बीट नहीं कर रहा था मतलब पैसा उसमें ज़्यादा नया पैसा आ नहीं रहा था बल्कि शायद इस ब्रेकआउट के साथ पैसा बाहर निकल रहा था क्योंकि मार्केट में तब तक तो पैसा आ रहा था सेप्टेम्बर अक्टूबर में राइट मार्केट वॉज गोइंग अप तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने और कुछ ही दिनों बाद वो फेल हो के जब अंडर परफॉर्मेंस का सिग्नल नीचे की तरफ और बढ़ना चालू हुआ जब ब्लू लाइन वाइट लाइन के नीचे आ गई तो एक बड़ा डिक्लाइन भी देखना पड़ा स्टॉक को सो आर एस सी वेन यू आर डूइंग पैटर्न ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपके पैटर्न के ब्रेकआउट को कन्फर्म करने के लिए एक मैं फिर से रिपीट करता हूँ दो जब आपका आर सिग्नल साथ में होगा तो जो आपके पैटर्न के प्राइस टारगेट्स हैं उससे ज़्यादा दूर तक स्टॉक जाएगा और जब तक वो आउट परफॉर्मेंस ख़त्म न हो जब तक वो निफ्टी को बीट कर रहा हो तब तक आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों के लिए कि प्रॉफिट कहाँ पे ले एंट्री लेना सबको आता है फिर मैंने बताया ना ट्रेडर कभी सुखी नहीं होता क्योंकि वो प्रॉफिट ले लेता है उस दिन तो बड़ा खुश होता है तीन दिन बाद सोचता है अरे यार क्या कर दिया भाई इट इज़ अ वेरी नॉर्मल एंड सी ओवर द इयर्स इवन आई हैव गॉन थ्रू दिस अभी अभी रिसेंटली कॉल इंडिया में किया ना मैंने कांड 283 में बड़ा खुश होकर बेचा मैंने कहा पचास रुपये बढ़ गया है मेरा सिस्टम भले भाई में मेरे को तो लगता नहीं कल इंडिया की इतनी और मतलब इतना भागता नहीं ना लो बीटा स्टॉक है इसका हो गया बस मेरा पेट भी भर गया और फिर जब तीन का भाव देखा पाँच दिन बाद तो मैं सोच रहा था अभी भी सीखना बाकी है बेटा अभी तो बहुत बहुत आ, आगे मुकाम आएंगे ऐसे बट देख लेते हैं उस एग्ज़ाम्पल को भी आ, अभी हम लोग आगे आई थिंक अगली स्लाइड में मैंने कोल इंडिया मैंशन किया हुआ है <laughs> नहीं किया हुआ है एनी विचवे बट मैं आपको दिखा दूँगा अगेन फ्यू मोर एग्ज़ाम्पल्स एक अगर कोई यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स होल्ड करता हो ये मेरा भी होल्डिंग है तो डिस्क्लेमर मेरा वैसे इंटरेस्ट है स्टॉक में बट आप देखेंगे कि यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स ने एक बड़े ही प्यारे कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था करेक्ट स्टॉक का भाव था उस टाइम करीबन एक सौ और ये जब ब्रेकआउट आया तो अगेन इसमें टारगेट हो सकता है कि आदमी ने सोचा पंद्रह बीस रुपये पच्चीस रुपये बढ़ जाएगा स्टॉक पंद्रह टका बीस टका बढ़ जाएगा और ब्रेकआउट के साथ सॉरी ये बंद कैसे हो गया नहीं हो गया हो गया सॉरी वो मेरा कुछ दब गया था यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ में आप नोट करेंगे कि जो ब्लू लाइन है उसने वाइट लाइन को बीट करना चालू कर दिया था मतलब कि स्टॉक आउट परफॉर्मेंस का सिग्नल भी दे रहा था और ये जो सिग्नल चला है उसने आपको सीधी एग्जिट दिया अगर मैं उस एरिया को जूम कर सकूँ वो दिए यहाँ पर ये यहाँ पर है कि आपका जो ब्लू लाइन है वो वाइट लाइन के नीचे आ गया है तो उस टाइम प्राइस थी दो सौ तेरह रुपये ये सारा मूवमेंट हुआ है करीबन दो सवा दो महीने के अंदर अंदर सो ट्रेडिंग डेज गिनेंगे तो लेस देन फोर्टी ट्रेडिंग डेज में नियरली स्टॉक डबल हो गया था एक सिंपल ब्रेकआउट पर टिपिकली ऐसा होता नहीं है कि आप एक सिंपल ब्रेकआउट पर लें और मेरे पास ये स्टॉक अभी तक पड़ा हुआ है मैंने उस सेल सिग्नल पर भी बेचा नहीं परंतु uh, टिपिकली ऐसा होता नहीं कि आप एक ट्रेडिंग में एक ब्रेकआउट पे आप, आप एक पोजीशन ले और दो तीन महीने में साठ पचास सत्तर परसेंट का मूवमेंट उसमें आप एबजॉर्ब कर लें परंतु ये इंडिकेटर की मदद से वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है तो मैं इसको बहुत स्ट्रांगली uh, रिकमेंड करता हूँ एक और स्टॉक जो हमारे ग्रुप पर भी काफ़ी डिस्कस हुआ था काफ़ी लोगों ने यहाँ पे लिया भी होगा जैन इरीगेशन एनी सर किसी ने जैन इरीगेशन ट्रेड किया लास्ट कुछ महीनों में हाँ काफ़ी हमारा अरे व्हाट्सएप पे इतना उसमें एक्टिविटी था यार राइट <laughs> तो उसमें जब ब्रेकआउट आया तो मैंने जीतू भाई को रिपोर्ट भी भेजा था जैन इरीगेशन का कि इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है <laughs> सर इस कमेंट को ऑफ रिमार्क किया जाए बट जैन इरीगेशन में एक बड़ा ब्रेकआउट आया था आप देखेंगे यहाँ पर जो कि करीबन uh, 24 जुलाई के आसपास का डेट है कि प्राइस इस चैनल के ऊपर निकलना चालू हो गया था और इसी ब्रेकआउट के साथ में हाँ सर हम लोग वही बात कर रहे थे कि चलाने वाले आ गए जैन इरीगेशन के <laughs> <laughs> अरे तो इसी ब्रेकआउट के साथ में अगर आप यहाँ पर इसको जूम कर देता हूँ मैं इस एरिया को थोड़ा सा तो आप देखेंगे कि जो ब्लू लाइन है वो वाइट लाइन के ऊपर जाना चालू हो गई थी मतलब जो आउट परफॉर्मेंस था स्टॉक का वो आना चालू हो गया था तो अब जयन एरगेशन न सिर्फ प्राइस में बढ़ने वाला था बल्कि निफ्टी को बीट करते हुए बढ़ने वाला था तो आप देखेंगे कि जो रैली आई है उसके बाद यहाँ से फोर्टी वाला स्टॉक कुछ ही दिनों में इनफैक्ट कुछ ही हफ्तों में सिक्सटी एट के आसपास तक पहुँच गया था जो कि पचास तेजी है इन लेस देन वन मंथ एंड दैट्स फिनोमिनल राइट और उसके बाद उसने जो एग्जिट सिग्नल दिया है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे का क्रॉस ओवर आ गया था तो करीबन साठ रुपये के आसपास आपको उसने एग्जिट सिग्नल दे दिया था सो so, इस टूल की मदद से न सिर्फ आप एक ऐसे घोड़े पे दाव लगा रहे हैं जो कि तेज़ चल रहा है बिकॉज वो आउट परफॉर्म कर रहा है बट आपको एक एग्जिट स्ट्रैटेजी भी समझ में आ रही है कि भाई जब तक इसका आउट परफॉर्मेंस ख़त्म ना हो मैं स्टॉक को क्यों बेचूँ और जिस दिन ख़त्म हो जाए खाया पिया घर जाओ Uh, मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ब्रेकआउट के दिए हैं बट लास्ट uh, पिछले कुछ दिनों में मार्केट्स गिरा भी है तो एक दो एग्जाम्पल्स हम ब्रेकडाउन के भी कवर कर लेते हैं सॉरी पिछला स्लाइड पे आ जाता हूँ मैं डीवीज लैब में पिछले कुछ दिनों पहले और अगर आप टी uh, वी मुझे रेगुलरली सुनते हैं तो मैंने दो या तीन बार डीवीज पे सेल कॉल फायर किया था मॉर्निंग सेशन uh, में टी uh, वी बोला था कि इसमें सेल करके चलें उसका रीज़न यही था कि डीवीज पर जो है एक ट्राइंगल पैटर्न से ब्रेकडाउन आ रहा था ये आप देख सकते हैं चार्ट पे, ये जो ट्राएंगल पैटर्न मैंने बनाया यहाँ पे उसके नीचे प्राइस जा रहा था और जब प्राइस उसके नीचे जा रहा था तब ये ब्लू लाइन भी वाइट लाइन के नीचे जा रहा था करेक्ट तो स्टॉक ने न सिर्फ गिरना था बट मार्केट को अंडर परफॉर्म करते हुए गिरना था यानी स्पीड से गिरना था तो आप देखेंगे कि ये जो ब्रेकडाउन आया है ये आया था करीबन सोलह अक्टूबर को यानी कि एक एक डेढ़ हफ्ता पहले और उस दिन बंद था छत्तीस सौ पचपन रुपये और एक दो तीन सभी लाल कैंडल ही है मतलब ग्रीन कैंडल तो आए नहीं उसके बाद बट एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दिन बाद उसका बनता चौंतीस सौ रुपये तो ढाई सौ पॉइंट यानी करीबन एट परसेंट फॉल इन एट डेज और एक भी दिन उसमें ग्रीन कैंडल नहीं है राइट सो वेरी इंटरेस्टिंग टूल अच्छा अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है वेकअप गाइज आई होप यू आर फाइंडिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग मतलब आई नो इट्स पोस्ट लंच यार बट uh, <laughs> एक मैंने कहा था जो स्टॉक मैं कवर करूंगा वो है कोल इंडिया राइट right? सो so, कोल इंडिया भी अगेन काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बाय किया था मैंने भी किया था मैं बहुत खुश भी हुआ मैंने जैसे आपको बताया टू एटी थ्री पर प्रॉफ़िट बुक करके और चार दिन बाद बहुत दुखी भी हुआ कि क्यों किया मैंने ऐसा तो so, मैं जस्ट कवर कर लेता हूँ स्टॉक को जा कर के ये कोल इंडिया का वीकली चार्ट है आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न से इसने ब्रेकआउट दिया था ये ब्रेकआउट का दिन करीबन आठ सेप्टेम्बर के आसपास का है तो दो महीने भी नहीं हुए स्ट्रेट को अभी मुझे याद है दो सौ की एंट्री थी मेरी ये यहाँ पर और यहाँ से आप देखेंगे कि ब्लू लाइन जो है वाइट लाइन के ऊपर चल रही है करेक्ट मतलब कि कोल इंडियन ने बढ़ना है और मार्केट को बीट करते हुए बढ़ना है और उसका अभी तक सेल आया नहीं वैसे मतलब कल तक तो नहीं आया था सिस्टम में और स्टॉक का भाव तीन सौ है तो हाँ सर आज का देखा नहीं मैंने कल तक का डेटा है मेरे पास मतलब हाँ अच्छा आज तो अच्छा ही होगा आज तो सभी कुछ अच्छा है बट यहाँ पर भी आप देखेंगे कि स्टॉक ने और कोल इंडिया जैसा स्टॉक जिसे हम टिपिकली हम लोग सालों से जानते हैं कि ये लो बीटा स्टॉक है तो वही रीज़न था ना मेरी इंटेलिजेंस का कि हाँ ठीक है सिस्टम तो बाय में है पर मुझे पता है कोल इंडिया थोड़ी इतना बढ़ता है टू एटी में मस्त जा प्रॉफिट बुक किया बट कल तक तो तीन का भाव था स्टॉक में और अभी तक सिग्नल आया नहीं है सर आज का बता के जलाइएगा मत आप मेरे को प्राइज़ आप चेक कर रहे हैं मोबाइल में मैं समझ गया बट पहले जो जली हुई है सर उसको और जला के कोई फ़ायदा नहीं है थ्री वन फाइव चलिए हो गया मतलब वो रहा नहीं जाता जब तक कि आप उसको अच्छे से रब ना कर दे कि भाई अगली बार याद रखना ये मिस्टेक ना हो जाए वापस से बट जैसा मैंने बताया मिजीत भाई मिस्टेक फैमिली इतनी बड़ी है ये नहीं तो कोई और हो जाती है बट नेट नेट अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा है बट ये कोल इंडिया का चार्ट अगेन यहाँ पर आर ने बहुत ही प्यारा आउट परफॉर्मेंस का सिग्नल दिया था और उसके बाद से अभी तक आप देखेंगे स्टॉक मार्केट्स को बीट कर रहा है राइट निफ्टी 2000 हज़ार सॉरी दो हज़ार बीस हज़ार दोस्तों के ऊपर से करेक्ट होकर नीचे आ चुका है बट ये नियरली अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बना हुआ है सो so, एक तरीका ये हो गया ट्रेड करने का ठीक है कि आप प्राइस पैटर्न्स के साथ में आर एस इंडिकेटर को यूज़ कर लें बल्कि मैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया था अपने प्रेजेंटेशन में आप इस इंडिकेटर को किसी भी टेक्निकल इवेंट के साथ में आप इसको पेयर कर सकते हैं तो यहाँ पर आ, आ, कुछ इवेंट्स मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के लिए हैं टाटा कम्युनिकेशन करके स्टॉक था जो कि हमने काफ़ी अच्छा ट्रेड किया था उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ हफ्तों पहले इनफैक्ट कुछ दिनों पहले हफ्तों भी नहीं कुछ दिनों पहले टाटा कम्युनिकेशन में टेक्निकली एक ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन दिया था आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है और अभी तक जितनी बार ये स्टॉक ट्रेंड लाइन के पास आता था क्लोजिंग उसके नीचे नहीं आती थी तो प्राइस वहाँ से बाउंस बैक कर जाता था और इवेंचुअली वो ब्रेकडाउन जो है वो आपका रिकॉर्ड हुआ चार अक्टूबर को टाटा कम्युनिकेशन ने ट्रेन लाइन के नीचे बंद दिया और आप देखेंगे कि उसके कुछ दिन बाद जाके उसने अंडर परफॉर्मेंस का सिग्नल भी दिया तो जिस दिन ट्रेन लाइन ब्रेकआउट आया उस दिन नहीं ब्रेकडाउन आया उस दिन नहीं था उसके कुछ दिन बाद आया अगर आपने वहाँ से भी शॉर्ट किया होता जो कि करीबन अठारह के आसपास का प्राइस है तो वहाँ से भी ये दस अक्टूबर को और आज अगर आप देखेंगे तो तीस अक्टूबर हुआ नहीं है और पंद्रह तक स्टॉक गिर चुका है और उसके बाद आपको अगेन चार्ट एक के बाद एक एक के बाद एक लाल कैंडल ही दिख रहा है लगातार ये स्टॉक गिर ही रहा है क्योंकि इसने न सिर्फ गिरना है बल्कि अंडर परफॉर्म करते हुए गिरना है तो अपने आप अंदर एक एक्सीटर एक आ जाता है उसके सिमिलरली एक और सेटअप है कोफोर्स के चार्ट पच्चीस छब्बीस सेप्टेम्बर को उसमें स्टॉक में करेक्शन का सिग्नल आया था ट्रेन लाइन के नीचे स्टॉक ने डाउन दिया था ये देखिए आप ट्रेन लाइन बना हुआ यहां पर और यहाँ पर स्टॉक ने 25 छब्बीस सितंबर के आसपास इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन दिया था और तब से वो अंडर परफॉर्म करता हुआ ये ब्लू लाइन जो है वो वाइट के नीचे आ चुकी है मतलब कि अब ये अंडर परफॉर्म करेगा अंडर परफॉर्म करता हुआ स्टॉक गिर रहा है और ये जो लेवल था करीबन बावन सौ के आसपास का था और अब फोर्टी एट स्टॉक आ चुका है इन लेस देन अ मंथ एंड रिसेंटली जो मैंने ट्रेड लिया था जो मेरे पूरी मंदी में मेरा एक ही शॉर्ट ट्रेड था वो था एच की शॉर्टिंग ठीक है मैं टिपिकली ओवर द इयर्स मैंने स्टार्ट जैसे मैंने बताया कि मैंने स्टार्ट शंकर शर्मा के साथ किया था वहाँ पे ज़्यादा सेल कॉल्स थे एक टाइम पे मार्केट में मेरा निकनेम था मितेश मंदी मतलब ये आएगा तो कुछ ना कुछ मंदी का ही बोलेगा शंकर के साथ काम करके आए तो बट ओवर द ईयर आई हैव सीन दैट आई हैव चेंज एंड मैं मंदी कम करता हूँ बिकॉज वर्डिटी बहुत बढ़ जाता है तो खुद का जब पैसा लगता है ना तो आदमी को लगता है कि यार थोड़ा ठीक है ना ये फेस थोड़ा बाहर बैठ जाते हैं जा करके तो इस पूरा मंदी में मैंने जो स्टॉक शॉर्ट किया था वो था एच का और टी वी पर आई थिंक मेन्शन भी किया था ये तेईस तारीख का ब्रेकडाउन है मतलब कि तीन दिन पहले का ब्रेकडाउन है और अगर आप देखेंगे चार्ट पे एच तो एल ने ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन देना चालू किया था यहाँ पर ये जो इसका साइडवेज मूवमेंट चल रहा था उसके बाद से और उसी टाइम पे एच एल का जो ब्लू लाइन था वो वाइट लाइन के नीचे जा रहा था मतलब स्टॉक ने ना सिर्फ गिरना था बल्कि अंडर परफॉर्म करते हुए गिरना था तो फास्ट गिरना था तो काफ़ी टाइम बाद मैंने एक शॉर्ट साइड ट्रेड लिया और स्टॉक uh, uh, जिस दिन ब्रेकडाउन आया उस दिन और उसके अगले दिन और उसके अगले दिन uh, करीबन एक सौ नीचे गिर चुका था आज शायद थोड़ा ऊपर आया होगा तो मुझे उसका आइडिया नहीं है परंतु तो, स्टॉक uh, ने करीबन दो तीन दिन में ही uh, एक सौ पॉइंट का एक ट्रेडिंग मार्जिन आपको दे दिया था फिर आप अपने स्टॉप लॉसेस वगैरह ट्रेल करके इसको आगे ले जा सकते हैं ओके सेम कपल ऑफ मोर स्टॉक्स मैं कवर कर लेता हूँ एग्जांपल्स के रूप में तो इंडिया सीमेंट पे हम लोगों ने बीच में काफ़ी तेज़ी किया था परंतु तो उसने एक एक टाइम पे आकर के उसने बताया था कि भैया अब मुझे छोड़ दो अब हमसे आपका हम आपका पैसा बना के नहीं देंगे तो वो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया सीमेंट भी एक ट्रेड लाइन के साथ चल रहा था और अच्छा हाई बनाया एक टाइम पर जाकर के उसने टू के ऊपर क्लोजिंग दिया था उसके बाद यहाँ से कहीं से उसने आउट परफॉर्मेंस को छोड़ दिया वो था लेवल करीबन दो का कि 240 फोर्टी पर आगे उसने बोल दिया कि मैं जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था लगातार अपने हायर हाईज़ हायर लोज बना रहा था एक पैटर्न दिखा रहा था आप ट्रेंड का वो मैंने लाइन भी तोड़ दिया है और अंडर परफॉर्म करना भी चालू कर दिया है तो वो ब्रेक डाउन हुआ था इक्कीस सेप्टेम्बर uh, को और आज करीबन एक महीना हो गया और दो वाला स्टॉक दो सौ के आसपास कल ट्रेड कर रहा था सिमिलरली अच्छा और एग्जाम्पल दो कि हो गया है इतने में देख के बड़ा मज़ा आ रहा है सर जो बीच का जो जो बीच का लाइन है वो एक्चुअल रेशियो लाइन है उसके ऊपर हमने दो मूविंग एवरेज प्लॉट करके वो दो मूविंग एवरेज को सिग्नल के रूप में यूज कर रहे हैं तो प्राइस रेशियो लाइन और सिग्नल्स वो तीन चार्ट बना रखे मैंने उसको आप उसको हाइड कर सकते हैं सर उसको देखने का कोई वो नहीं है आप उसको हाइड कर सकते हैं परंतु तो मुझे चूंकि वो टॉपिक मेरा वो इंडिकेटर है मुझे वो दिखाना जरूरी है यहाँ पे जा करके Good. <laughs> <laughs> एक मिनट सर।, तो सर आगे जैसे जैसे स्टॉक्स में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आते रहते हैं वैसे वैसे उसमें पोजीशंस लेते रहते हैं मतलब मैं शॉर्ट साइड पोजीशंस खुद पर्सनली कम ट्रेड करता हूं, बिकॉज इधर साइड वालिटी काफी बढ़ जाती है तो मेरे को इतना पसंद नहीं है एंड बट टी वी पर कॉल्स इसी बेसिस पे आते हैं तो अभी आई थिंक काफ़ी टाइम बाद बादविंदो फार्मा ने एक ब्रेकडाउन दिया था और उसने भी सेम अभी दो तीन दिन पहले की बात है मैं एक बार चार्ट लगा के दिखा देता हूँ आपको तो वो भी रिकमेंडेशन uh, में भी आ गया था जबकि मैंने पोजिशन नहीं लिया उसमें जा कर के बट तो आप देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न से इसने नीचे की तरफ बंद देना चालू कर दिया था ये यहाँ पर करेक्ट और साथ ही में एक दो दिन बाद उसने ब्लू लाइन ने भी उसी टाइम पे वाइट के नीचे आ गया था तो नेक्स्ट स्टॉक जो बड़ा करेक्शन दे सकता है वो अरविंदो फार्मा है ऑलरेडी गिरना चालू हो गया था कल तक अब आज था शायद थोड़ा ऊपर होगा बट इवेंचुअली आई थिंक अब वो एक सीरीज ऑफ लोअर हाइज लोअर लोअस बनाएगा तो सर मतलब ये कैसा है कि ये प्रोडक्ट नहीं कर रहा है ये आपको ब्रेकआउट को कन्फर्म कर रहा है और बोल रहा है कि आप इसमें ट्रेड लो तो आगे का प्रोडिक्शन इस इंडिकेटर पर मैं नहीं कर सकता बट जब मुझे ट्रेड लेना होता है तब मैं इसको एज अ फिल्टर यूज़ करता हूँ कि भाई अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है तो कम से कम स्टॉक आउट परफॉर्म करने वाला तो हो जैसे कि मैंने यहाँ पर सर एक एग्जाम्पल दिया था एच का एच यू एल में ब्रेकआउट तो आया था ऊपर की तरफ परंतु तो जो व्हाइट लाइन था ये जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया था ये जो वाइट लाइन था वो ब्लू के ऊपर था तो अंडर परफॉर्म करने वाला था तो ब्रेकआउट फेल हो गया तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड करो मतलब ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है सर कि कहाँ पे नया हाई बनने के बावजूद भी आपको वो स्टॉक को अवॉइड करना है क्योंकि नया हाई बनने के बाद भी वो स्टॉक आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है हाँ प्राइस ऊपर गया है पर पैसा उसमें ज़्यादा आ नहीं रहा है सर आउट परफॉर्मेंस बेसिकली कहाँ से आता है जब आप उसमें पैसा डालते रहते हो फॉर एग्ज़ाम्पल अपना एक आपका फेवरेट स्टॉक जी एम डी सी आई जाता हूँ घूम फिर के सो <laughs> so, जी एम डी सी का जब यह ब्रेकआउट आया था ये मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रखा है ये ब्रेकआउट आया था एक सौ पचहत्तर अस्सी के आसपास ये ब्रेकआउट आया था और उसी टाइम पर आप देखेंगे कि ब्लू लाइन भी वाइट के ऊपर आ गया था तो स्टॉक ने न सिर्फ बढ़ना था बल्कि आउट परफॉर्म करते हुए बढ़ना था और ये सिग्नल अभी तक रिवर्स हुआ नहीं है मिनिमम चार्ज दिखा है हाँ हमारी फोन पर बात हुई थी मैंने कहा था कि सर दो सौ पचहत्तर अस्सी तो कहीं नहीं गया मतलब अभी आ जाएगा ऐसा लगता है और वो तीन सौ अस्सी क्रॉस कर गया <laughs> सर मेरा तीन सौ अस्सी बिका ना करेक्ट करेक्ट सो चार सौ पैंतीस गया एंड सी दैट इज़ द आइडिया सी अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो आप चाहेंगे ना कि आपके पास वो घोड़ा हो जो अगर अव्वल नंबर पर नहीं आता तो कम से कम एटलीस्ट टॉप थ्री में तो आए इतना तेज़ भागे कि कम से कम, से कम सिल्वर मेडल तो लेके आए या ब्रॉन्स मेडल तो लेके आए उतना भी है तो हम ट्रेडर्स लोग खुश हैं अच्छा उसके अलावा फायदा यह होता है जैसा मैंने आपको कई एग्जाम्पल्स में बताया कि एक या दो महीने में पचास परसेंट साठ परसेंट सत्तर परसेंट का मूवमेंट ऐसे स्टॉक्स दिखा देते हैं जो पैटर्न बनाने के बाद आउट परफॉर्मेंस में आते हैं एंड दैट इज़ अ फिनोमिनली हाई रिटर्न सर एक ऐसा घोड़ा पकड़ा ना तो पाँच गधों का ट्रेड निकल जाता है राइट फाइव मिस्टेक्स विच यू डू विल बी फुलफिल्ड बाई वन गुड ट्रेड बहुत सिंपल है और ट्रेडिंग में अगर आपकी एक्यूरेसी 50 परसेंट है 60 परसेंट है और अगर आप साथ में ये यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि जहाँ पे आप राइट right होंगे वहाँ पे आप बड़े राइट right होंगे और जहाँ पे आप रॉन्ग जा रहे हैं वहाँ पे छोटे मोटे लॉसेस करके निकल जाएंगे और ट्रेडिंग का रूल वही है मतलब लोग मुझे पूछते हैं कि मितेश भाई इतना साल हो गया क्या आपका एक्यूरेसी रिशो है तो मैं बोलता हूँ पचपन के आसपास होगा तो ऐसा मुँह देखता हो रहा बस वो उधर पर इंस्टाग्राम पर तो नब्बे परसेंट पंचानवे परसेंट चल रहा है ना आजकल आपको पता भी फिर फाइन भी लगता है सभी का वो सब ठीक है बट सो पीपल गेट सरप्राइज एंड देन आई टेल देम कि भाई ऐसा है कि अगर आप इंटरनेशनल पब्लिकेशन पढ़ेंगे और वहाँ पर वो लोग बेस्ट ग्लोबल ट्रेडर्स का इंटरव्यूज छापते हैं एवरेज उन्होंने एक बार पोल किया था तो उसमें रिजल्ट आया था कि 43 थ्री परसेंट एक्ूरेसी है बेस्ट ट्रेडर्स का जो वर्ल्ड में बेस्ट ट्रेडर्स है उनका पर क्यों 43 परसेंट में वो लोग खुश हैं या बेस्ट ट्रेडर्स हैं क्योंकि जब खोते तो इतना सा खोते हैं जब बनाते तो इतना बनाते उसका एक बहुत बड़ा रूल है आई थिंक जीतू भाई उसको बहुत रिकमेंड करते हो मैं अभी तक उस पर मास्टरी नहीं कर पाया हूँ वो है ऊपर में पिरामिड करना सर वो एक अभी भी मैं धीमे धीमे आया हूँ पर पूरा अभी तक बहुत बहुत रास्ता दूर है अभी सर तो जितना ये ग्रे होगा ना उतना ट्रेडिंग अच्छा होगा मेरा तो अभी आ रहा हूँ उस तरफ मैं <laughs> आपका ऑलरेडी हो गया तो आपका अच्छा हो गया बट या कमिंग बैक टू दिस तो आप देखेंगे जी ने जो आउट परफॉर्मेंस का सिग्नल दिया था एक सौ के आसपास ये जो रेक्टेंगल का ब्रेकआउट था तब से लेकर अभी तक यानी कि कल तक स्टॉक आउट परफॉर्मेंस मोड में ही है और ये ब्रेकआउट आया था 22 अगस्त को सो तो दो महीना ही हुआ है एक वाला स्टॉक तीन के आसपास बैठा हुआ है करेक्ट डबल हो गया दो महीने में और यही तो मैं बोल रहा था कि एक घोड़ा ऐसा मिल गया तो पांच गधे अपन पाल सकते हैं फिर जा करके मैं पालना नहीं है तो सिर्फ बता रहा हूँ मैं ठीक है सेम आई थिंक सर एन में भी हमारा बात हुआ था तो सेम सिग्नल्स एन में भी थे ये यहाँ पर इसने एक राउंडिंग सिग्नल का फॉर्मेशन दिया था कि ये लाइन के ऊपर जाके राउंडिंग कम्प्लीट करेगा और आप देखेंगे कि जब ये ब्रेकआउट आया तो ये ब्लू लाइन ऑलरेडी वाइट लाइन के ऊपर था राइट और वहाँ से एनएमडीसी जैसा स्टॉक क्योंकि रो रो के दस रुपया नहीं चलता है डेढ़ महीने के अंदर अंदर पचास रुपया बढ़ गया विच इज अबाउट फोर्टी फाइव परसेंट अमेजिंग परफॉर्मेंस इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जहां पे आपको इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिख रहा है और साथ में अगर आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस का सिग्नल है